हाई एवरी वन वेलकम टू यू जी एंट्रेस एग्जामिशन बार एज वो सेवन आप सभी लोगों का आज वहीं फोर सेवन के चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है सो आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी और नॉट प्लीज डू लेट मी नो एट वंस मुझे जल्दी जल्दी फटाफट फड़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए एंड थैंक यू सो मच जो भी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़े विशेष लिख रहे हैं हो सकता है कि मैं बार बार आपके कॉमेंट्स नहीं ले पाऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके कॉमेंट्स लिए हैं और आपको बता बताती चलूँ कि इस वीडियो सेशन में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं आपकी पूरी फ्लेमिंगो बुक

सो यशिका इज कनेक्टेड सुनीता इज कनेक्टेड रचाज कनेक्टेड जोगिया इज कनेक्टेड एंड दर सो मेनी स्टूडेंट्स दीपू इज कनेक्टेड सो एक बार जल्दी जल्दी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए दैट आर यू ऑल रेडी फॉर द रिविजन क्या आप सब लोग तैयार हैं रिविजन के लिए तो फिर हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को थैंक यू सो मच गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक बार फटाफट हार्ट ठीक है फायर इमोजीज कमेंट सेक्शन में भर गर, भर भर के मुझे बता दो दैट आर यू ऑल रेडी क्या आप सब लोग तैयार हैं अगर तैयार हैं तो फिर हम हमारी आज की मैराथन को शुरू करेंगे विद सो मच इंतुसियाज ग्रेट 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 अमेजिंग 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 सो लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूर फ्लिंग बुक जिसका नाम है लास्ट लेसन आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट लेसन के राइटर कौन है तो मैं आप लोगों से बीच बीच में मीन वाइल क्वेश्चन पूछती रहूंगी और आप लोग उन क्वेश्चन के मुझे आंसर्स देते रहेंगे सो so जल्दी से आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए लास्ट लेसन के राइटर कौन है उज द राइटर ऑफ लास्ट लेसन तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ ठीक है ना लास्ट लेसन की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है फ्रांस फ्रांस जो कि नरेटर ऑफ द

लेकिन सबसे अजीबो गरीब बात यह है कि फ्रांस जो स्कूल टीचर जिनसे यह पढ़ता है जो कि इसके फ्रेंच के टीचर है उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अब फ्रांस के जो स्कूल टीचर है उनका नाम क्या है उनका नाम है एम ठीक है ना और इसको फ्रेंच पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता ठीक है तो हम लोगों को यहां पर स्टोरी में और आगे क्या पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है जो कि बर्लिन से आया है उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद आज के बाद ठीक है फ्रांस में फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सास और लॉरिन ये आपको याद रखना है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी इनके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यहां पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी बर्मन लैंग्वेज इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीछे एक सिमलसर रीजन है जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया है ठीक है तो फिर हमें आगे क्या पता चलता है फर्दर मोर इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एम एमहैम लास्ट डे अब क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी तो जो एम हेमल हैं जो टीचर हैं वो भी स्कूल में नहीं दिखाई देंगे आज के बाद जस्ट इमेजिन कि जिस टीचर से आप हमेशा पढ़ते हो उस टीचर को आपको टाटा बाय कहना पड़े तो कैसा लगेगा चाहे वो टीचर आपको पसंद हो या फिर वो टीचर आपको ना पसंद हो ठीक है तो आपको क्या लगता है आपको अचानक से एक बहुत सारे इमोशन्स जागने लगते हैं आपको लगता है वो क्या मैं आप इस टीचर को कभी नहीं देख पाऊंगा वो क्या मैं आप टीचर से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा तो ऐसे फीलिंग्स जनरेट होती हैं आपके अंदर फिर क्या होता है आपको पता चलेगा कि जो एमहमल हैं वो इस स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे हैं और ये जो टीचर हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिज्म की भावना है तभी इनको अपनी, अपनी बच्चों तक भी पहुंचा रहे हैं आज अपनी आखिरी लेसन के थ्रू और आपको स्टोरी में ये भी पता चलेगा कि आज वो आपको बहुत ही nostalgic दिखाई दे रहे हैं Nostalgic का मतलब क्या होता है एक ऐसा इंसान जो कि अपनी पास्ट की मेमरीज में खोया हुआ है ऐसी मेमरीज जो बहुत प्यारी थी

उस दिन स्कूल में बहुत सारे लोग आए हुए थे मतलब जनरली वहां पर बच्चे होते थे लेकिन बच्चों के अलावा आज तीन डिफरेंट पर्सनैलिटीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वो कौन कौन थे कुछ ओल्ड विलेजर्स है ना जिसमें आपको ओल्ड मेयर दिखाई देगा ओल्ड पोस्टमैन दिखाई देगा ठीक है ना और एक हॉस्टल भी दिखाई देगा ये सब वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज को और एम हामिल को रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे ठीक है और पूरा का पूरा विलेज इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट में था कि भाई क्या करें आज हम बहुत दुखी हैं हमने लाइफ टाइम में कभी भी ऐसा क्यों नहीं किया हमने पहले कभी भी ये एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए कि हम लोग क्या कर सकते हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ सकते काश अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ सकते तो आज ये ना होता आज जर्मनी फ्रांस पे आकर के कब्जा ना करती ठीक है तो ये लोग बहुत सैड हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी है अपनी मदर लैंग्वेज को या मदर टंग को सीखने की फाइन अरे वाह रेड कैप नहीं है नो इट्स नॉट रेड कैप या वेरी गुड सो याद रखिएगा this, this really कि इन्होंने जो कोट पहना हुआ है वो ग्रीन कलर का है और इनकी जो कैप है वो कौन से कलर की है वो ब्लैक कलर की है ठीक है अच्छा मुझे जल्दी से फटाफट -फ़ड़ कमेंट सेक्शन में ये भी बता दो कि जितनी भी विलेजर्स थे उनके अलावा वहां पर एक एनिमल या फिर बर्ड में भी कोई था सो वो कौन सा बर्ड यहां पर एज अ कैरेक्टर यूज किया गया है जो एमहामल की क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहा था फाइन फाइन <coughs> अच्छा अच्छा फ्रांस जब स्कूल आता है तो उसे पता चलता है कि एक बहुत ही शॉकिंग सी न्यूज और वो शॉकिंग सी न्यूज क्या होती है उसे पता चलता है कि आज के बाद से हम लोग उसको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे ठीक है ना आज के बाद से उसको फ्रेंच लेसन भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है बहुत ही बहुत ही दुखी हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया मैंने पहले कभी पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करी और आज अचानक से उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है है ना सो so, वो शौक इस बात से है कि उसे फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ने के लिए मिलेगी फर्दर मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन अ सडन इंटरेस्ट अराइजेस इन हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी चीज को लास्ट टाइम कर रहे होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उसमें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है हमको लगता है ओ काश हम इसको और बेटर तरीके से कर पाते काश हम इसको और बेहतर तरीके से कर पाते लेकिन हमने नहीं किया सो so, वो रिग्रेट वो फील हमेशा आपके अंदर क्या रह जाता है कि मैंने क्यों नहीं किया मैं पहले भी तो उसको कर सकता था

ठीक है ओके कार्तिक तो आंसर्स आ गए हैं पिजन की गलत हैं। स्पेलिंग गलत लिख रहे हो स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना ना ये तो मार्क्स कटते हैं yeah, so, so या वेरी गुड सो देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु जो एनिमल या कैरेक्टर आप बोल सकते हो जो बर्ड वहां पर आपको देखने के लिए मिली थी वो कौन थी पिजन जो उनके क्लास में बैठ करके क्या कर रही थी पढ़ रही थी नाउ हेज फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर हिम सडनली केम टू हेन एंड अब एम हामिल के लिए जो उसके मन में बुराई थी नफरत थी वो प्यार में बदल चुकी थी है ना फ्रेंड्स रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी फॉर हेज टीचर अचानक से उसके मन में आ गया था वो एम हामिल कितने टीचर हैं है ना कितना ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है ये सारी चीजें उसके मन में डेवलप हो गई थी फ्रेंड सैड अनेबल टू रिसाइड हिज लेसन अब फ्रांस को उस दिन जब स्कूल जाना था तो उसको एक लेसन लर्न करके जाना था जैसे हमारे यहां ग्रामर में अलग अलग, अलग चैप्टर्स होते हैं वैसे ही हो सकता है फ्रेंच लैंग्वेज में भी एक चैप्टर हो पार्टिसिपल जो उसको पढ़ करके जाना था लेकिन उसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था और टीचर उससे क्वेश्चन करने वाले थे तो वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था जाने के लिए तो आज उसे सैड फील हो रहा था कि उसने आखिर क्यों नहीं पढ़ाई करी काश वो अच्छे से पढ़ाई करता तो ऐसा ना होता काश उसने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो फिर उसको इतना शर्मिंदा ना होना पड़ रहा होता और आज उसे अपनी मदर लैंग्वेज को छोड़ना ना पड़ रहा होता एम हामल लास्ट एक्सप्लेन करते हैं कि दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर ईगरनेस टू लर्न एम एमहाम कहते हैं देखो हम लोगों से कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना हमने कभी कोशिश ही नहीं करी अपनी मदर लैंग्वेज को लर्न करने की तो हम सब गलत हैं इसमें वो किसको किसको इंक्लूड करते हैं पेरेंट्स को टीचर्स को टीचर्स को मतलब टीचर वो खुद हैं और बच्चों को भी तो अब आप मुझे ये बताइए आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एम हामिल ने अपनी गलती क्यों बताई कि अपनी लैंग्वेज लर्न करने में कहाँ पे वो गलत थे वो तो हमेशा से पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से उन्हें फील हो रहा है कि नहीं आई कैन ऑल्सो बी सेट एज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि मैंने बच्चों को नहीं सिखाया सो so उन्होंने कहा पे गलती की थी आप दो रीजन दो मुझे फटाफट फ़ड़ कमेंट सेक्शन में ठीक है अच्छा यहां पे आपको पता चलेगा उन्होंने अपने आप को बताया फॉल्ट पे ठीक है ना उन्होंने लैक ऑफ सिंस्योरिटी की बात करी है टीचिंग में फिर उसके बाद यहाँ पे पता चलेगा आपको दर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेट्रियाटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज वो जब बात कर रहे थे तो बार बार वो अपनी जो भाषा है उसको बहुत ही ज्यादा बोस्ट कर रहे थे या आप ऐसे बोल सकते हो कि उसकी बहुत सारी तारीफें कर रहे है थे है ना ही सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड और वो ये भी कह रहे थे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज कौन सी है आपकी अपनी मदर लंग मदर टंग ठीक है तो यहाँ पे उनकी मदर टंग कौन सी है फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज राइट सो इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है उसमें आपको बहुत सारी फीलिंग्स दिखाई देती हैं और सबसे ज्यादा अगर आपको कोई इमोशनल दिखाई दे रहा है तो वो एम हामिल है और एम हामिल के बाद वो सारे स्टूडेंट्स चुप के अम हामिल के क्लास में बैठे हैं पढ़ने के लिए इट सीम्स दैट एम हामिल गॉट इमोशनल ऑन हिज ऑकेजन इस ऑकेजन में वो आपको बहुत ही दुखी दिखाई देंगे और तो और आपको ये भी पता चलेगा कि वो कहते हैं कि देखो तुम ही लोग हो लैंग्वेज को गार्ड कर सकते हो ठीक है ना अगर हम स्लेवरी की तरफ जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज हमारे लिए की, की तरह काम करती है जो हमें उस स्लेवरी से बाहर निकाल करके लेकर के आती है राइट और उसके बाद फिर वो एंड करते हैं अपनी क्लास को और जब अपनी क्लास को एंड कर रहे होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि वंस लैंग्वेज इज अ वे टू स्केप द्लाचेज ऑफ स्लेवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप अंडरलाइन कर लेना <laughs> क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर का थीम भी दिखाता है सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज द लैंग्वेज विल देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दअर मदर टंग इस तरीके से जो लैंग्वेज है वो उनको मदद करेगी कि वो फ्रीडम की तरफ जाए जर्मनी से उनको आज़ादी मिले और साथ ही साथ में उनको ये भी पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में उनकी मदर टंग की राइट सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी मुझे एक बार फटाफट कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो सबको इतना क्लियर हो गया यहां तक ठीक है अब यहां पर आपको यह भी पता चलेगा दे फील द रीजन फॉर डिफीट इज जो उनको हराने वाली वजह थी मतलब जर्मनी ने उनके ऊपर कब्जा किया था उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा था कि वो लोग इलिटरेट थे उन्होंने कभी अपनी लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं करी फ्रांस ये भी फील कर रहा था कि इट इज इंपॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम वंस पर्सन कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी चीज़ों को छोड़ना आपके मन से अपनी चीज़ कभी भी नहीं जाती दिस इज बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल टू अ पर्सन हमें अपनी चीज़ों से बहुत प्यार होता है चाहे वो हमें पसंद हो चाहे हमें ना पसंद हो राइट right? तो इंसान को अपनी चीज़ों से प्यार होता है भले ही उसको वो पसंद हो चाहे ना पसंद हो और यही वजह है कि चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो विलेजर्स हो चाहे वो एम हो सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो आज अपनी मदर टंग को छोड़ने वाले हैं उनसे उनकी मदर टंग क्या हो रही है जुदा हो रही है राइट

अगले को वो उसकी नियर डियर चीजों से दूर कर सके बट वो नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे अंदर इनहेरिटेड होती है इनबिल्ट होती है है so, सो इस लास्ट लेसन का आपका कंक्लूजन क्या बनता है? कि हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी चीजों को सीखे जाने क्योंकि वही उसको जो क्रूशल टाइम होते हैं उसमें क्या करती है सेफ करती है सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी मुझे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए इतना क्लियर हो गया आप सभी लोगों को एवरीबडी

जल्दी बताइए ग्रेट पेल्पेबल आफ्टर द चैप्टर्स कंप्लीशन द पोम विल स्टार्ट बताइए हाँ रीडिंग कॉम्प्रीएशन का ट्रिक मैं बताऊंगी आपके लिए सारे सेशंस अलाइंड है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी आपको सेशन प्रोवाइड किया जाएगा आप टेंशन मत लो

तो बताओ स्प्रिंग का मतलब क्या है? लो स्प्रिंग यहां पर क्या दे रहा है? इस के जो टाइटल है, है, आप आप है। ठीक so है जिसमें दो मेजर कैरेक्टर्स है आपके दो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरीज है एक है छोटा सा बच्चा जो कि एक पिकर है और वो कूड़ा बिनता है उसका नाम है साहेब आलम हालांकि उसके नाम का जो मतलब है वो उसकी रियलिटी से बहुत दूर दूर तक कोई नहीं रखता दूसरे बच्चे की कहानी सुनाई गई है यहां पे मुकेश जो एक डांगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है बेस्ट सीजन ऑफ लाइफ अच्छा देखो एक्चुअली में क्या होता है ना जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें आपने देखा होगा फ्लावर्स खिलते हैं खिलते हैं ना फ्लावर्स तो अब यहां पर आपने छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों को देखा होगा उनकी जो छोटी छोटी एज होती है उसमें वो ग्रो कर रहे होते हैं जैसे स्प्रिंग में फूल खेलते हैं ना वैसे छोटे छोटे बच्चे अपने चाइल्डहुड में ग्रो कर रहे होते हैं है ना लेकिन ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना जो पैकिंग में इन्वॉल्व हैं है, उनका बचपना है, है।, है दो मेन कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दिए है एक फ्रांस है और दूसरा मुकेश है और दोनों के ही बचपन किस तरह से खो रहे हैं किस तरीके से ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करते हैं किस तरीके से इनका बचपना खो रहा है ये आपको बताया गया है राइट सो अब आपका

ढाका जो है वहां पर बहुत आंधी तूफान आते हैं तो वहां पर आंधी तूफान आने की वजह से लोग अपनी जगहें छोड़ छोड़ करके बाहर निकलते हैं इन सर्च ऑफ सरवाइवल है ना तो बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो इन सर्च ऑफ सरवाइवल कहां भाग करके चले आए दिल्ली में और दिल्ली में वो दिल्ली के आउटस्कर्ट में रह रहे हैं और दिल्ली का आउटस्कर्ट कौन सी जगह है सीमापुरी ठीक है कचरा उठाने वाला वेरी गुड वेरी नाइस सो पहले पार्ट में आपको कहानी सुनाई गई है उन कचरा उठाने वालों की जो कहां से आए हैं बांग्लादेश से आए सो दैट इज वाई इट इज रिटर्न द रैकपिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका ढाका विच इज द कैपिटल ऑफ वट ढाका विच इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश फर्दर मोर यहां पर आपको बताया गया है कि ये जो रैक पिकर्स हैं वो भी कहां पर रहते हैं सीमापुरी में सीमापुरी क्या है दिस इज द आउटस्कर्ट ऑफ डेली फाइन डिस्ट्रक्शन हैज कम इन दीज एंड होम्स ड्यू टू द स्ट्रॉ अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो लोग यहाँ वहां से यहां क्यों आ गए क्योंकि उनकी जो फील्ड्स थी उनके जो घर्स थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं वेन जब आंधी तूफान आया तब फाइन सो इस वजह से इनको नहीं चाहते हुए भी यहां पे आना पड़ा इन सर्च ऑफ सर्वाइवल नाउ दे हैड कम टू बिग सिटी इन होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर ठीक है ना नेक्स्ट इज हाउ एवर द रियलिटी वॉज इन फैक्ट पेनफुल फॉर देम एंड दे हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इन लोगों को लगा था कि जब ये लोग दिल्ली आएंगे तो दिल्ली बड़ा शहर है यहाँ पे बहुत सारे कमाने की अपॉर्चुनिटीज होंगी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा या पेरीफेरी ऑफ डेही का मतलब ही होता है द आउटस्कर्ट ऑफ डेली राइट सो so, इनको लगा था कि जब ये लोग ऐसी जगह पर आएंगे जहां पर एक बड़ा सा शहर है सोचो ना बड़ा शहर बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकिन एक्चुअली में इनको यहाँ पे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं Instead, इनको यहां पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ना इन्हें ढंग के घर मिले रहने के लिए है ना का काम मिला करने के लिए उन्हें नए नए ढंग का खाना मिला खाने के लिए सो so, जब ये सीमापुरी आए पेरेफेरी ऑफ डेली या फिर आउटस्कर्ट ऑफ डेली तो इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इनके पास बहुत गरीबी रही और साथ ही साथ में इनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज भी रहे अभी भी लैक ऑफ रिसोर्सेज में ही ये जी रहे हैं ये एक आम इंसान जैसे जिंदगी जीता है ना एक अच्छी लाइफ वो ये कभी नहीं जी सकते राइट वॉचेज साहेब एवरी मॉर्निंग एज ई स्काउज फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड अब आपको पता है आपके आसपास बहुत सारा कचरा होता है कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर कचरा फेंका जाता है सो so वैसे ही जंग सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उनके घर के बाहर कचरा वचरा फेंका जाता है वहां पे छोटे छोटे नन्हे-नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाते हैं और आकर के मतलब ऐसे खोद स्काउंजिंग मतलब ऐसे खोदते हैं किसको कचरे को कि उन्हें कुछ स्पेशल मिल जाए एक रुपये का सिक्का दो रुपए का सिक्का है ना दस रुपये का सिक्का है ना या फिर उनको कुछ स्पेशल चीज़ मिल जाए उनके खेलने कूदने की जैसे मैं अपने घर के बाहर जब निकलती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो स्केट्स वगैरह हम लोग फेंक देते हैं जो जूते वगैरह हम लोग फेंक देते हैं ना दे यूज इट वो उसको यूज़ करते हैं और अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं और कुछ बेटर करते हैं उसमें सो so, हर रोज सुबह अनस जंग को ये बच्चे मिलते हैं और वो क्या करते हैं स्क्राउन करते हैं उस गार्बेज को और गार्बेज को स्क्राउच करने के बाद उन्हें क्या मिलता है गोल्ड है ना सो so, आप मुझे बताओ कि जिस गोल्ड के लिए ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सर्च कर रहे हैं वो गोल्ड है क्या एक्चुअली में कैन यू गिव मी द आंसर सर्चिंग स्क्राउंडिंग वेरी गुड सो वॉट इज गोल्ड फॉर देम है ना इन छोटे छोटे बच्चों के लिए गोल्ड क्या है आपको बताना है द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज बैक पिकर्स इज द गार्बेज इनके लिए जिंदगी जीने का मतलब क्या है गार्बेज गार्बेज इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है गार्बेज इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल इसलिए है क्योंकि इसी से ही अपना गुजर बसर करते हैं कि इनके लिए पिकर्स के लिए बट इट हैज टू डेफिनेशन गार्बेज के दो तो अलग अलग डेफिनेशन है दो तो अलग अलग पर्सनैलिटीज के लिए एक तो बच्चों के लिए इट्स फुल ऑफ वंडर मतलब इनमें उसको बहुत अमेजिंग चीजें मिलने वाली हैं जबकि बड़ों के लिए मीन्स ऑफ क्या है सर्वाइवल वो इससे पैसा कमाते लेकिन बच्चे पैसा नहीं कमाते बच्चे मजे करते हैं इसमें राइट सो फॉर द मोर फॉर द चिल्ड्रेन इट इज अ वंडरस थिंग तो ये दोनों लाइंस आपको याद रखनी है कि हाउ इज इट डिफरेंट बोथ ऑफ देम बच्चों के लिए कैसे डिफरेंट है और कैसे ये किसके लिए डिफरेंट है बड़ों के लिए राइट द आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट या दे गॉट रैप्ड वंडर इन इट है ना उनको एक रुपए का कॉइन दो रुपए का कॉइन जो मिल जाता है वही उनके लिए क्या है गोल्ड है गॉट इट क्लियर है सबको ना लेट्स मूव अड दीज पीपल हैव एम्बिशन एंड डिजायर्स इनके पास भी एंबिशंस और डिजायर्स होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो इन्हें फुलफिल नहीं कर पाते द प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट नो द वे टू मेक दम पॉसिबल हर किसी के पास सपने होते हैं एवरीबडी हैज ड्रीम आप सोचोगे ना एक कूड़ा बनते हैं इनके पास कोई सपना नहीं होता होते हैं लेकिन असली बात यह है कि इन्हें पता नहीं होता कि उन सपनों को साकार कैसे करना अगर कोई आए इनको बता दे कि तुम अपने सपने ऐसे साकार कर सकते हो तो ये लोग कर लेंगे लेकिन ये नहीं कर सकते इनकी जिंदगी इसी में जा रही है, है ना सो so, इनके लिए सपने पूरे करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दीज आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर अनएबल टू रीच कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन तक ये कभी पहुंच नहीं सकते जैसे कि इनके सपने फिर आपको स्टोरी में ये भी पता चलेगा कि साहेब अभी तक तो रैकपिकिंग कर रहा था लेकिन जब वो थोड़े दिन बाद अनिश जंग को वापस मिलता है तो वो देखती हैं कि अनिश जंग की इस बच्चे ने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अनीस जंग ने क्या देखा क्या नोटिस किया कि पहले जो साहिब आलम था वो एक रैकपेकर था लेकिन अब वो क्या बन चुका है है ना जल्दी से बताओ <laughs> और आपको मैं यहां एक और चीज बता दू कि बीच में जब अनीस जंग इनको मिलती है और इनसे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते तो ये बोलते हैं कि हमारे यहां वाले बनाते ही नहीं है स्कूल अगर स्कूल बनाएंगे तो हम जाएंगे तो अनीस जंग बोलती हैं कि मैं बनाऊंगी तो तुम आओगे मजाक मजाक में तो कहता है हाँ मैं आऊँगा ज़रूर आऊँगा हंस करके बोलता है तो अनीस जंग जो है एक दिन ऐसे ही चलते फिरते मिल लेती हैं वापस इस रैक्टिकर से साहिब आलम से सो साहिब आलम इनको पूछता है कि आपने स्कूल बना दिया तो अनीस जंग बेचारी एम्बेस्ड हो जाती हैं द रीज़न बिहाइंड वॉज कि उनको लगता है मेरे जैसे झूठे प्रोमिस कितने सारे लोग करते होंगे या नाउ ही वर्कड इन अ टी स्टॉल अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है और बहुत बेसिक सैलरी के साथ वो काम करता है ठीक है चलो

आज भी उनकी लाइफ उसी प्रॉब्लम में है उसी दिक्कत में है ठीक है ना आपको ये पता चलेगा कि आज उसने अपना रैकपेकिंग करने वाला जो बैग था वो हटा दिया है लेकिन अब वो कैनिस्टर लेकर के चलता है तो उसका जो बैग है वो उसके लिए काफी लाइट वेटेड है इंस्टेड ऑफ दैट कैनिस्टर क्योंकि जब तक उसके पास वो बैग था तब तक उसके पास फ्रीडम था लेकिन जब से उसने केनेस्टर उठाया है तब से उसका फ्रीडम चला गया क्योंकि जब से उसके पास फ्रीडम गया है वो कैसे गया है क्योंकि उसे हर बात अपने किसकी सुननी पड़ती है मालिक की जिसके यहाँ वो काम करता है क्योंकि वो उसे पैसा पे करते हैं सो so, अगर आप किसी को आ, किसी के लिए काम कर रहे हो और वो आपको पैसा पे कर रहा है तो आप उसके यहाँ के एक बंधुआ मजदूर बन जाते हो राइट सो यहाँ पे ये मजदूरी कर रहा है और ये बंधुआ मजदूर बन चुका है उस चीज स्टॉल का इसी वजह से ये फ्री फील नहीं करता सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे आप कह सकते हो कि वो कैनिस्टर इज हैवी है ना फ्रॉम दैट बैग जो वो रैकपिंग रैकपिंग के लिए यूज करता था साहेब आला सो so आप ये बताओगे कि वो उसका खुद का बैग था तब वो फ्री था है ना वो अपनी चॉइस से जिंदगी जी सकता था लेकिन अब वो किसी का स्लेव है है ना वो टी स्टॉल के ओनर का नेक्स्ट स्टोरी आपकी इसमें पूछी जाती है ऑफ मुकेश मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है आप मुझे बताएंगे कि बैंगल मेकिंग का हब कौन है हाँ साहेब अपना अब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर रहा है वेरी गुड आप मुझे बताइएगा कि बैंगल मेकिंग का हब कहां पे? कौन सी प्लेस है जो यहां पे मेंशन करी गई है एज बैंगल मेकिंग हब बताइए <laughs> फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ओके शिखानी मैम सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा बेटा लास्ट में आएगा ठीक है रोजाबाद वेरी गुड आई गॉट दी आंसर फ्रॉम मयंक वेरी नाइस फिरोजाबाद 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 वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस सो सेकेंड पार्ट में आपको मुकेश की कहानी बताई जाती है मुकेश का सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और दो वो बिलोंग किसे करता है वो एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है ठीक है ना और बैंगल मेकिंग के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस प्लेस है वो है फिरोजाबाद इसको आप ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हो मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ग्लास को जला करके उससे क्या बनाई जाती है चूड़ी बनाई जाती है ठीक है तो भट्टियां वगैरह आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी देर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रेन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस अब आपको यही पता चलेगा कि फिरोजाबाद में बीस हजार बच्चे आप सोचो हम लोग छोटे बच्चे होते हैं हम लोग काम करते हैं कहीं जा कर के नहीं लेकिन आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इन लोगों को बेचारों को काम करना पड़ता है ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रेंस आर एंगेज इन दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस उनको जबरदस्ती भेजा जाता है देआर नॉट विलिंग लेकिन उनको बिजनेस के तौर पर इसे करना पड़ता है क्योंकि उनके घर वाले उसको इनमें लगा देते हैं नेक्स्ट फदम ओवर नो वन ओवर देयर अंडरस्टैंड और रेस्पेक्ट द लॉ दैट फॉब्स चाइल्ड लेबर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वहां पर जो लोग हैं वो इतने इलिटरेट हैं कि उन्हें लॉ समझ में नहीं आता है ना चाइल्ड लेबर एक क्राइम है ये उन लोगों को समझ में नहीं आता उन लोग को पता भी नहीं है और ना उनको कोई बताने वाला है राइट right? नेक्स्ट अब यहाँ भी आपको पता चलेगा कि जो फिरोजाबाद है वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं वो इस तरह के वर्किंग एन्वायरमेंट में काम करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल हो चुकी है क्योंकि उनको छोटे छोटे डिंगी सेल्स में काम करना पड़ता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है फर्निस होती हैं जिसकी वजह से जब वो बड़े होते हैं तो वो अपनी आईसाइड भी खो देते हैं मतलब इतना गंदा इनका प्रोफेशन है कि इनकी लाइफ में हज़ार ही हजार है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं दीज चिल्ड्रेन लिव्स इन ड्री सेल्स छोटे छोटे जगहों पर ये रहते हैं और हॉट <coughs> फर्निस में ये काम करते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं दिस इज सर्टेनली वेरी डेंजरस एज इट मेक्स दिस चिल्ड्रेन ब्लाइंड वेन दे एंटर अडल्ट ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब वो बड़े होते हैं तो बड़े होते होते वो अंधे हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो आईज होती हैं वो अब टू ही नहीं रह जाती कि वो रोशनी में कुछ देख सकें फर्दर मोर दीज चिल्ड्रेंस हैव टू डील विद द प्लेजर ऑफ डेट और सबसे गंदी चीज ये है कि इनके जो फोर फादर का डेट्स है उसमें ही इन्वॉल्व है दे आर जस्ट इन्वॉल्व एनवॉल्व एंड है ना इन्हें अपने फोर फादर्स की जो इश्यूज हैं उनको ही सॉल्व करना पड़ रहा है और वो इशू क्या है वो डेट है कर्जे हैं इनके फोर फादर्स ने कर्जे लिए थे जो उनके बच्चों ने जो भी अपनी चूड़िया वूड़ियाँ बना करके सेल करके जो भी कर्जा अता किया वो किया फिर अब उनके बच्चे भी यही कर रहे हैं फिर उनके बच्चे भी यही करेंगे फिर, कर फिर, कर फिर उनके बच्चे भी यही करेंगे सो दे टेक इट एज़ ट्रेडिशन कि अब इनका ये रिवाज बन चुका है इनकी ये किस्मत है कि इनको इसी में ही काम करना है राइट दे के नॉट डू एनीथिंग एल्स मोर दे आर अनएबल टू टू थिंक ऑफ अ सॉल्व दिस प्रॉब्लम इतनी बुरी कंडीशन में है कि ये सोच भी नहीं पाते हैं कि उनको इस चीज से बाहर कैसे आना है हाउ विल दे गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस उनको नहीं पता राइट दिसर इज नो वे फॉर दीज चिल्ड्रेन टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप इन्हें यह भी नहीं पता कि वो स्टाफ से बाहर कैसे आएंगे क्योंकि अभी ट्रैप में फंस चुके हैं दिस इज अ ट्रैप ऑफ विशियस सर्कल उस विशियस सर्कल का पार्ट कौन है पुलिसमैन ब्यूरोक्रेट्स मिडिलैन पॉलिटिशियंस है ना ये सब मिल करके इनको इस विश्व सर्कल में बांधे हुए हैं जहाँ से ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकते और ये सब इनकी प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं क्योंकि कभी भी ये कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि देखो अभी तुम्हें ये करना है वो करना है वो करना है तुम यही करो तभी तुम अपने फोरफादर्स का डेट पे कर पाओगे सो तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोथ है जो इनकी प्रोग्रेस है वो हम पे करती है द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट टू बी देअर डेस्टिनी और फेट और जो घर की औरतें हैं उन्होंने तो ये मान लिया है कि इनकी किस्मत है डिंगी सेल्स में काम करना है ना हॉट फर्नेसिस में काम करना बड़े होकर के अंधे हो जाना और अपने फोफादर्स का कर्जा चुकाना इनको लगता है यही इनकी ज़िंदगी है इससे बेटर उनकी ज़िंदगी कुछ हो ही नहीं सकती एज ए रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग जस्ट फॉलो दिन इसी वजह से सब लोग इन कामों में इन्वॉल्व है दर इज समिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है मुकेश कुछ अलग सोचता है आप मुझे बताइएगा मुकेश क्या बनना चाहता है ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोक्स देर फोक का मतलब होता है पीपल वो बाकी लोगों जैसा नहीं है उसकी थॉट अलग है उसका सोच अलग है और वो कुछ अलग करना चाहता है दिस इज बिकॉज मुकेश हैज बिग ड्रीम्स उसके थॉट अलग होने की वजह से उसके बड़े बड़े सपने

कि उसका जो सपना है वो वो पूरा करेगा क्योंकि वो बहुत डिटमिन है बहुत रिजल्यूट है बहुत टेनेशियस है इस चीज़ के लिए है ना उसका कहना है कि जो गैरेज है वो बहुत दूर है उसके घर से जहाँ पे वो रहता है लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना डिटर्मिनेशन है कि वो वहाँ वॉक करके जाएगा राइट और जब वो वहाँ पर वॉक करके जाएगा तो वो अपने ड्रीम को ज़रूर से ज़रूर फुलफ़िल करेगा वो, वो मोटर मैकेनिक ज़रूर से ज़रूर बनेगा सो so, हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमें दोनों स्टोरीज में क्या पता चला कि दोनों जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं जिस प्रॉब्लम से बाहर आने का उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और हमें इस स्टोरी में यही बताया गया है कि कैसे जो कुछ बच्चे हैं वो एम्पावरिश कंडीशन में रहते हैं एम्पावरिश्ड मतलब एक ऐसी जगह जहां पर रिसोर्सेज की कमी है ठीक है ना और ये एक बच्चा नहीं है ये बहुत सारे बच्चे हैं ट इज फेस्ड बाई मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन है ना दैट कंडेम देम टू लाइफ ऑफ पेन ऑपरेशन एंड लैक ऑफ एडुकेशन जो इन्हें कभी एडुकेटेड होने नहीं देता ये हमेशा टॉर्चर्ड फील करते हैं उनकी जिंदगी में दर्द ही दर्द है कि बड़े होते होते भी सोच ही नहीं पाते देट वट देव टू डू सो आई होप यह चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए इज दिस मच क्लियर टू एवरी बडी ओन मैम इसके पी डी एफ कहाँ मिलेंगे बेटा इसके पी डी एफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और वैसे क्लास के नीचे भी एक लिंक ट्री आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां पर आपको मिल जाएगा गॉट इट समझ में आ गया मुझे कॉमेंट सेक्शन CEN, में आंसर करके बता दीजिए फिरोजाबाद इज द सेंटर सीई एन बेटा स्पेलिंग मिस्टेक मत करके आना अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे सेंटर की स्पेलिंग क्या होती है सी ई एन एस सी एन से नहीं होती ग्रेट 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 चैप्टर का एग्जैक्ट कोई वेटेज नहीं होता बेटा बट ये है कि आपकी बुक्स का वेटेज होता है है ना बुक्स के मार्क्स डिपेंड करते हैं चलिए ग्रेट सो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज डीप वाटर मुझे सबसे पहले बताइए हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर डीप वाटर और आप मुझे ये भी बताइए ये चैप्टर जो है ये एक बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी है या फिर एक नॉर्मल स्टोरी है ठीक है बताओ जल्दी से ग्रेट 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 एवरी वेरी गुड मुझे सबसे पहले रेचा कुमारी का आंसर आ चुका है विलियम <tip> डाग्लिस <Douglas>, वेरी गुड विलियम डाग्लिस विलियम डाग्लिस सो विलियम डॉगलिस ने डी वाटर चैप्टर लिखा ठीक है ना अच्छा मुझे ये बताओ Uh, ये जो डीप वोटो चैप्टर है ये एक बुक का छोटा सा एक्सट्रैक्ट है छोटा सा हिस्सा है है ना तो उस बुक का नेम क्या है ये आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में और ये बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी तो है नॉर्मल एक स्टोरी है ये भी बता दो वेरी गुड वेरी गुड दिस इज इन ऑटोबायग्राफी क्यों ऑटो बायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है बायोग्राफी इज वन थिंग जो मैंने आपके बारे में लिख दी मैंने किसी पॉपुलर पर्सन के बारे में लिख दी सपोज मैंने, मैंने गांधी जी के बारे में कुछ लिख दिया दैट इज बायोग्रफी बायो का मतलब लाइफ ग्रफी का मतलब written. किसी पर्सन की लाइफ के बारे में कुछ लिख देनाज बायोग्रफी लेकिन अगर आप खुद की लाइफ के बारे में कुछ लिखते हो तो वो ऑटोबायग्राफी होता है ऑटो का मतलब सेल्फ बायो का मतलब लाइफ ग्राफी का मतलब रिटिन सो सेल्फ लाइफ के बारे में अगर आप कुछ लिखते हो तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है फाइन सो विलियम टागलिस ने हाँ जी मैंने माउंटेन्स बुक से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट उठाया जो कि एक्चुअली में उनकी ऑटोबायोग्राफी है और उसने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से मैंने ओवरकम किया सो so, इन्होंने ओवरकम किया है एक से कैन यू प्लीज टेल मी वो ओवरकम करना जिस फियर से हुआ है उनका वो कौन सा फियर है विच फियर इज दैट बताइए ज नथिंग आफ्टर डेथ है ना थिंकिंग ऑफ फ्यूर इज प्यूर इट सेल्फ दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर वैसे मैंने वन वन शॉर्ट लिया हुआ है पूरा कंप्लीट लिटरेचर का जिसमें मैंने सारे थीम्स आप लोगों को बताए हुए हैं आप उसको पढ़ सकते हो हाइड्रोफोबिया या ही इज हैविंग द फोबिया ऑफ वाटर सो इनको क्या है फोबिया ऑफ वाटर है पानी का फोबिया है आपको किसी चीज का फोबिया है कि नहीं है मुझे बताना डू यू हैव एनी फोबिया I'll surely give you the name of that. Can I Deep Water is about the writer's journey of overcoming the fear of water, which is deeply rooted in him since childhood. तो so, ये story आपको बताती है कि कैसे एक writer अपने पानी के डर से बाहर निकल करके आए हैं और वो डर जो कि उनको खुश करके जकड़े हुआ था कब से बचपन से when he was very small. क्या फोबिया है फियर ऑफ बटरफ्लाई से किसको फोबिया होता है कितनी प्यारी होती है वो तो एग्जाम्स टेस्टोफोबिया बोलते हैं <laughs> चलो बहुत बढ़िया सो so, यहां पे ऑथर शुरुआत करते हैं कहते हैं कि उनका पानी का डर शुरू हुआ जब वो कितने साल के थे तीन या चार साल के होंगे मुश्किल से तो वो कहां गए थे कैलिफोर्निया के बीच पे अब आप सोचो क्या कैलिफोर्निया के बीच पे आप अकेले जा सकते हो हाँ या नहीं और अगर नहीं तो आप बताओ ये जो विलियम डगलस जब नन्हे मुन्ने थे छोटे से बच्चे थे तो ये कैलिफोर्निया के बीच पर किसके साथ गए थे सोचो इट स्टार्ट वेन ही वॉज विजिटिंग कैलिफोर्निया सो कैलिफोर्निया के बीच पे किसके साथ गए थे आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपके सामने ही आंसर लिखाना है बीच वेयर अक्स हिम डाउन एंड स्वीप ओवर इतने नन्हे मुन्ने से थे वो तो हल्की सभी ऊंची लहर आएगी तो वो उनको ढकेल देगी और ये एकदम फैल जाएंगे नीचे तो इनके साथ भी यही हुआ अब इनको लगा जैसे मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था व्हेन आई वॉज किड स्मॉल किड सो so, हम लोग पहले नौसारी में रहते थे तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब अगर आप मुंबई साइड सा, मुंबई में जाओगे तो बहुत सारे आपको सी साइड्स मिल जाएंगे तो अ, मेरा भाई मुझे पानी में लेकर के जा रहा था डांडी बीच पर एंड वेन ही मी आगे ना अपना हाथ पकड़ करके तो एक वेव आई जो मेरे सर के ऊपर से निकल करके जाने वाली थी मुझे लगा सुनामी आ गई एंड ना वॉज लाइक चलो भागो भैया जिसको मरना है मरे मुझे नहीं मरना है ना सो so, वही इनके साथ भी हुआ था इनको तो वेव ढकेल करके चली गई थी एंड ही वॉज लाइक मैं मर गया है ना क्योंकि ये पानी के अंदर दब गए थे ही वॉज डीप बार डन द वॉटर सो so, जब इनको लगा कि ये पानी के अंदर दब करके मरने वाले हैं बस तो इनके अंदर फियर ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया या वेरी गुड सो ये कैलिफोर्निया के बीच पर अपने पापा के साथ गए थे और जब ये पानी के अंदर डूब रहे थे डरे हो गए थे तो इनके पापा जोर जोर से हंसने लगे अब सोचो पापा हंस रहे हैं लेकिन इनके अंदर डर हो रहा है कैसे पापा हैं आप हंस रहे हैं मेरे ऊपर मैं डूब रहा हूं यहां पर है ना आप हंस कैसे सकते हो सो so, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी विलियम डगलस को कि पापा हंस क्यों रहे हैं मैं तो मरने वाला था दिस टेरिफाइज दिसर ऑल दो द फादर लाफ एट द स्नोइंग दिस नो डेंजर पापा को पता था कि कोई खतरा नहीं है तो पापा हंस रहे थे लेकिन बच्चा डर गया था हाउ एवर दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज वाटर बट इनके अंदर अंदर ऑफ वाटर डेवलप हो गया नाउ आफ्टर दैट द ऑथर इज एलेवन ओल्ड अब होता नहीं है थोड़ा थोड़ा करके होता नहीं है लेट्स लेट्स ओवरकम लेट्स ओवरकम लेट्स ओवरकम सो ओवरकम करते 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 इनको अपनी ज़िंदगी के अच्छे खासे साल देने पड़े फिर जब ये ग्यारह साल के हुए तो कहते नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी मुझे ना किसी तरीके से भी फीवर ऑफ वाटर से ओवरकम तो करना ही पड़ेगा तो जब ये ग्यारह साल के होते हैं तो ये सोचते हैं कि बस अब मैं और पानी से नहीं डर सकता मुझे अपना डर भगाना पड़ेगा सो so, ये एक डिसीजन लेते हैं कि ये स्विमिंग सीखेंगे सो ही इज एट अ स्विमिंग पूल इन याकििमा तो ये अपनी मम्मी से परमिशन लेकर के स्विमिंग पूल पे चले जाते हैं याकिमा के याकििमा रिवर है एक वो बहुत गहरी है तो मम्मी ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे हादसा होते रहते हैं एक्सीडेंट्स होते रहते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे डूब गए हैं तो वहाँ तो मत जाना तो उन्होंने वहाँ के पास वाले स्विमिंग पूल में एडमिशन ले लिया कि भैया ठीक है मैं यहीं पर ही स्विमिंग सीखूंगा सो so, अब आप मुझे ये बताइए कि जिस स्विमिंग पूल पर ये स्विमिंग सीखने के लिए गए थे उसका नाम क्या था ठीक है याकिमा के कौन से स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गए थे वाह अरे वाह आपको पता था मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली हूं वेरी गुड वेरी नाइस मैम राइटिंग स्किल कब लाइव कंप्लीट होगा बेटा कल कल मॉर्निंग में आपका विस्टार्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर राइटिंग स्किल्स और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा दूंगी बैक टू बैक क्लासेस यू विल गेट एवरीथिंग वेरी गुड वाई एम सी ए पुल इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है जब एक्सटैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा अगर किसी को पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दे मैं आपको इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दूंगी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट राइट right? तो होता क्या है कि ये स्विमिंग सीख रहे होते हैं धीरे धीरे करके ये स्विमिंग सीखते हैं बच्चों की तरह है ना ये विंग्स ले लेते ले हैं ताकि ये पानी में डूबे ना और आराम से धीरे धीरे है ना लाइव विंग्स के साथ ये धीरे धीरे स्विमिंग सीख रहे होते हैं ये रोज़ एक घंटा प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे एक दिन क्या हुआ ये पुल पे जाते हैं और ये अकेले होते हैं कोई होता नहीं है तो ये बड़ा डर रहे होते हैं पानी में पैर रखते हो भी चक् करते हैं भाई पानी ठंड मतलब जैसे हम लोग चेक करते हैं ना पानी ठंडा तो नहीं है तो उनको लगता है कहीं मैं पानी में डूब तो नहीं जाऊँगा दो तो दिन बार पैर डालते हैं लेकिन उसके बाद उसके बाद बैठ जाते हैं कि लोग जब आ जाएंगे तब मैं स्विमिंग करूँगा सब ये बैठे ही होते हैं इंतज़ार में कि कोई आएगा मैं स्विमिंग करूंगा इतने में एक बड़ा सा हट्टा घट्टा जवान लड़का आता है उनको उठाता है और फेंक देता है अब प्रॉब्लम ये होती है कि वाईमसी का पूल जो होता है वो कुछ इस ढंग से होता है कि जो उसका शैलो एंड होता है डीप का उल्टा शैलो तो शैलो एंड जो होता है वो तीन फीट का होता है और जो डीपेस्ट एंड होता है वो नाइन फीट का होता है तो जब वो उनको उठा करके फेंकता है अभी तक विलियम डगलस वहां पर कभी गए नहीं उनको डीपेस्ट एंड पे फेंकता है अब विलियम डगलस पानी के अंदर डुबकी ले रहे होते हैं विलियम डगलस बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि वो पानी में डूबने वाले होते हैं लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा होता है तो यहाँ पे बताया गया विलियम डगलिस भले ही जितने बड़े भी बिडरबों को लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था ठीक है ना तो ये डेंजरस पैंग्स है वो अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश करते हैं ये मैंशन है अब इस बंदे ने ब्रूस ने बिग ब्रूस ने इनको उठा करके डीपेस्ट स्टैंड पे फेंक तो दिया है लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर कैसे आए तो उनके दिमाग में ये होता है कि अच्छा मुझे क्या बताया है इंस्ट्रक्टर ने या मुझे कैसे स्विमिंग सिखाई गई थी कि अगर मैं चला जाता हूँ नीचे तो मुझे नीचे जा करके एक जैसे ही फ्लोर मिलता है मुझे फ्लोर पे हिट करते ही तुरंत ऊपर की तरफ छलांग लगानी है जैसे कि रबर खोली जाती है तो ऊपर आती हो और जैसे ही मुझे सरफेस मिलेगी मैं अपना नोज बाहर निकालूंगा सांस लूंगा और फिर आगे जाने की कोशिश करूंगा सो so, इनके दिमाग में ऐसा प्लान होता है सो ही रिच इज़ नाइन फीट इन टू द वॉटर स्टार्ट स्ट्रगलिंग डेस्परेटली टू होल्ड ऑन टू समथिंग कोशिश करते हैं कि भाई उनको कुछ बचने के लिए मिल जाए कोई रस्सी मिल जाए कुछ तो मिल जाए बट ही गेट नथिंग बाहर तीन, तीन आने के लिए लेकिन जब वो तीसरे पे वापस नीचे जा रहे होते हैं तो उनको लग रहा होता है कि उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है एंड नाउ ही उनका खाली हार्ट चल रहा है और उनको यहां पर सर के पास थ्रॉबिंग सुनाई दे रही होती है नसों की उनको लग रहा होता है हाँ चलो मैं जिंदा हूँ लेकिन बॉडी पैरालाइज है बॉडी वर्क नहीं कर रही होती है दस ही गिवज अप एंड रेडीज हिमसेल्फ टू डाई बट वेक्स अपट द साइड ऑफ दूल तो थर्डम्प्ट में वो जब नीचे जाते हैं उनको लगता है बस अब मैं और एफर्ट्स नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं अब और एफर्ट्स करूंगा तो मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है जिसके लिए मैं और एफर्ट कर सकूं तो उनको लगता है बस ना मेरा समय आ गया अब मैं जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर विलियम डगलस ने बहुत प्यारी सी चीज बताई कि जब वो मर रहे थे ना तो उनको एंशियस वाला फीलिंग नहीं था वो वर्ड नहीं थे वो पैनिक नहीं थे उनको बहुत पीस दिखाई दे रहा था तो उन्होंने बोला कि जब डेथ मिलती है ना इंसान को तो वो पीस में जा रहा होता है और बेहोशी के बाद वाली स्टेज और मरने के पहले वाली स्टेज को उन्होंने उबलेवियन बोला उबलेवियन मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पर आप जिंदगी और मौत के बीच में होते हो आप अनकॉन्शियस से एक स्टेज आगे बढ़ चुके होते हो और मरने से एक स्टेज पहले पे होते हो सो ही वॉज एट द एज ऑफ ऑब्लवियन उस स्टेज पे थे इनको लग रहा था ये अबगे तब गए लेकिन इनको ये लग रहा था बहुत सुकून है डेथ में बहुत सुकून है डेथ के बाद सब कुछ पीसफुल होता है हमको डर लगता है कि मर जाएंगे तो क्या होगा लेकिन एक्चुअली में एवरीथिंग इज पीसफुल सो वो गिव अप कर देते हैं कि मैं बाहर नहीं आ सकता और उन्हें लगता है वो मर गए हैं लेकिन जब वो होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूल के किनारे लेटे हुए हैं और उल्टिया कर रहे हैं है ना और कुछ लोग वो बिग ब्रूस बॉय को क्या कर रहे हैं डांट रहे हैं ठीक है हाउ एवर ही एक्सपीरियंस वाइल ड्राउनिंग नेवर गोज अवे अब इनके अंदर ये डर बैठ जाता है और ये डर इनके अंदर से कभी नहीं जाता ही वॉज लाइक आई डोंट थिंक सो कि कुछ बेहतर हो सकता है मेरे साथ अब क्योंकि जब ये लेटते हैं तो उनके पैर काँपते होते हैं इनको पेट में दर्द होता है, है ना ही फील्स लाइक ना नथिंग इज लेफ्ट मैं कभी भी नहीं जा सकता पानी के लिए अब ये इनको इतना ज़्यादा डर आता है इट कॉन्टीन्यूज टू हॉन्ट हेम फॉर मेनी ईयर्स एंड इवन स्पॉल्ड हेज फ्यूचर एक्सपेडेशन कंसर्निंग केनोइंग स्विमिंग फिशिंग एंड मोर अब ये पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं चाहे वो कैनोइंग हो बोटिंग हो स्विमिंग हो फिशिंग हो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते हैं है ना ही इवन विजिट्स मेरीन लेक्स कोलंबिया न्यू हेम्पशायर लेकिन ये कोई भी पानी वाली एक्टिविटी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं सो ही डिसाइड्स टू ओवरकम दिस फियर बाय हुक और क्रूक सो फिर फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि भैया ऐसे तो मैं कुछ भी इन्जॉय नहीं, नहीं कर पाऊंगा पानी वाली जगहों पे जाऊंगा लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा सो ये सेड नहीं मुझे स्विमिंग सीखनी है तो फिर जब इनके मन में वापस स्विमिंग का शौक जागता है तो ये इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं वो इंस्ट्रक्टर इनको काफ़ी हेल्प करता है उनको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देता है सीखने के लिए थ्री स्टेप्स में वो उनको स्विमर बनाता है आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया सेकेंड स्टेप में क्या किया थर्ड स्टेप में क्या किया तब जा के वो क्या बने स्विमर विलियम डगलेस जब अपने इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखते हैं तो वो थ्री स्टेप में सीखते हैं पहले स्टेप में क्या करते हैं दूसरे स्टेप में क्या करते हैं तीसरे स्टेप में क्या करते हैं आप मुझे ये बताओ है ना जल्दी से सो so, शुरुआत उनकी पार्ट बाय पार्ट होती है वन बाय वन करके वो एक अच्छे से स्विमर बनते हैं सो ही बिगिन विद इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग पार्ट देन प्रैक्टिस इट फॉर मेनी वीक्स तो अपनी स्विमिंग वो स्टार्ट कर रहे होते हैं धीरे धीरे वो तीन पार्ट्स में स्विमिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कौन से तीन पार्ट्स हैं वो आपको मुझे बताने यहाँ पे जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बेटा हाँ सबसे पहले ना जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उनको एक पुलिस अटैच कर देता है, पुली, पुली है उनके साइड में उनकी वेस्ट पे रोप बांध देता है ठीक है ना तो पहले वो उनको पानी में आगे टू एंड फ्रो मोशन सिखाता है कि पहले आगे जाइए और पीछे आइए एटलीस्ट आप यूस टू तो हो जाइए वो टके तो फिर यूस टू जब वो होते हैं वो टके तो वो पानी के अंदर उनको इन्हेल और एक्सहेल करना सेकेंड स्टेप में सिखाता है कि सांस कैसे लेते हैं और फिर थर्ड स्टेप में वो उन्हें पैरों के मूवमेंट सिखाता है सो so, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो उन्हें क्या बनाता है एक अच्छा स्विमर सो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रक्टर ने कैसे उन्हें एक अच्छा स्विमर बनाया उन्हें किनें विलियम डगल्स को सो आप ये तीनों स्टेप्स मैंशन करोगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है चलो सो so, इस तरीके से इन्होंने स्विमिंग तो सीख ली आगे क्या हुआ देखो अब इतनी जल्दी तो डर नहीं जाना था फर्दर ही मूव ऑन टू किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल ये आपका थर्ड स्टेप था फाइनली ही कंबाइंस ऑल दीज थ्री स्टेप्स और फिर वो एक अच्छे स्विमर बने ऑल दो दर नोज हाउ टू स्विम ही स्टिल टेरिफाइड ऑफ वॉटर इनको स्विमिंग तो आ गई थी लेकिन अभी भी इनको पानी से डर लगता था तो पानी के डर से बाहर आने के लिए इन्होंने अलग अलग रिवर्स अलग अलग पानी वाली जगहों पर जाकर के स्विमिंग करी है ना और फिर एक टाइम ऐसा आया जब इनका डर भाग गया डर इनके सामने खड़ा हुआ था और इन्होंने उससे बोला कि अब मैं तुमसे नहीं डरता चले जाओ मेरे सामने से सो दस इन ऑर्डर टू गेट रेड ऑफ द फीयर ही डिसाइडेड टू कंफ्रंट इट उन्होंने कोशिश करी कि उसका सामना करें ही मोक्स इट बाय थिंकिंग वॉट कैन इट रियली डू कॉन्सिक्वेंटली ही प्लानजे इन टू द वॉटर एंड टू हेज सरप्राइज हेज फियर गोज़ अवे तो एक दिन वो पानी में थे वो नीचे जा रहे थे उनको डर लग रहा था तो उनके सामने वही डर आ करके खड़ा हो गया था उनसे पूछ रहा था और भाई मुझसे डरो तो कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता आई एम सॉरी मैं तुमसे नहीं डरता तुम कर क्या लोगे मेरा है ना लाइक like दैट तो फिर वो डर उनके दिमाग से उनके मन से चला गया ही फेज इट मेनी प्लेसेस एट लास्ट मैनेजेस टू फोन कर एट तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने डर पर काबू पाया है ना प्रैक्टिस करके बहुत सारा बहुत सारा विल पार अपने अंदर ला करके तो अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम डगलस ने अपने फियर ऑफ वाटर को कैसे भगाया सो so, अपने डिटर्मिनेशन से उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे करना ही करना है ओवरकम करना ही करना है फियर ऑफ वाटर से दूसरा उन्होंने बहुत मेहनत करी इसके लिए तीसरा वो कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहे करते रहे करते रहे वो रुके नहीं तब जाकर के वो अपने डर को भगा पाए सो so, अगर आपसे इस चैप्टर का कंक्लूजन पूछा जाता है दैट व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर हाउ विल यू राइट इट इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है कि अगर हम डेटोमेंट हैं टेनेशियस हैं रेजोल्यूट हैं ठीक है, है, है ना अगर हमने ठान लिया करना है तो करना है और अगर हमारे पास इनफ करेज है तो फियर क्या चीज है हम किसी भी चीज से ओवरकम कर सकते हैं सो वी कैन ओवरकम एनी फ्ययर दैट कम्स अ वे विदाउट लेटिंग द फियर ओवर पास कोई भी डर हो जैसे भी बहुत सारे बच्चों को डर होगा फिर उनको एग्जाम देना है पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा लेकिन अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है करेज है तो आप उस फियर को दूर भगा सकते हो राइट सो आई होप दिस इज ऑल्सो वाइट क्लियर टू एवरीबडी मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो यस और नो अच्छा आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चंस आते हैं है ना जिसमें आपको डायरी लिखनी पड़ती है अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो आपको डायरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं है ना अब आपको ये इमेजिन करवा सकते हैं वो आप कोशिश करना आपके पास जब टाइम हो ना तो आप लिखना <clears throat> आप लिखना कि अगर आपको इमेजिन करवाया जाए कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप विलियम डगलस हैं ठीक है ना और आपको पानी से डर लगता है तो आप किस तरह के एफर्ट्स अपनी लाइफ में कर सकते हैं या किस तरह के एफर्ट्स आपने अपनी लाइफ में किए उस पानी के डर से बाहर आने के लिए ओवरकम करने के लिए सो यू मस्ट नो हाउ टू राइट इट डायरी राइटिंग के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं अगर आप वीडियो सेक्शन जाकर के चेक करेंगे मैंने डायरी एंट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं किस तरह से करने हैं वो करवाए हैं प्लस मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया हुआ है सो so उसको एक बार जाकर के विजिट करिए चेक करिए और फिर से करिए भी ठीक है थैंक यू सो मच रोजी लेटर बेस स्पीच बेस भी आते हैं हाँ ड्राफ्ट भी लिखने के लिए आता है है ना तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया हूँ आप एक बार जाकर के डायरी बेस चेक करना हाँ कोर्स जब आप डायरी लिखते हो ना तो आप फर्स्ट पर्सन में ही हमेशा उसको लिखते हो आप देखोगे जो आपका स्टार्टिंग इनिशियल लाइन होगा ना वो हमेशा आप वही लोगे जो आपको दिया गया होगा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दे गिव यू हिंट अगर नहीं भी दिया गया तो आप स्टार्ट करो डी डायरी आई डाइश डाइज डाइश कॉन्टिन्यू विद पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पैल्पबल का मतलब होता है क्लियर ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगला चैप्टर है आपका द ट्रैप सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए जो द रेट ट्रैप चैप्टर है इसके राइटर कौन है हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी मैम इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम आती है क्या करूँ इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम इसीलिए आती है बेटा बिकॉज यू आर नॉट ऑन प्रैक्टिस ठीक है ना आप एटलीस्ट जो भी आपने स्टोरीज पढ़ रखी हैं लिटरेचर ही पढ़ रखा है आप कोशिश करो कि आप उसका जो समरी है वो अपने हाथ से लिखो जब आप लिखोगे सो विल बी एबल टू डू दैट सो आप इंग्लिश लिख लोगे इंग्लिश बना लोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको वेरी गुड वेरी गुड सिल्मा लेगल इज द राइटर ऑफ द स्टोरी सो so, ये कहानी शुरू होती है एक प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी से प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी कोई और नहीं है बल्कि एक ट्रैप है सेलर है ट्रैप सेलर या फिर ट्रैप पेडलर rat बोल सकते हो कैन यू प्लीज टेल मी पेडलर का मतलब क्या होता है वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड पेडलर रेफरेंस बुक फॉर वर्ट बेटा पेडलर वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेडलर स्टोरी की शुरुआत होती है एक रैट्रैप सेलर या एक रैट्रैप पेडलर से जो कि बहुत ही रग्ड कंडीशन में मतलब उसने फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए हैं उसके बाल अजीबोगरीब ढंग से हैं और बेचारा एकदम गरीब है तो उसने खाना नहीं खाया तो उसके गाल भी अंदर है नॉट वेगा बॉन्ड हाँ जो ना जैसे मैंने ठेला पकड़ा हुआ है हाथ में काट और मैं उसको लेकर धर उधर चल रहा हूँ तो पेडलर फेरी लगाने वाले को बोलते हैं जो अपना कार्ड लेकर के घर घर जाता है सामान बेचने के लिए है ना सो तो ऐसे ही रैट ट्रैप सेलर रैट से बेचता है है ना उसने अपने गले में रैट ट्रैप्स टांगी हुई होती हैं अब वो वो रैट ट्रैप्स बेचता है घर घर पैदल जा जा करके है ना तो रैट ट्रैप पेडलर का मतलब है फेरी लगाने वाला जो पैरों से चल करके घर घर जाता है और सामान बेचता है उसने रैक्स पहने हुए हैं रैक्स का मतलब होता है भटे चिथड़े एन इज वेरी फ्रेल फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर दुबला पतला गरीब है खाने को नहीं मिला तो पतला तो हो गई ना एंड लुक स्टाफ और ऐसा दिख रहा है जैसे बरसों से उसने कुछ नहीं खाया उसकी आंखों को ही देख करके बता सकते हो कि वो कितना भूखा होगा गरीब लोग होते हैं इधर उधर फिरते रहते हैं तो कौन देता है उनको खाना बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता वी लर्न ही हैज नो होम एंड टाइम्स इवन बेक्स एंड स्टील टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड अब एवरीबडी हु दिस वर्ल्ड उसको सर्वाइव तो करना ही है तो ये रैड ट्राव से लोग को भी सर्वाइव करना था इसका सर्वाइवल का तरीका क्या था ये कभी कभी भीख मांगता था कभी कभी चोरियाँ करता था इस तरीके से ये अपनी जिंदगी चला रहा था है ना और भीख मांगता था और चोरी करता था तो उससे जो भी इसका पैसा वैसा होता था इकट्ठा उससे ये रेड ट्राव्स बनाता था और जा जा करके बेचता था है ना तो अब यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है ही हैज नो होम इसके लिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है जो अभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ले रहे थे वेगा बॉन्ड वेगा बॉन्ड आप किसको बोलते हो ना सुना ना आवारा बंजारा सुने सो <laughs> so एक ऐसा इंसान जो आवारा होता है जिसके पास घर नहीं होता छत नहीं होती रहने के लिए उसको आप बोलते हो वेगा बॉन्ड जो इधर उधर फिरता रहता है है ना तो उसे वेगा बॉन्ड बोल सकते हो आप सो ही वॉज अ वेगा बॉन्ड ही लीड्स अ लोनली लाइफ विद नो वॉन्ट टू टेक केयर अबाउट हिम अकेला था कोई उसके पास केयर करने वाला नहीं था बेचारा गरीब इसके पास इतनी गरीबी थी कि इसके पास इसका खुद का नेम तक नहीं था तो लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते थे पेडलर है ना सेलर रागम स्ट्रेंजो ठीक है फिर आपको वेगा बॉन्ड ऐसे नाम दिखाई देंगे इसके सुनने के लिए ना वन फाइन डे ही वॉज जस्ट वॉकिंग एक बहु रास्ते में से वॉक कर रहा था तो अब आप, आप सोचो ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से आपको हंस किया जाए कभी ऐसा होता है बहुत दुखी हो आप गरीब हाल परेशान बेचारे इंसान लेकिन अचानक से आपको वॉक करते करते हंसी आ जाए ऐसा होता है कभी नहीं ना इसके साथ ऐसा होता है होता है हमारे साथ भी होता है जो हम लोग नुस्जिक होते हैं तो तो उसके दिमाग में ना खुराफात आती है अब वो खुराफात क्या होती है ये सोचता है कि दुनिया ने मेरे साथ कभी तो कुछ अच्छा किया नहीं तो मैं उसके बारे में क्यों ना बुरा कुछ कर दूं तो बुरा करेगा कैसे हाथ पैर से तो नहीं कर सकता जहां जाएगा मार खाएगा तो ये बुरा सोचता है अब बुरा सोचता कैसे इसको लगता है जो दुनिया है ना दुनिया ये जो दुनिया है ना दुनिया ये दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप और जिस तरह से रैट ट्रैप में रैट फंसते हैं वैसे ही वर्ल्ड ट्रैप में लोग फंसते हैं पीपल रैट ट्रैप में जो बेट डाला जाता है चारा डाला जाता है वो होता है चीज पोक वैसे ही वर्ल्ड में जो चारा डाला जाता है वो है मटीरियलिस्टिक चीजें है ना जैसे कि कपड़ा पैसा दौलत ये सब सो so, जिस तरह से चूहा जब चारा लेने चलता है गोल गोल घूमता है घूमता है घूमता है और कुछ घूमते घूमते अंदर चले जाते हैं तो जैसे ही वो चारा लेने चलते हैं रैट ट्रैप बंद हो जाती है वो फंस जाते हैं उसी तरीके से वर्ल्ड ट्रैप में भी लोग चारों तरफ घूम रहे हैं सबको कुछ ना कुछ चाहिए किसी को कार चाहिए किसी को बंगला चाहिए किसी को गाड़ी चाहिए किसी को वाला चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए है।, है ना? तो जैसे ही वो लोग उस तक हैं, वैसे ही है, और वो उस ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं आ पाते तो सोच करके खुराफात में मजा आता है, right? Now, it, it तो दुनिया है क्या है वर्ल्ड ट्रैप है जस्ट लाइक रैट ट्रैप और उसको अगर हम टच करने की कोशिश करेंगे तो वो बंद हो जाएगी और हम कभी भी वहाँ से वापस नहीं निकल पाएंगे अब वो सोचता जाता है उसको मज़ा आता जाता है सोचता जाता है मजा आता जाता है है ना तो उसको लगता है कुछ लोग अभी भी इर्द गिर्द के मंडार रहे हैं और कुछ लोग फंस चुके हैं वो ऐसे सोच रहा होता है तो एक बार ऐसे ही वो सोचते सोचते टहलते टहलते गुजर रहा होता है एक रास्ते से तो उसे रास्ते में एक कुटिया दिखाई देती है इसे वॉटेज बोलते हो आप लोग ग्रे कलर की तो उसको लगता है रात बहुत हो गई है चलो यहाँ पे शेल्टर ले लेते हैं मजे मजे में अब घर तो है नहीं मेरा तो कोई भी रास्ते में इधर उधर घर मिल जाएगा वहां पे आसरा ले लेंगे चला जाता है तो जब वो उस कॉटेज पे नॉक करता है तो वो कॉटेज खुलते ही उसको वेलकम मिलता है जनरली राइट ऑफ सेलो को कभी भी वेलकम नहीं किया किसी ने बट ये बेचारा ओल्ड क्रॉफ्टर उसको वेलकम कर रहा है सो so, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ ये जो ओल्ड क्रोफ्टर था है ना? आपको क्या लगता है इसने क्यों वेलकम किया होगा ट्रैप से लगो। उस ट्रैप सेलर लगो जिसको कोई वेलकम नहीं करता बताओ यस अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी ऑफ क्रोफ्टर उसको मिली थी बताइए क्या लगता है आपको येस ही वॉज ऑल्सो लोनली उसका भी कोई नहीं था अपना वाइफ मर चुकी थी हाँ जी यस yes. तो ये जो ओल्ड क्रोफ्टर होता है ना ये सब बोलता है वेलकम जी वेलकम आप आ गए आपका ही तो इंतजार था आइए आइए ऐसे करके स्वागत करता है उनका सो so, स्वागत ऐसे करता है वो देखो इनको क्या क्या देता है खाना खिलाता है भैया जिसने कभी पूछा तक नहीं लोग मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं जिस रैट ट्रैप से लगे उसको ये खाना दे रहा है खाने में क्या दे रहा है पोरेज दलिया खिचड़ी कोई भी गीली चीज़ मतलब कोई भी ऐसी घुटी हुई चीज़ को आप पोरेज बोल सकते हो है ना गीली वाली खिचड़ी प्लस वो जो बीड़ी नहीं होती बीड़ी बड़े बड़े पत्तों के सिगार रोल्स वो उसको देता है कि भाई तुम भी उड़ाओ हम भी उड़ाए कश मारते हैं दोनों टेंशन फ्री ठीक तीसरी चीज़ इसके साथ एक गेम खेलता है वो एम से स्पेलिंग है मजोलस लेकिन बोलते हैं उसको जॉलिस कार्ड वाला गेम खेलता है तो इतनी हॉस्पिटैलिटी देता है और यही नहीं उसके साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करता है और सीक्रेट में बताता गया है कि मैं ना बहुत पैसे वाला आदमी हूं मेरे पास कमाई आती है मेरे पास एक गाय है द बॉस है ना वो कुछ मिल्क देती है उस मिल्क को मैं क्रीमरी में बेच के आता हूँ जहाँ से मुझे हर महीने थर्टी क्रोनर्स मिल जाते हैं अब सोचो आप एक अनजान इंसान से अपने सीक्रेट शेयर करोगे तो क्या होगा हाट हा, ट बैक है ना सब वही सारी चीजें होती हैं वो उसको हॉट फूड देता है बॉरेज को रोल शेयर करता है स्मोक करने के लिए उसके साथ कार्ड्स खेलता है और बातें करना शुरू कर देता है बातों बातों में उसके साथ सारे सिगरेट अपने उगल देता है ठीक है अब सोचो एक इंसान जिसके पास पैसे की कमी है उसको ये पता चल गया कि मेरे को पैसे का जरिया मिल गया सो so, जब उसको ये पता चलता है कि अच्छा क्रोफ्टर के पास पैसे हैं और यह इतना बेवकूफ़ आदमी है कि मुझे सब कुछ बता रहा है कि देखो ये खिड़की है खिड़की के पे, पे पाउच है पाउच के अंदर थर्टी क्रोनर्स हैं निकालता है ऐसे श्रिंकल निकालता है एकदम और फिर उसको वैसे ही रिंग श्रिंकल ड्रग भी देता है है ना सो so, इसको सब पता चल जाता है अब इस से लगे दिमाग में खुराफात चलनी शुरू हो जाती है जिस तरह से वर्ल्ड ट्रैप वाली खुराफात इसके अंदर चल रही थी इसको सब पता है अब अगले दिन सुबह सुबह इन लोगों को अपने अपने काम पे निकलना होता है क्रोफ्टर उठ जाता है सुबह सुबह तो अब ये बेचारा दूसरे के घर में है तो कैसे ज्यादा देर सो सकता है तो ये भी सुबह सुबह उठ जाता है दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं कोफ्ता तो निकल गया मिल्क क्रीमरी में देने के लिए लेकिन इसके दिमाग में खुराफात थी तो ये जाने के बाद वापस लौट करके आता है वापस लौट कर क्या आता है खिड़की का एक शीशा तोड़ता है और शीशा तोड़ने के बाद लेदर का पाउच वो जो आ, एक कील पर टंगा हुआ होता है उसको निकालता है और उसमें से थर्टी क्रोनर्स निकालता है और चुप छाप वो लेदर बैग वहीं पर टांग करके वापस चला आता है बड़ा खुश कितना दिमागदार हूं मैं मैंने किसी के पैसे चुरा लिए और पता भी नहीं चला ठीक है अच्छा ये दिमाग क्या लगाता है जब ये वैसे चुरा करके निकलता है तो उसके दिमाग में एक थॉट चल रहा होता है कि मैं अगर रोड से गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा अपनी इंटेलिजेंस पर ऐसा बोल रहा था वाह क्या दिमाग पाया है तूने ऐसे करके चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है सो वही बोला यहां पर आपको मेंशन है कि किस तरीके से उसने पैसा चुराया और किस तरीके से वो निकल गया ठीक है तो देखो आगे क्या होता है चुराने के बाद जब ये चला गया है जंगल तो अब ये जंगल में जाता है जाता है जाता है जंगल निकलते 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 इसको शाम हो जाती है अब ये टेंशन में आ जाता है कि यार मैं तो दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ फिर ये गोल गोल घूमता है फिर उसी जगह पे आ जाता है फिर गोल गोल घूमता है फिर उसी जगह पे आ जाता है फिर गोल गोल घूमता है फिर उसी जगह पे आ जाता है सो ये स्ट्रेस से पागल हो जाता है कि था बाप रे बाप मैं दूसरों के बारे में सोचता था ना कि दुनिया एक ट्रैप है उसमें फंस जाओगे आज मैं खुद ही अपने ट्रैप में फंस गया ठीक है और ये सोचते सोचते एकदम ही से ऐसे ही फेंड होता है और फेंट होकर के नीचे गिरता है इसको लगता है अब कुछ नहीं बचा मैं फंस गया हूँ और मैं जा रहा हूं भगवान को प्यारा उन्हें भगवान मुझे बचा लियो मतलब अपने पास बुला लियो ऐसे करके सीन चल रहा होता है अब ये जब नीचे गिरता है तो ग्राउंड पर जैसे ही इसका सर लगता है तो उसको आवाज आती है धम 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 तो उसको लगता है आसपास कोई तो है जो काम कर रहा है तो जहां से आवाज आ रही होती है धम 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 की वो हैमर के किसी चीज को मारने की इस आवाज को फॉलो करता है फॉलो करता जाता है करता जाता है करता जाता है और उसको सामने मिलती है एक आयरन मिल उस समय रामसू आयरन मिल बहुत फेमस थी बहुत काम चलता था वहां पर बहुत ज्यादा काम तो ये जो है ये चला जाता है वहां पर वहां पर देखता है कि बड़ा कोजी सा इन्वायरमेंट है अंदर क्योंकि बाहर ठंड बहुत होती है तो इसको अंदर दिखता है कि बहुत कोजी माहौल होगा क्योंकि वहां पर फर्नेस भट्टी वगैरह है तो ये रात में वहीं कहीं आसरा ले लेगा ये दरवाजा खोलता है चुपचाप अंदर एंटर करता है तो वहां पे दो लोग बैठे हुए होते हैं एक होता है ब्लैक स्मिथ और एक उसका हेल्पर होता है असिस्टेंट तो जब ये एंटर करता है तो वो दोनों इसकी तरफ देखते तो हैं बट ज्यादा हीड पे नहीं करते द रीजन बिहाइंड इस कि आते जाते चलते फिरते ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आसपास रहने के लिए आए होते हैं तो ये क्या करता है ये जिसपे आपका वो आयरन को शेप दिया जाता है उस आप, 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 उस पार्ट को लेकर के उसके नीचे लेट जाता है उसको सर का तकिया बना करके लेट जाता है और ये भट्टी के पास होता है तो उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है तो वहां पर इसको बोला गया है दैट ही लुकिंग लाइक अ मफिन फटे कपड़े हाल में बैठा हुआ होता है वो ठीक है so, सो ये वहां पे लेटा होता है अब आयरन मास्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जिसकी वो आयरन मिल थी वो बहुत विजिलेंट थे वो अक्सर वहां पर जानने के लिए आते थे कि कैसा वर्क चल रहा है कैसा काम चल रहा है कैसी चीजें हो रही हैं सो जब ये वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी लेटा हुआ है तो ये ना मुंह पे ऐसे करके टोपी डाल के सो रहा होता है तो ये आते हैं उसके सर से टोपी हटाते हैं तो इसकी आदत होती है हमेशा एक आग खोल करके सोता होता है क्योंकि उसको डर होता है ना कि कोई इसे पकड़ ना ले सो ही वॉज लाइक कि ये क्या हुआ ये कौन आ गया सो so आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताओ आयरन मास्टर जब आते हैं आयरन मिल में और जब वो इसको देखते हैं तो उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन बनता है है ना सो so, आप मुझे बताओ वो इसका कंफ्यूजन किससे लेते हैं मतलब वो इसे क्या समझते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर से करके बताओ ठीक सो पे आपको पता चलेगा कि जब आयरन मास्टर यहां पे आते हैं तो उसे देखते हैं तो अपना साथी समझते हैं तो उसे कौन समझ रहे होते हैं वो बताओ फटाफट जल्दी से कॉमेंट सेक्शन से में या नील दैट ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अपना पुराना साथी कहते हैं ओ oh, नील तुमने अपना क्या हाल बना लिया है तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन हो गई मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें तो नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी अब चलो अब तुम तो मुझे यहाँ पर मिल ही गया हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता लेट्स गो होम हम मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस ईव मनाने वाला हूँ और तुम घर चल रहे हो मैं नहीं कुछ सुनने वाला सो सोई सेड नहीं पहले सोचता है और कुछ बोलता नहीं है उसको पता होता है कि ये जो आयरन मास्टर है ना वो गलत कन्फ्यूज हैं लेकिन कुछ बोलता नहीं है ये क्योंकि उसको लगता है कि वो थोड़ा बहुत पैसा तो फेंक देंगे लेकिन जब उसको ये बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर ले करके चलता हूँ तो उसको लगता है लोग गई भैंस पानी में मतलब अब मैं फिर से फंसा ही वॉज लाइक दैट मेरे को फिर से नहीं फंसना सो so, ये क्या करता है कहता है कि नहीं 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 मैं आपके साथ नहीं आऊँगा तो ये बहुत पर्स करते हैं बट तो नहीं मानता है अब आयरन मास्टर चले जाते हैं और जिस तरीके से जाते हैं उस तरीके से जो ब्लैक स्मिथ होता है उसको डाउट होता है कि अगर ये गए हैं तो ये पक्का वापस कुछ ना कुछ करेंगे कि ये इस बंदे को घर लेकर के जाए तो खैर आयरन मास्टर चले जाते हैं लेकिन आयरन मास्टर घर जाने के बाद अपनी बेटी को भेजते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या होता है ठीक है तो आयरन मास्टर की बेटी आती है फिर उसके लिए कपड़े वपड़े लेकर के कि चलिए आप हमारे घर में आपको क्रिसमस ईव मनानी है फादर ये चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ ठीक है ऑल दो उनकी बेटी को डाउट होता है कि जिस तरह का हाल इसने बना रखा है ये एक ऐसा आदमी है या तो उसकी बहुत बुरी गत है इसने कुछ गलत किया है या तो फिर ये जेल से भाग करके आया है चोरचकारी करता है या तो ये बंदा या तो फिर ये जेल से भाग करके आया क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसे लग तो नहीं रहा है कि ये ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हो सकता है या या तो एडला विलमेनसन आती है आयरन मास्टर की बेटी पोर्सुएट करने के लिए कि चलिए ना पापा ने बुलाया है मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमारे साथ क्रिसमस ईव मनाएं चले जाते हैं दोनों इस तरीके से एडला विलमैनसन परसुवेट करती है कि बेचारा ना बोल ही नहीं पाता कहता हाँ हाँ ठीक है चलो चलते हैं लेकिन उसको मनी मन बुरा लग रहा होता है कि यार मैंने क्यों क्रॉफ्टर के पैसे चुराए और क्यों मैं जंगल गया क्यों मैं जंगल से यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर के मैं फिर फंसने वाला हूँ उसको लग रहा होता है कि वो फंस जाएगा तो बार बार वो बुरा फुल फील कर रहा होता है कि उसने क्यों पैसे चुरा लिए किसके क्रॉफ्टर के खैर अब जो राइट्राफ सेलर है वो कहाँ पहुँच गया है आयरन मास्टर के घर आयरन मास्टर ने इसको सीधे सीधे बोला कि आ, अपने जो भी मीनर्स वगैरह थे उनसे बोला कि इसको नहला धुला करके ले आओ इसकी दाढ़ी वाड़ी बना देना इसको अच्छे कपड़े पहना देना ठीक है तो जब ये नहा धोकर के अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आयरन मास्टर के सामने आता है आयरन मास्टर पागल हो जाते हैं कहते हैं हाउ डेर यू टू डू दिस टू मी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम नी, नील जल्फ़ नहीं हो क्योंकि लाइट में रोशनी में हकीकत दिख रही होती है कि ये तो नील जल्फ है ही नहीं तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि चलो मैं मान लेता हूं कि मेरे से गलती होगी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो मुझे ये बताना चाहिए था तुम्हें तो पता था कि तुम नील जौलफ नहीं हो अब ये मेरे साथ नाटक छोड़ो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं और आ, तुम जाना क्या चाहते हो तुम पुलिस के साथ जाना चाहते हो या फिर तुम अकेले जाना चाहते हो तो फिर यहां पे बताया गया है कि रेड ट्रैप से लेको भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है आपको पता है ना ये वर्ल्ड क्या है एक रेड की तरह है जैसे मैं आज फंसाऊँ वैसे ही आप भी फंसेंगे

सब so, ये रुक जाते हैं क्रिसमस ईव मनाते हैं बड़ा मज़ा आता है रात रात से लख क्योंकि आज से पहले ना उसने इतना अच्छा खाना खाया होता है और इतना इतना इतनी सुकून की नींद ली होती है तो वो पूरे दिन क्या करता है खाता है सोता है खाता है सोता है खाता है सोता है ठीक है और इवन उसको ये भी दिया जाता है क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर एडला विल मैंसन आ, उसको बोलती है कि पापा ने जो तुम कपड़े पहने हुए हो पापा के वो तुम्हें पापा ने दे दिए ये तुम्हारा गिफ्ट है तुम इसको घर ले जा सकते हो ठीक है सो so, फिर इसके बाद सुबह सुबह अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों कहा जाते हैं चर्च और चर्च में पता चलता है एक आदमी जो कि रेट्राफ्स खूब सारे लिए हुआ था वो क्रोफ्टर के घर में चोरी करके भागा है अब दोनों भागते हुए एकदम सैड वापस आते हैं और जो एडलाविल मैंसन के पापा होते हैं आयरन मास्टर उसको बहुत सुनाते हैं कि देखो मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा था यू डिड दैट अब देखो क्या हो गया पता नहीं उसने कितने सिल्वर स्पूंस चुरा लिए होंगे हमारे घर से ये वो तुम्हें उसको खूब सुनाते हैं और एडलाविल मैंसन बेचारी सैड सर नीचे करके घर के अंदर आती है तो फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ कितना सामान चोरी किया है इस राट्राफ सेलर ने तो फिर पता चलता है कि वो कुछ भी चोरी करके नहीं गया बल्कि वो एक गिफ्ट छोड़ करके गया है और गिफ्ट बहुत ही गंदी तरीके से रैप्ड होता है उस गिफ्ट में क्या होता है आप हाँ, मुझे बताइएगा वो तीन चीजें जो कि एडला विलमैनसन के लिए एज क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ी गई थी राट्राफ सेलर के द्वारा इन दैट हाउस ऑफ आयरन मास्टर ठीक है जल्दी से बताओ फटाफट योर टाइम स्टार्ट नाउ मेजर पॉइंटर्स है ना दिज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड एक रैट्राफ छोड़ी होती है उसके अंदर वो श्रिंकल्ड आपके थर्टी ग्रोनर्स होते हैं और क्रोनर्स ग्रोनर्स थर्टी ग्रोनर्स होते हैं हाँ और एक लेटर होता है जिसपे नील्स ऑलफ की साइन होती है उस पे लिखा होता है कि आपने मुझे मैं आपको मेरी सच्चाई पता थी फिर भी आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया तो मैं आपको एक कैप्टन बन के दिखाना चाहता हूँ एंड मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाना चाहता हूँ सो so, ये सारी चीज़ें वो लिखता है लेटर में और लास्ट में साइन भी करता है नील जोरफ की कि मैं अच्छा बन गया देखिए आपके लव और कंपैशन ने मुझे बदल दिया राइट सो ही राइट्स दैट और वो ये भी बोलता है कि वो चाहता है कि क्रोफ्टर का पैसा वापस लौटा दिया जाए उस लेटर में सो so हमें स्टोरी से क्या पता चलता है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो आप अपने मन में लव कंपैशन रिस्पेक्ट रखते हो और आप चाहते हो कि दूसरा लव कंपैशन और रिस्पेक्ट से बदल जाए सो दिस इज पॉसिबल है ना सो so वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इस चैप्टर से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है वॉट वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर वी गेट कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन इन एडिशन इट टीचर्स अस दैट मटीरियल स्टिक थिंग नेवर ब्रेंक इन अजॉय ओनली लव एंड रेस्पेक्ट ड अच्छा खुशी आपको तभी मिलती है जब आप एक्चुअली में खुश होते हो है ना दिल से खुश होते हो मटीरियल स्टिक थिंग्स तो टाइमली होती हैं वो आपको हमेशा की खुशी नहीं दे सकती क्लियर हो गया इतना मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो फिर आगे बढ़ेंगे फ यू आर गुड इफ यू आर कंपेशनेट इफ यू आर काइंड यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड गॉट इट दस मच आगे बढ़े बेटा लव एंड सिंपति एंड काइंडनेस कैन ऑल्टर अ पर्सन वेरी गुड 5 मिनिट का ब्रेक चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर फॉर्म से पहले ब्रेक दे दूंगी डोंट वरी कितना क्लियर है सो so, देखो क्लियर क्लीर सटन मोव वर्ड्स में आप लोगों को पहले भी बोलती हूँ ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो ट्राई टू गेट न्यू है ना ऑल द वर्ल्ड इज गोल्ड बट ट्राई टू गेट न्यू चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज इंडिगो सो लेट मी नो इंडिगो आपका जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इंडिगो अच्छा थैंक यू सो मच शिवम थैंक यू आरती थैंक यू सो मच लूस फिश हो लूस फिश हो लूज फिश हो वेरी गुड वेरी गुड हाँ जी लूज फिश हो ठीक है ना तो लूज फिशर ने ये चैप्टर लिखा है इंडिगो ये एक एक्सर्प्ट है जिसे आप एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हो आप मुझे बताना है ये किस बुक का एक्सट्रैक्ट है बताओ हाय गौतम बताओ या द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी राइट सो महात्मा गांधी की बायोग्राफी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से उन्हें उन्होंने अपना पहला मोमेंट स्टार्ट किया दैट वॉज चंपरन मोमेंट जिसमें उन्होंने कितने सारे शेयर क्रॉपर्स को फ्रीडम का एहसास दिलाया और सेल्फ रिलायंस का भी एहसास दिलाया और ब्रिटिशर्स को इंडिया से दूर भगाया राइट right? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदोरी अच्छा ये बताओ हु इज द मेन कैरेक्टर हु इज द मेन प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी के मेन प्रोटेगनिस्ट कौन है मेन हीरो कौन है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी चलिया गया या ट्रू 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 स्मॉल एक्सर्ट है या ग्रेट 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 नो नो होल स्टोरी में थोड़ी राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला तो बस आया था गांधी जी से रिक्वेस्ट करने के लिए चलिए चंपारण है ना मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी तो महात्मा गांधी जी ही है ना क्योंकि उन्हीं की ही बायोग्राफी पढ़ रहे हो आप है ना सो so ये जो स्टोरी है ये सेट करी गई है 1916 में जहां गांधी जी सेटअप करते हैं टू हेल्प अ बंच ऑफ पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण मतलब उन्होंने ये तैयारी करी थी वो किस तरीके से चंपारण के जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करेंगे सो so, यहां पर आपको अकाउंट मिलता है पूरी स्टोरी पता चलती है कि किस तरीके से गांधी जी ने स्ट्रगल किया लोगों को जस्टिस दिलाया न्याय दिलाया और इक्वालिटी दिलाई दस इट बिगिन विद द अरबल लैंड ऑफ चंपरन दैट डिवाइड इन टू लार्ज एस्टेट अब आपको यहां पर जो मेन स्टोरी मेन कहानी पढ़ने के लिए मिलती है वो चंपरन की ठीक है ना चंपरन चंपरन के पीजेंट्स की ओनर ऑफ द स्टेट आर इंग्लिशमैन एंड द वर्कर्स आर इंडियन टेनेंट्स सो चंपरन का जो आपको लैंड मिलेगा वो बहुत सारी संपत्तियों में डिवाइडेड मिलेगा जिनके ओनर्स आपको कौन दिखाई देंगे अंग्रेज और यहां पर काम करने वाले कौन मिलेंगे इंडियन टेनेंट्स इंडिया के किराएदार फाइन अच्छा जिस प्लांट की ये खेती यहां पर करते हैं उसका नाम है इंडिगो नील जिसे बोलते हो आप हिंदी में इंडिगो की खेती करी जाती है यहां पर और उससे डाई बनाया जाता है जिससे कपड़ों को रंगा जाता है फाइन सो वी लर्न दैट द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑन दिस लैंड इज इंडिगो नील ये मेजर क्रॉप है जिसके लिए खेती करते हैं श्योर क्रॉपर्स मोर ओवर वी ऑल्सो सी दैट द लैंड लॉर्ड्स कंपेयर ऑल द डिस्ट टू प्लानीन ऑफ द इंडिगो एंड सबमिट द होल हार्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेंट अब उनको उस जमीन का पंद्रह परसेंट हिस्सा किराए के तौर पर किसको देना पड़ता है इंग्लिशमैन को जो कि ओनर्स हैं इन स्टेट के फाइन द टेनेंट्स आर अंडर अ लॉन्ग दिन टू डू सो अब ये बहुत लंबे समय से चल रहा था इट वॉज सो लॉन्ग इनको ये खेती बहुत लंबे समय से करनी पड़ रही थी अभी हो क्या रहा है अब एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है वो प्रॉब्लम क्या है वो देख लो हाउ एवर जर्मनी स्टार्ट डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो सिंथेटिक का मतलब होता है केमिकल बेस्ड मतलब प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है आपको जल्दी मिल जाएगा सिंथेटिक केमिकल बेस्ड इंडिगो तो जब आपको मिल जाएगा तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी प्लांट लगाने की लोगों की भी जरूरत पड़ती है प्लांट लगाओगे आप तो टाइम भी लगता है फसल ग्रो होने में तो ये सारी चीजें होती हैं इश्यूज आते हैं सिंथेटिक इंडिगो में ऐसा कुछ भी नहीं था तो ब्रिटिशर्स दिमाग चलाते हैं ब्रिटिशर्स कहते हैं अब हमें इंडिगो क्रॉप की जरूरत नहीं है हम सिंथेटिक इंडिगो से काम चला लेंगे तो यहाँ पे दिमाग चला करके वो बेचारे गरीबों को प्रताड़ित करते हैं कैसे दस इन ऑर्डर टू रिलीज दीजेंट फ्रॉम दग्रीमेंट और भैया पंद्रह परसेंट हमको रेंट के तौर पर नहीं चाहिए आप एक काम करो आप जो खेती करते थे पंद्रह परसेंट की आप हमें उसका मुआवजा दे दो हमें पैसा दे दो ठीक है ना हम पैसे से काम चला लेंगे वाई सम ऑफ द अनएजुकेटेड पीजेंट अग्रीड ऑन दिस कुछ जो अनपढ़ होते हैं गरीब वो अग्री कर जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नाई हम हम कंपनसेशन तो दे ही नहीं सकते हमारे पास तो पैसा ही नहीं है हम कैसे दे दें आप हमसे पैसा मांग रहे हो हम जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे दस वी नोटिस दैट वन ऑफ द शेयर क्रॉपर राजकुमार शुक्ला अरेंज फॉर अ मीटिंग विद गांधी जी अब राजकुमार शुक्ला को पता चलता है कि एक लॉयर है जिनका नाम गांधी जी है एडवोकेट है वो गरीब लोग की बहुत मदद करते हैं आप उनसे जाकर के मिलो उनसे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा राजकुमार शुक्ला सारी जगह से जब थकान चुका होता है तो वो गांधी जी के पास जाता है गांधी जी से मदद मांगने के लिए कि भैया हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है वी आर ऑपरेस्ड और हमें ऑपरेस कर कौन रहा है ब्रिटिशर्स ये ये वजह है प्लीज आप हमारी मदद करिए ठीक है गांधी जी से मिलने की कोशिश करता है अब गांधी जी से मिलने के लिए कितने जतन करता है यू कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट He meets him for the same issues and insists Gandhi to visit the place to end the long-standing injustice. So yahan पर आपको पता चलेगा कि पता नहीं kahan kahan गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने चेस किया लेकिन फाइनली ये आप मुझे comment सेक्शन में बताएंगे फाइनली कौन सी जगह पर गांधी जी वोज रेडी राजकुमार शुक्ला के साथ चलने के लिए और वो सीधे उस पर्टिकुलर जगह से कहा गए थे पटना सो so, आप मुझे बताइए वो लास्ट मीट राजकुमार शुक्ला की गांधी जी से कहां पे हुई थी जहां से मिलने के बाद वो गांधी जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था ऑल दो लखनऊ कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे ना गया हो कि गांधी जी प्लीज मेरे साथ चलिए मेरी मदद करिए क्योंकि हम जैसे गरीब किसानों को तड़प किया जा रहा है राइट तो गांधी जी से वो मिलता है कहता है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है हमारी मदद करिए गांधी जी अग्री कर जाते हैं और फिर वो निकल लेते हैं ट्रेन पर बैठ जाते हैं और ट्रेन कहाँ के लिए निकल चुकी होती है पटना बिहार हाँ जी कैलकटा कैलकटा मतलब जो कितनी जगह उनको चेज करता है फिर लास्ट में कैलकटा पे जा करके उसकी ये जो पूरी चेज़ होती है वो कंप्लीट होती है कैलकटा से ये ट्रेन पकड़ते हैं पटना की जो कि बिहार में है वहाँ चले जाते हैं ये अच्छा आफ्टर दैट है गांधी जी विजिट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद लॉयर अब जब ये बिहार जाते हैं तो बिहार में ये सबसे पहले जिस घर पे उतरते हैं वो होता है राजेंद्र प्रसाद का घर जो कि पेशे में एक लॉयर है है ना इंडिया से इनका क्या ताल्लुक है और इंडिया में ये बहुत पॉपुलर क्यों है ये आप मुझे बताएंगे है ना ये इतने नेम फेम में क्यों है लॉयर होने के अलावा इनका इतना नेम फेम क्यों है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सो so, राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं जहां पर इनको जो गार्ड होते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर के वो बाहरी बिठाल देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये भी एक शेयर क्रॉपर है क्योंकि उनके गार्ड पहले से ही शेयर क्रॉपर्स को जानते होते हैं अब ये साधारण कपड़ों में होते हैं धोती वोती पहने हुए होते हैं तो इनको गरीबी समझते हैं वो गांधी जी को सबसे बुरा ये लगता है कि ये नालायक मुझे कुएं का पानी नहीं भी नहीं दे रहे यहां पर अनटचेबिलिटी अभी भी चलती है हाउ डेयर दे कैसे कर सकते हैं वो ऐसा जी ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट सो गांधी जी को बड़ा बुरा लगता है कि ऐसी जगह जहां पर लोगों की सोच ही डेवलप नहीं हुई है आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट दे कैन डू डू समथिंग नेवर इतने बड़े घर के लोगों को अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को फॉलो करना पड़ रहा है सो so, क्योंकि गांधी जी सिंपल ड्रेस में होते हैं तो जो गरीब किसान ही उन्हें समझा जाता है और उन्हें कुएं का पानी नहीं छूने दिया जाता है दस गांधी प्लान बिफोर ट्राइंग टू गेट द दीजेंट एनी जस्टिस अब गांधी जी प्लानिंग करते हैं कि आखिर वो क्या करें जिस तरीके से वो इन बेचारे गरीबों को अन्याय से बाहर निकाल सके इतना अन्याय हो रहा है अनटचेबिलिटी इनके साथ करी जा रही है इट इज बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर पुशिंग सॉरी पनिशिंग एनी वन कीपिंग नेशनल लीडर्स

में ये आंसर करके बताओ, जब गांधी जी को ऐसा फील होता है कि ये जो राजकुमार शुक्ला है ये मुझे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो कौन सी प्लेस पर जाते हैं जहां पर वो बहुत सारे लॉयर्स मिलते हैं और पता करते हैं आखिर मसला क्या है और उस प्लेस का नाम एम से स्टार्ट है फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा सुनो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि जब गांधी जी उस जन्हा पर जिसका नाम एम से है वहां पहुंचते हैं तो उनके वेलकम के लिए कौन आते हैं प्रोफेसर के तौर पर तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि किसके घर पर कौन से गवर्नमेंट टीचर होते हैं जिनके घर पर गांधी जी स्टे करते हैं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से दो फटाफट फिर मैं आगे बढ़ूंगी और आगे मैं आप लोगों का आंसर सुनने के बाद ही कंटिन्यू करूंगी स्टोरी को हां जी या मोदिहारी नहीं बेटा मोदीहारी तो कैपिटल है चंपारण की वो तो वहां बात बहुत बाद में गए थे मुजफ्फरपुर जाते हैं यस yes, मुजफ्फरपुर जाते हैं तो मुजफ्फरपुर में कौन से प्रोफेसर हैं जो अपने खूब सारे बच्चों के साथ उनका स्वागत करते हैं वेलकम करते हैं जे बी कृपलानी वेरी गुड जे बी कृपलानी तो जे बी कृपलानी अपने प्रोफ अपने पूरे स्टूडेंट्स के साथ आते हैं वो उनसे बहुत पहले मिले होते हैं गांधी जी से तो वो अपने पूरे स्टूडेंट्स के साथ आते हैं और खूब भारी भीड़ में उनका स्वागत करते हैं गांधी जी को लगा नहीं था कि उनका इतना स्वैग से स्वागत किया जाएगा बट किया जाता है है ना और जिसके घर पर वो रुकते हैं वो कौन होता है प्रोफेसर मलखानी है ना जिनके घर पे वो स्टे करते हैं सोचो बहुत बड़ा रिस्क था ये क्योंकि उनको पनिश किया जा सकता था वो अपना घर खो सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने मदद करी गांधी जी की क्योंकि गांधी जी के चर्चे बहुत थे ठीक है अच्छा खैर दस पोरिंग इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन हिज सपोर्ट So, अब क्योंकि आ, इतने सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए होते हैं और सबको पता चलता है कि ये न्याय की डिमांड करने के लिए आए तो धीरे धीरे करके लोग उनको सपोर्ट करते जाते हैं करते जाते करते जाते करते जाते हैं कॉन्सिक्वेंटली लॉयर्स डेट एक्सेप्ट दैट द चार्जेस आर क्वाइट हाई एंड टू अनजनेबल फॉर अ पुअर पीजेंट अब जब ये मुजफ्फरपुर जाते हैं ये पता करते हैं पूरा मसला क्या है तो गांधी जी को ये भी पता चलता है कि नलायक हमारे जो लॉयर हैं वो भी हैं क्यूं? क्यों क्योंकि इनका केस तो वो लड़ रहे हैं और खूब सारा पैसा भी इनसे लेते हैं लेकिन उन केसेस का कोई मतलब नहीं है, है ना उन, उनसे कोई आउटकम नहीं आ रहा क्यों क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि उस लेवल पर जाकर के इस इश्यू को रिजोल्व किया जाए गांधी so जी पहले फटकार लगाते हैं सारे के सारे के को कि तुम लोग कितने लायक हो तुम लोग अपने ही घर के लोगों से इतना इतना पैसा ले रहे हो और उनकी मदद नहीं कर रहे हो सो so से आपको ये भी पता चलेगा कि इंडिया में कई सारे ऐसे लोग थे जो बोलते ना घर का भेदी लंका ढाए वो वाले काम कर रहे थे है ना तो गांधी जी ने उनको डांटा फटकार लगाई कैसे कैसे कर सकते हो तुम गरीब किसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो उनके साथ गलत कैसे कर सकते हो वो तुम्हारे लैंड के हैं हाउ एवर गांधी वॉज क्रिटिसाइजिंग दैम फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स राइट ही वॉज एम्फरसाइजिंग ऑन काउंसिलिंग एज दस विल प्रोवाइड द पीजेंट्स विद कॉन्फिडेंस टू फाइट देअर फियर अब गांधी जी बोलते हैं कि भाई देखो अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमें तो उनकी मदद करनी ही करनी है तभी तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो वो अपने लिए फाइट कर पाएंगे कौन शेयर क्रॉपर्स दस ही मैनेजेस टू गेट जस्टिस आफ्टर इयर लॉन्ग फाइट फॉर द पीजेंट अब गांधी जी को मीनवाइल बहुत डांटा जाता है फटकारा जाता है कि देखो तुम हो कौन है ना तुम बाहर से आए हो आउटसाइडर हो है ना तुम्हें क्या चाहिए यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें सजा सज़ा सुना दी जाएगी तो मीनवाइल गांधी जी को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आती हैं लेकिन गांधी जी किसी थ्रेट पर बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं परेशान नहीं होते बल्कि अपनी सर्च में लगे रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से मुझे गरीब किसानों की मदद करनी है राइट सो यूल गेट टू नो हियर ही हैज़ ऑल्सो अरेंज फॉर द एडिकेशन हेल्थ एंड हाईजीन फॉर द फैमिलीज ऑफ पुअर पीज एंड आफ्टर वर्ड्स जब ये वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है इसको सॉल्व करने के लिए भी गांधी जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर करा होता है एक्चुअली में बीच में गांधी जी के साथ ऐसा हो जाता है कि एक आदमी उनके पास नोटिस लेकर के आता है कहता है कि आपको हियरिंग के लिए आना पड़ेगा कोर्ट में आप गलत कर रहे हैं ठीक है ना सो गांधी जी के पास जो नोटिस आता है उसमें वो लिखते हैं कि मतलब उस नोटिस में लिखा हुआ होता है कि आपको ये जगह छोड़ करके जानी पड़ेगी तो गांधी जी लिखते हैं सॉरी आई कांट एक्सेप्ट दिस लेकिन साइन करते हैं वो सो so, इससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को डिनाई नहीं करना चाहता बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है गरीब किसानों की सो so, मेरे लिए लोअर कानून मैटर करते हैं लेकिन जस्टिस के बाद और वो भी जस्टिस किसके साथ जो गरीब किसान है उनके साथ तो गांधी जी ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन गांधी जी को ये भी पता होता है कि उनके स्ट्रगल में पूरा का पूरा जो प्लेस है बिहार पटना वो उनके साइड में कैसे पता चलता है जब वो जाते हैं ठीक है ना चम्पारण की कैपिटल मोतिहारी मोतिहारी के कोर्ट में जब वो होते हैं हियरिंग के लिए तो बहुत सारे लॉयर्स आते हैं उनको सजेस्ट करने के लिए कि ऐसा करिए वैसा करिए तो गांधी जी यहाँ पर दिमाग चलाते हैं थोड़ा सा गांधी जी कहते हैं कि मैं एक आउटसाइडर होकर के इन लोगों की मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं सोच रहे तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ गांधी जी एक आउटसाइडर है और आउटसाइडर होते हुए भी वो गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं और हम नहीं सोच सकते तो हम कितने गलत हैं है ना तो गांधी जी एडवोकेट और ऑफ होम रूल को फॉलो करते हैं तो वो लोग भी फॉलो करते हैं कहते हैं कि गांधी जी अगर आप जेल चले गए तो हम भी आपके साथ जाएंगे तो बताया जाता है कि उस समय इतना ज्यादा क्रेज था गांधी जी के सपोर्ट में इतने लोग आ गए थे कि पूरा मोतिहारी ब्लैक हो गया था इंडियन से और क्यों बोला गया ब्लैक हो गया था इंडियन से क्योंकि जो गरीब किसान थे वो धूप में मेहनत करते थे तो बेचारे काले हो गए थे तो इतनी भारी तादाद में आपको इंडियंस दिखाई दिए थे जिनको ब्लैक इंडियंस बोलते थे कौन फॉरनर्स तो कहते हैं अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो हम सब जेल जाएंगे तो डर के मारे इन लोगों को क्या करना पड़ता है जो भी वहाँ के अथॉरिटीज़ होते हैं उस कोर्ट के वो कहते हैं कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो गांधी जी को पहले दो घंटे की बेल मिलती है उस बेल के बाद भी गांधी जी का जो केस होता है वो ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि सबको पता होता है कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा सो तो इस तरीके से गांधी जी जाकर के पूरे मैटर को सॉर्ट करते हैं ठीक है ना एक कमेटी बिठाते हैं पूरी रिसर्च करते हैं रिसर्च करने के बाद सारे सारे जितने भी पीछे कच्चे चिट्टे होते हैं वो लेकर के बैठते हैं और ओनली गांधी जी वॉज देयर जो कि गरीब किसानों की तरफ से फाइट कर रहे थे तब जाकर के ब्रिटिशर्स का कच्चा चिट्टा सामने आता है पता चलता है कि उन्होंने कितना गलत किया है गरीब किसानों के साथ तो अब इन ब्रिटिशर्स को लग रहा होता है कि गांधी जी हंड्रेड परसेंट मुआवजा मांगेंगे गांधी जी फिफ्टी परसेंट की डिमांड करते हैं अब ये लोग इतने चलाक होते हैं कहते हैं पचास परसेंट हमारे पास है ही नहीं तो पच्चीस परसेंट में मैटर रफा दफ़ा कर दिया जाता है अब वो पच्चीस परसेंट में गांधी जी कहते हैं कि मैं हॉल्ट नहीं रखना चाह रहा था चीज़ें क्योंकि फिर आगे बढ़ी नहीं पाती मीटिंग पे मीटिंग होती रहती मेरा मेन मसला ये था कि मुझे जस्टिस चाहिए था गरीब किसानों के लिए और मुझे उनको एक स्ट्रेंथ देनी थी तो वो स्ट्रेंथ मैंने उनको दे दी मैंने उनको जस्टिस दिलवा दिया अब वो लोग अपने अपने फीयोर से ओवरकम कर चुके हैं और अपने लिए खुद फाइट कर सकते हैं सो तो इस तरीके से जो जो गरीब किसानों को ऑपरेस किया जा रहा था वो अब नहीं हो रहा था ठीक है ना लेकिन गांधी जी को लगता है नहीं 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 मैं भारत में इस पर्टिकुलर जगह पर चंपारण आया था कुछ समय के लिए कि मैं इन लोगों को जस्टिस दिलाऊंगा लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं अगर मैंने लंबे समय तक इनका साथ नहीं दिया तो दे वन बी एबल टू सर्वाइव क्योंकि गांधी जी देखते हैं ना वहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं फिर गांधी जी देखते हैं कि यार यहाँ के लोगों को तो कुछ आता जाता ही नहीं है तो वो उन्हें बेसिक चीजों की पढ़ाई करवाते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो बेसिक एडुकेशन हो गया हेल्थ हो गया है ना हाइजीन की नॉलेज देते हैं जिसमें उनकी वाइफ आप मुझे बताइएगा उनकी वाइफ का नाम क्या है और उनका जो बेटा जो सबसे छोटा बेटा होता है उनका सपोर्ट करता है वो बेटा इनका साथ देता है तो उनके बेटे का नाम क्या है उनकी वाइफ का नाम क्या है जो दोनों सपोर्ट में के आते हैं बहुत सारे और भी वॉल्टियर्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकी मदद करते हैं और गांधी जी बहुत सारे काम करते हैं आफ्टर दिस ऑल्सो वो सैनिटेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं यहाँ के लोगों को ठीक है ना इनकी वाइफ जो होती हैं साफ सफाई कैसे रखनी है है ना हाइजीन पे कैसे वर्क करना ये है ये सिखाती हैं ये कुछ दवाइयाँ अरेंज करवाते हैं गरीब किसानों के लिए कि भैया ये दवाइयाँ यूज करो बेसिक जो नीड वाली है ठीक है ना फिर जो पुराने पिट्स होते हैं उनको बंद करवा के नए पिट्स खुलवाते हैं है ना? नॉर <coughs> uh, हाँ भाई वेरी गुड देवदास वेरी नाइस फाइनली वो uh, जितने भी लोग होते हैं मोतिहारी के चंपारण के उनको सिखाते हैं कि हाउ मच इट इज नेसेसरी कि आपको अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा कब तक बाहर के लोग आकर के मेरे जैसे बाहर के लोग आकर के आपको सपोर्ट करते रहेंगे और फिर आप जा कर के अपनी ज़िंदगी में कुछ बेटर कर पाओगे सो इट्स बेटर कि आप अपने अंदर सेल्फ रिलायंस लाओ सेल्फ सफिशंसी लाओ खुद चीज़ें करो खुद सीखो खुद पढ़ो ताकि आप जान पाओ आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है सो so गांधी जी इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं राइट right? सो so इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है यह पढ़ने के लिए मिलता है कि किस तरीके से गांधी जी ने सिर्फ इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्री ही नहीं करवाया बल्कि किस तरह से उन्होंने लोगों के बेटरमेंट के लिए वर्क भी किया है राइट right? सो so, आपको ये पूरी जो बायोग्राफी का छोटा सा एक्सर्ट यहां पे देखने के लिए मिला है उसमें आपको होल सोल यही सीखा, सीखने के लिए मिला है कि हाउ गांधी जी वर्कड फॉर इंडियंस एंड हाउ कितना बज रहा है सात बज गया सब कोई और स्टूडियो ले लीजिए आठ बजे खाली कर देंगे आप आई एम नॉट श्योर मेरी पेट भी है इसमें लगातार क्लास लेती है मेरी एक बार पता कर लीजिए सर चल रही है बोर्ड की है ठीक है सो आप इसको याद रखना बिकॉज आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल आपने स्टोरी में क्या पढ़ा क्या सीखा क्या लर्न किया गांधी जी ने यहां पर पूरे ओवरऑल चैप्टर में आपको क्या टीच किया सो रिमेंबर दिस कि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स से इंडिया को फ्री ही नहीं करवाया बल्कि लोगों को बेसिक नॉलेज भी दी और उनको यह भी बताया कि हाउ मच इट इज नेसेसरी टू गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस राइट सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी जी इतना क्लियर हो गया मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट ज दिस मच पैल्पेबल टू एवरीबडी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोगों को बहुत बोरिंग लगता है आई थिंक सर कोई और स्टूडियो ले लेंगे <laughs> मेरा नेम अच्छा मेरा नेम आप लोगों में कितने लोगों को पता है हाउ मेनी ऑफ यू नो माई नेम में से कितने लोगों मेरा नेम पता है चलो एक का तो पता चल गया अच्छा एक को ये भी पता है कि दे। अच्छा। अच्छा अच्छा मैम जी नहीं मैम मेरा अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ आप लोगों को मेरा नेम है ठीक okay? है माय नेम इज़ ओके आप इंग्लिश पढ़ाती हैं हाँ अच्छा ठीक है दस ग्रेट तो चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं आई एम श्योर अबाउट दिस कि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको बोरिंग लगता है बट ये बोरिंग नहीं है यार इट्स अ लवली चैप्टर थैंक यू चलो सो मुझे जल्दी से बताओ हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स बताइए मैं कहां से हूं मैं भारत से हूं अशोका मित्रन वेरी गुड सो अशोका मित्रन जो कि राइटर हैं स्टोरी के उन्होंने हमको बताया है जेमिनी स्टूडियोज के बारे में अब सोचो ना आप लोगों को कितना मजा आता है ना देखने में आलिया भट्ट को है ना और ऋतिक रोशन को भी फाइटर मूवी भी आप लोग देख करके आए होंगे गए सो बॉलीवुड में आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आता है लेकिन अगर आप लोगों को ये पता चले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो आपको कितना इंटरेस्टिंग लगे सो so, यहाँ पर आपको एक स्टूडियो के बारे में अब पता अभी क्या होता है ना लोग रियल प्लेसेस पे जाकर के शूटिंग करते हैं पहले ना स्टूडियोज बनाए जाते थे और उन उस स्टूडियोज में ही सारी शूटिंग्स हो जाती थी तो यहाँ पर भी एक स्टूडियो की कहानी आपको बताई गई है उस स्टूडियो का नाम है जेमिनी स्टूडियो सो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि उस जेमिनी स्टूडियो में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस वर्क करते थे और कौन, -कौन सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस ही वर्क नहीं करते थे और कौन कौन से लोग वर्क करते थे जैसे कि सपोज आपको पता चले अच्छा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में पढ़ाया जाता है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में क्या क्या देखने के लिए मिलता होगा कैमरा होगा है ना और एक टी वी स्क्रीन रखी हुई होगी ठीक है ना एक लैपटॉप होगा एक स्टूडियो होगा और कौन कौन पीछे बैक लॉग में वर्क करता होगा सो so, इस तरह से जर्मनी स्टूडियो में भी बहुत सारे लोग काम करते थे उनका रोल प्ले क्या क्या था वहाँ के इंपॉर्टेंट लोग आ, कैसे थे वहाँ पे लोग क्या पसंद करते थे है ना वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेसेस को किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता था है ना कौन सा मेकअप वो यूज़ करते थे ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं सो अशोका मित्रन जो कि राइटर है इस चैप्टर के उन्होंने बहुत अच्छे से जेमिनी स्टूडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इवन यहाँ पर उनके बॉस का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सो लेट्स बेगिन विद दिस चैप्टर एंड चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है आपके ये चैप्टर स्टार्ट होता है अशोका मित्रन के साथ जो कि हमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताते हैं एंड दिस स्टूडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडियो का नाम आपको याद रखना है जेमिनी स्टूडियो राइट नाउ वी लर्न अबाउट अ वेरी पॉपुलर मेकअप ब्रांड जिसका नाम है पैनकेक So, यहाँ पे जो मेकअप थपता था लोगों के फेस पर तो अलग अलग आ गए हैं यहां पे जो मेकअप थोपा जाता था दैट वॉज पैनकेक ठीक है द जेमिनी स्टूडियो दिस ब्रांड एक्सेसिवली एंड ऑर्डर्स ट्रक ट्रक लोड्स ऑफ प्रोडक्ट भर भर के ये मेकअप ब्रांड आता था क्योंकि जितने लोग शूट पर आते थे उनके यही मेकअप थोपा जाता था अब तो और अच्छे अच्छे ब्रांड यूज होने लगे हाँ जी बहुत अजीबोगरीब काम करते थे वो और उनको कोई वैल्यू भी नहीं करता था आफ्टर दैट ही गोज ऑन टू टेल द रीडर्स अबाउट द ट्रबल्स द एक्टर एंड एक्ट्रेसेज फेस अब यहाँ पर आपको वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे उनको मेकअप uh, रूम में ले जाया जाता था जो कि एक हेयर कटिंग सलून के जैसा था जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स थी जो जब उनके मेकअप के टाइम पर उनकी आँखों में पड़ती थी तो उनको आई इरेटेशन भी हो जाता था ठीक है नेक्स्ट we learn about the many lights glaring in their faces when they are getting ready in the makeup room so this i have already told you moreover he also mentions how the makeup department uses lots of makeup to make them <laughs> look ugly acha yahan pe ek bahut funny baat boli hai asoka mitra ne generally hum log aise hi sundar hote hain bina makeup ke hai na lekin मेकअप लगा करके हम और सुंदर दिखने लगते हैं लेकिन अशोका मित्र यहाँ पे कहते हैं कि लोगों को makeup किया जाता था ताकि वो लोग बदसूरत दिखें है ना एक्चुअली मैं बस सुरुत लगने के लिए उनका मेकअप नहीं किया जाता था बट उनके हिसाब से जब लोगों को मेकअप कर दिया जाता था तो वो स्टाइल में किया जाता था कि वो बहुत ही हॉरिबल लगता था सो दैट्स वॉय बोलते हैं कि मेकअप उनका जब किया जाता था तो दे लुक हॉरिबल दे लुक वियर्ड ही ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट फिर वो यहां पर एक कंप्लेन मास्टर के बारे में बताते हैं और वो कंप्लेन मास्टर कोई और नहीं वो कौन है ऑफिस बॉय जिसका काम था जब भीड़ में लोग आएंगे तो उनके मुंह पर मेकअप उसी को ही थोपना है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि वो कंप्लेन मास्टर था दुनिया भर की जितनी कंप्लेन होती थी वो उसके पास होती थी और वो सबसे ज्यादा एक पर्सन से चढ़ता था उस स्टूडियो के आप मुझे बताएंगे कि वो किस पर्सन से सबसे ज्यादा चढ़ता था ठीक है नेक्स्ट ही हैज अ जॉब टू स्लैप पेंट ड्यूरिंग क्राउड शूटिंग ऑन द फेसेस ऑफ द प्लेयर्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नेक्स्ट आप अगर यहां पर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा फर्दर वी लर्न दैट द ऑथर इज अ पोएट हु जॉइंस द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर हमें बाद में पता चलता है कि यहाँ पर जो ऑथर हैं ठीक है ना जो कि एक पोएट थे उन्होंने स्टूडियो ज्वाइन किया था एक्टर बनने के लिए स्क्रीन राइटर बनने के लिए डायरेक्टर बनने के लिए लरसिस्ट बनने के लिए लेकिन उन्हें कोई और ही काम पकड़ा दिया गया था हाँ जी सुब्बु एक बंदा था जिससे सबसे ज्यादा चढ़ता था ऑफिस बॉय क्योंकि वो बॉस का बहुत फेवरेट था लोगों का बहुत फेवरेट था तो वो ना सबसे ज्यादा उससे जल्स था और उसकी शिकायतें आकर के किससे लगाता था ऑथर से यानी कि अशोका मित्रन से ठीक है अब क्योंकि ऑथर यहां पर आए थे तो वो एक पोएट के तौर पर आए थे है ना और उन्होंने यहाँ पर सपना देखा था कि वो एक्टर बन जाएंगे स्क्रीन राइटर बन जाएंगे डायरेक्टर बन जाएंगे ऑल एवेस्टर्स बन जाएंगे लेकिन अफसोस ये हो ना सका उनको ले देकर के एक छोटा सा काम दे दिया गया एक छोटे से कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया वहां पर उनका एक छोटा सा काम था वो न्यूजपेपर में से कटिंग्स करते थे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती थी रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो उसको काटते थे और फाइल में जाकर के उसको चिपका देते थे सो so, इस वजह से बहुत सारे लोगों को वहां के लगता था अरे इनके पास तो कोई काम धाम ही नहीं है ही इज़ अ यूजलेस फिल्म है ना तभी लोग जाकर के उनके ऊपर वॉमिट करते थे क्या वॉमिट करते थे अपनी बातें अपना जितना फ्रस्ट्रेशन होता था वो जाकर के किस पे निकालते थे अशोक अमित्रन पे सो एक तरीके से जो जितना खलियर इंसान होता है ना ऑफिस का उसके साथ ही जाकर के लोग सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं ठीक है ना डिस्कशन करते हैं तो वही यहां पे बताया गया सो अकॉर्डिंग टू पीपल ही ऑफिस बॉय ऑलवेज केम इन कंप्लेंट्स टू द ऑथर तो ऑफिस बॉय हमेशा इनके पास क्या लेकर के आता था कंप्लेंट्स फाइन नेक्स्ट देखिए द ऑथर थिंक्स दैट सुबू इज वन ऑफ द ट्रबल्स ठीक है ऑथर को लगता था कि सुब्बू वो पर्सन है जो कि ऑफिस बॉय को परेशान करता है क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें ऑफिस बॉय अगर किसी की करता था तो वो सुब्बू की करता था अब सुबु कौन है वो भी देख लिए सुब्बू एक ब्राह्मण है ठीक है ना ऑथर <clears throat> को ये सोच में डाला गया था या उनके दिमाग में चलता था क्योंकि वो एक ब्राह्मण है इस वजह से उसका एक अपर हैंड है मतलब हर चीज में उसे प्रेफरेंस मिलती है सो so, हमें देखने के लिए मिलेगा सुब्बू बहुत ही काम का जुगाड़ी आदमी है सुबू इज अ रिसोर्सफुल मैन विद लॉयल्टी दैट सेट्स हिम अपार्ट सुबू अच्छा इसलिए है क्योंकि वो बहुत जुगाड़ू है प्लस वो बहुत लॉयल भी है किसके साथ कंपनी के साथ जेमिनी स्टूडियो के साथ है ना और वो बॉस का राइट हैंड भी है सो सुबू इज द परफेक्ट वन फॉर फिल्म एंड फिल्म मेकिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट हिम ऑथर जब से जेमिनी स्टूडियो में आए थे उन्होंने देखा था अभी तक जितने अच्छे काम हुए हैं जेमनी स्टूडियो में वो सुब्बू की वजह से किए गए सुबह एक पोइट भी था है ना सुब्बु अलग अलग तरीके से लोगों को बताता था कि कौन सा एक्शन किधर सूट करेगा है ना किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो सुबह वॉज द वन जो सबसे पहले जाकर के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था और सुब्बु बॉस का राइट हैंड भी था तो सुबू सुब्बू सुब्बु सुबू सुब्बू सुबह वॉज वेरी फेमस इन जेमनी स्टूडियो सुब्बू के बिना जेमनी स्टूडियो नहीं चल सकता था ऐसा बताया जाता है एवरी वन लव सुबू हिज फ्रेंडली नेचर एंड हॉस्पिटैलिटीज क्योंकि वो लोगों की मदद करता था और फ्रेंडली था उस वजह से लोग उसे बहुत मानते थे is, others, सारे, पे बहुत सारे लोग थे जो पोयट थे और उनके साथ साथ सुब्बू भी एक पर्सन था जो पोएट्री करता था ही वर्क फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट दैट ऑल्सो हैज अ लॉयर वो स्टोरी डिपार्टमेंट में भी काम करता था जिसके पास एक लॉयर थे हाउ एवर पीपल कंसिडर हिम टू बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट अ लीगल कंसल्टेंट एक्चुअली हुआ क्या था ये जो लॉयर थे जो लीगल कंसल्टेंट थे इन्होंने एक बार एक हेरोइन की नौकरी खा ली थी क्योंकि उसने कैमरे के सामने थोड़े से टेंट्रम्स दिखा दिए थे और वो रील इन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी और वो रिकॉर्डिंग इन्होंने जाकर के किसको दिखा दी थी बॉस को जिसकी वजह से उस एक्ट्रेस की नौकरी चली गई थी सो लोगों को लगने लगा था कि ये जो लॉयर हैं ये जो लीगल कंसल्टेंट हैं इनके अंदर लीगल्टेंट कंसल्टेंट वाली कोई भी क्वालिटीज नहीं है सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ पर अच्छा आगे आप पढ़ेंगे मोर ओवर ही इज अ लॉजिकल मैन विद अ न्यूट्रल माइंड सेट इन अ ग्रुप वेयर देयर आर ओनली ड्रीमर्स यहाँ पे इनको बताया जा रहा है कि वो एक लॉजिकल मैन है इनका uh, जो माइंड सेट है वो बहुत न्यूट्रल है सुबह का और uh, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ड्रीम में रहते हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है इसको लगता है जो सही है वो कर लो जो सही नहीं है वो मत करो सो so, ये हकीकत में जीता अकॉर्डिंग टू हिम

तो ये परफॉर्मर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं वाइल दे डिड नॉट हैव वेरी कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स और मैसेजेस सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर कॉस्ट्यूमसो परफेक्ट सो इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है ये अपनी एक्ट से सिंपल सी स्टोरीज और मैसेजेस शो करते हैं परफॉर्मेंस में और इनका जो ड्रेस है वो सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वही करता है सो so, अगर आपसे पूछा जाए हमारे का सबसे ज्यादा क्या फेमस था सो so रिमेंबर कि हमारे का सबसे ज्यादा फेमस अगर कुछ था तो वो कॉस्ट्यूम था फिर आपको पता चलेगा कि इस जमनी स्टूडियो में एक गेस्ट भी आता है है ना वो गेस्ट कौन होता है स्टीफन स्पेंडर एक बहुत फेमस पोएट लेकिन एक्चुअली में वो जिस भाषा में बोल रहे होते हैं वो भाषा वहां के लोगों की को आती ही नहीं होती है लोग तमिल में इंटरेस्टेड होते हैं तो क्या बोल करके स्टीफन स्पेंडर चले जाते हैं अपनी इंग्लिश स्पीच किसी को पता नहीं चलता है ना स्टीफन स्पेंडर किसी को समझ पा रहे होते हैं ना ना वहाँ के लोग स्टीफन स्पेंडर को और फिर इसी वजह से स्टीफन स्पेंडर एक अनोनमस पर्सनैलिटी बनकर के रह जाते हैं उस जमनी स्टूडियो के लिए राइट हाउ एवर टर्स आउट ही इज नॉट ही इज़ नॉट दैट फेमस एंड many पीपल हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ him. यही वजह थी क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत अननोन थी हमारे यहाँ के लोगों के लिए इस वजह से स्टीफन स्पेंडर एक मिस्ट्री बन करके रह गए थे जर्मनी स्टूडियो के लिए हालांकि आपको पता चलेगा कि जो अशोका मित्रन थे वो एक लाइब्रेरी में बैठे हुए थे वो बुक्स पढ़ रहे थे तो कहीं पर उन्होंने स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा था उन्हें पता चला छ एक पॉपुलर हस्ती हमारे यहाँ पर आया था हाउ एवर ओइंग टू लैंग्वेज बैरियर्स Many many could not understand him, which I told you earlier. Thus, his visit remained a mystery until, after many years, the author saw कुड name in a book and recognized him for his visit to the studio. Studio. तब उनको जाकर समझ में आया जब उन्होंने इस चीज के बारे में सर्च किया सो so, ये मेजर चीजें हैं क्या क्या मेजर चीजें हैं आप देख चुके हो ठीक है ना कि आपका जो जैमिनी स्टूडियो है वो फेमस है वहाँ का ब्रांड मेकअप ब्रांड फेमस है ठीक है ना वहाँ पर जो हेयर कटिंग सैलून की तरह पे तरह से आपका एक मेकअप uh, रूम है वो फेमस है फिर उसके बाद सुब्बू फेमस है वहां पे ऑफिस बॉय फेमस है वहां पे एम आर ए फेमस है वहां पे और एक एकवल स्पेंडर वो भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है हालांकि उनका आना एक मिस्ट्री बन चुका वो फेमस इसलिए है क्योंकि इनको फेमस करने वाले कोई और नहीं आपके राइटर ही हैं क्यों क्योंकि लास्ट में पता चलता है भाई ये एक्चुअली में फेमस है लेकिन हमारे यहाँ फेमस नहीं थे अच्छा आप मुझे दो चीजों का आंसर फटाफट फड़ कर करके बताओ जेमिनी uh, स्टूडियो के जो बॉस है उनका नाम क्या है दूसरा मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि आ, जो जेमिनी स्टूडियो है ठीक है ना उसका फाउंडेशन कब हुआ इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करके आप मुझे बताइए और अगर आपसे पूछा जाए कि वट इज द स्टोरी अबाउट या कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी पूछा जाए सो आप याद रखिएगा यहां पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस इंडिया का एडवेंट हुआ है ना और यहां पे हम ये भी लर्न करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कैसी थी हमारी कैसे शुरुआत हुई उसकी राइट right? डिटेल में हमने उसके बारे में पढ़ा और उसकी फंक्शनिंग के बारे में भी पढ़ा राइट right? सो so ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कनेक्ट करता है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस से और फिल्म इंडस्ट्री से या एस एस वासन वेरी गुड जल्दी बताओ फटाफट फ़ड़, कमेंट सेक्शन में अच्छा मुझे एक बात बताओ जेमिनी स्टूडियो में मैक्सिमम लोग जिस तरह की मूवीज देखना पसंद करते थे वो कैसी मूवीज होती थी इंग्लिश uh, मूवीज होती थी तमिल मूवीज होती थी या फिर हिंदी मूवीज होती थी बताओ

हमारा पोएट एंड पैनकेक्स तो आई थिंक हो गया अच्छा इसको हम लोग चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट चैप्टर इज द इंटरव्यू अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कॉमेंट सेक्शन में हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर द इंटरव्यू द इंटरव्यू हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर ठीक है बताओ अच्छा ये भी ऐसा चैप्टर है जो आपको बोरिंग लग सकता है बट एक्चुअली में इसमें भी काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं इंटरव्यू क्या होता है यार इंटरव्यू कब से चलता चला आ रहा है है ना सोचो आप किसी भी पॉपुलर पर्सनालिटी को देखते हो उसका कोई ना कोई इंटरव्यू लेता है कि आप यहां तक कैसे पहुंचे आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ में है ना तो कुछ लोगों को इंटरव्यू देना अच्छा लगता है कुछ लोगों को नहीं प्रॉब्लम आवाज <coughs> नहीं आ रही है कैसी ग्लिच आ रही है आवाज नहीं आ रही <coughs> हाँ, बटोई को नहीं है बेटा अभी ठीक है डन राइट वॉइज ऑल राइट माइक 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 जी क्रिस्टोवर सिल्वेस्टर अभी ठीक है माइक कि अभी भी ग्लिच है कुछ ज्यादा ही आ रही है अच्छा चलिए हां जी सो द इंटरव्यू इज अ चैप्टर विच इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ठीक है सो इंटरव्यू समरी इज अ सिम्प्लीफाइड वर्जन ऑफ द चैप्टर यूजिंग ईजी लैंग्वेज अब मैं आपको एक बात पूछू अगर तो आप मुझे आंसर करके दीजिएगा इंटरव्यू भी एक एक्सर्प्ट है एक एक्स्ट्रैक्ट है जो कि एक बुक से लिया गया है क्या आप मुझे उस बुक का नाम बता सकते हो जल्दी से <laughs> ऐसा क्यों आप प्रशांत कह रहे हैं मैम माइक तो ठीक हो गया लेकिन मैं बेहोश हो गया ऐसा क्यों हुआ प्रशांत क्यों बेहोश हो गया आप बेहोश होकर के कोई बात कैसे कर सकता है गुड इवनिंग हाँ पेंगवन बुक ऑफ इंटरव्यूज सो यहां पर आपको uh, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरी मैं समरी एक्सप्लेन करूंगी ये एक चैप्टर है आपका छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो कि पेंगविन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर कोई भी एक सर्ड एक्सट्रैक्ट मिलता है सो यू शुड नो कि वो कौन सी बुक से लिया गया है क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एक्सट्रैक्ट बेज ना तो ये पूछा जा सकता है इसको क्रिस्टर सिल्वेस्टर ने लिखा हुआ है इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यूज की एज अ न्यू वे ऑफ इंटेरोगेटिंग इन्होंने बताया कि जो इंटरव्यू होता है ना वो एक बातचीत करने का तरीका होता है जिसमें आप लोगों से सवाल जवाब करते हो और वो अपना जो रियल थाट होता है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं

एनी थिंग आप गरीब आप कहीं पर भी जा के देख लो चाहे बहुत अमीर लोग होंगे है ना हाई क्लास पीपल उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है लो क्लास पीपल होते हैं आपने देखा होगा न्यूज़ रिपोर्टर जा जा करके हर जगह दे जस्ट आस्क क्वेश्चन और सामने से आंसर आता है बहुत बुरे हालात हैं हम बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं लाइक like दैट है ना सो so, अच्छे लोगों का भी इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिलता है बुरे लोगों का भी इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है गरीब का भी दिखता है अमीर का भी दिखता है वी अन अबाउट द ओपिनियंस ऑफ मेनी सेलिब्रिटीज कंसर्निंग एन इंटरव्यू अब लोगों के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं सेलिब्रिटीज हैं उनका क्या ओपिनियन रहता है इंटरव्यू को लेकर के ये भी आपको यहां पर बताया गया है द टीचर्स अस अबाउट फंक्शंस मेथड्स एंड मेरिट्स ऑफ एन इंटरव्यू पर हमें आ, बहुत सारे तरीके अलग अलग तरीके जिससे इंटरव्यू लिया जाता है अलग अलग मेथड्स भी बताए गए हैं और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी बताई गई है इंटरव्यू की ये क्या हो सकती है राइट right? मतलब इंटरव्यू लेने से क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है चैप्टर की शुरुआत होती है ऑथर के साथ जो इंट्रोड्यूस करते हैं हमें कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए इंटरव्यू के लिए सो so, खैर आप आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे वो देख लो यहाँ पे जो ऑथर हैं ही ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद द नोटोरियस राइटर अम्बर्टो इको आपको इस चैप्टर में एक कहानी मिलेगी जिसमें आपको उस कहानी में इंटरव्यू दिखाई देगा जो कि कौन ले रहा है मुकेश आ, Uh, एक हिंदू के राइटर है ना मुकेश पद्मनाभन ठीक है वो अम्बर्टो इको का uh, इंटरव्यू ले रहे हैं और वो इंटरव्यू ले, ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक नॉवल लिखी है और उस नॉवल का नाम क्या है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे और वो नॉवल इतनी फेमस हुई इतनी फेमस हुई जिसका रीजन आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है अम्बर्टोइको को खुद नहीं पता कि वो नॉवल्स इतनी पॉपुलर कैसे हो गई राइट तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो इको है वो मतलब बहुत ही रोमांचक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपना इंटरव्यू देते हैं सो दिस पार्ट अलाउज अस टू गेट अ ग्लिम्स एट हैज लिटरेरी मेथड एंड दिस चैप्टर स्टार्ट ऑथर इंट्रोड्यूसिंग अस टू द मेथड ऑफ एन इंटरव्यू वी लर्न दैट इट इज वेट कॉमन इन जर्नलिज्म एंड इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू वन थर्टी बिफोर जब आप इंटरव्यू पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो इंटरव्यू है अभी से नहीं लिया जा रहा इसको शुरू हुए भी कितने साल हो गए एक सौ साल मतलब हम तो हमारी एक जनरेशन गुजर गई एक्सप्रेस दैर वेरियस पीपल कैरी डिफरेंट ओपिनियंस अब एंड अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं और अलग अलग थॉट प्रोसेस अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं जो हमें इंटरव्यू के बारे में दिए जाते हैं ठीक है वेरी गुड सो द नेम ऑफ द रोज इज एक्चुअली द दॉवल जो कि बहुत फेमस हुई थी ठीक है ना जो इको ने लिखी थी सो so, कुछ लोग सोचते हैं कि जो इंटरव्यू होते हैं ठीक है ना सम पीपल थिंक ऑफ इट वेरी हाईली वाइल अदर्स कैन नॉट बी गिविंग एन इंटरव्यू कुछ लोग के थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं इंटरव्यू के बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं नहीं होल्ड कर सकता मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता आई एम सॉरी ठीक है नेक्स्ट द चैप्टर टेल्स दस दैट एन इंटरव्यू कैन मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन इस चैप्टर में आपको यह भी पता चलेगा कि इंटरव्यू अगर किसी का भी हो रहा होता है तो किस तरीके से वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन आपके ऊपर छोड़ सकता है मतलब इट कैन बी गुड एज वेल एज बैड हो सकता है कि वो आपकी इमेज को अच्छा भी कर दे हो सकता है वो आपकी इमेज को खराब भी कर दे मोर ऑल एज पर एन ओल्ड थिंग वेन वी मेक परसेप्शन अबाउट अ पर्टिक्यूलर पर्सन द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ देर सोल इजन अवे सो इट्स नॉर्मल सपोज हम अगर किसी पर्सन से मिले और हमने पहली बार में जो भी उसका ओपिनियन बनाया तो उस पर्सन की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है वो सच में कहीं पर खो जाती है और हम उस एक्चुअल पर्सन को कभी जान ही नहीं पाते कि वो रियल में क्या है वी लर्न हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैव इंटरव्यूज यहां पे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे बहुत फेमस फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो इस चीज को बोलते हैं कि नहीं इंटरव्यू देना इज नॉट गुड इंटरव्यूज देना इज अ वेरी बैड थिंग क्योंकि इससे हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है वो हिंड कर दी है और हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी कही कहीं ना कहीं चली जाती है सो so, आपको यहाँ पर एक फेमस पर्सन का इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा जिनका नाम है रोडियार्ड केपलिंग इवन उनकी वाइफ कहती हैं कि इंटरव्यू इज अ वेरी बैड थिंग हाउ सी रुडियार्ड केपलिंग्स वाइफ राइट्स इन हर डायरी अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स इन बोस्टन रूनड हर रोडियार्ड केपलिंग की वाइफ अपनी डायरी में लिखती हैं कि किस तरीके से दो रिपोर्टर्स ने उनका इंटरव्यू लेने के बाद उनकी लाइफ को रून कर दिया क्योंकि हो सकता है वो गुस्से में रही हों या कुछ भी उनका मूड खराब रहा हो उन्होंने कुछ बोल दिया हो जिसको लोगों ने मीडिया में ऐसे एकदम स्प्रेड कर दिया हो और फिर उनकी लोगों ने वाट लगा दी होंग्स ऑफ इंटरव्यूइंग एन असोल्ट रोडियाड कमले कहते हैं कि इंटरव्यू देना एक टॉर्चर है एक असॉल्ट है मोरऑल ही इवन बिलीव दैट दिस क्राइम शुड बी पनिश्ड ये क्राइम है और इसके लिए लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आप किस तरीके से लोगों की इमेज को खराब कर देते हो फर्दर कैपलिंग इज वन इज ऑफ द थिंकिंग दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आज फॉर और गिवस एन इंटरव्यू रोडियार्ड कपलिंग ने यह तक कह डाला है कि कोई भी अच्छा इंसान ना ही इंटरव्यू देगा और ना ही इंटरव्यू लेगा है ना सो रोडियार्ड कपलिंग इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट रखते हैं इंटरव्यू के बारे में ही डज नॉट लाइक गिविंग एन इंटरव्यू मोर ओवर इस चैप्टर में आपको यह भी बताया गया है कि एक छोटा सा जिसमें आपको मुकुंद हाँ तो इस चैप्टर में आप लोगों को अंबटोई को और मुकुंद सॉरी मैंने मुकेश बोल दिया था मुकुंद पद्मन के बीच में एक इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपके जो मेन इंटरव्यूअर हैं वो मुकुंद पद्मनाभन हैं जो कि एक न्यूज uh, पेपर के लिए काम करते हैं जिसका नाम है द हिंदू ठीक है ना अब वो अम्बर्टो इको से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इको एक प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में ठीक है ना जो कि इटली uh, की है उस यूनिवर्सिटी uh, का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना ही हैज अ डॉन्टिंग स्टेटस एज अ स्कॉलर फॉर हिज फिलोसोफीज ऑन सेमियोटिक्स सेमियोटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइंस सो ये बहुत फेमस है ठीक है ना इनको एज अ प्रोफेसर ही जाना जाता है और ये कहते हैं कि मैं उसी लिए फेमस हूं लिटरेरी इंटरप्रोटे एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइटिंग सेक्शंस सो वो कहते हैं कि मैं पता नहीं कैसे नॉवेल्स के लिए फेमस हो गया लेकिन मैं एक्चुअली में एक अकेडमिशन ही हूँ राइट और मैं अगर नॉवल लिखता भी हूं तो मैं अपनी खाली टाइम पे लिखता हूँ सो इन द इंटरव्यू वी सी इट सेंटर्स ऑन हिज सक्सेसफुल नॉवल द नेम ऑफ द रोज तो यहाँ पे जो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक नॉवल की वजह से लिया जा रहा है और उस नावल का नाम क्या है द नेम ऑफ द रोज़ So, यहाँ पे आपको पता चलेगा उनकी नॉवल की दस मिलियन कॉपीज बिक गई हैं ठीक हाँ है मुकुंद मैनेजेस टू तो डू सच डिफरेंट थिंग्स ठीक है तो यहां पे जब मुकुंद पद्मनाभन क्या करते हैं उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि आप ये बताइए काम एक साथ कैसे कर लेते हैं हाउ मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है ना कि आप एक साथ नॉवल भी लिख रहे हो ठीक है ना आप प्रोफेसर भी हो कैसे कर लेते हो आप ये सो हम बट और करते हैं दैट ही इज डूइंग द सेम थिंग कहते मैं सेम ही तो काम कर रहा हूँ आप सोचो ना आपकी पूरी जो ट्वेंटी फोर आवर्स हैं उसमें कहीं तो गैप बचता होगा तो उस गैप को आप यूटलाइज कर लो सो ही गोज ऑन टू जस्टिफाई हिज बुक्स दैट रिवॉल्व अराउंड पीस एंड नॉन वायलेंस फिर वो उसको जस्टिफाई कर दें पीस और नॉन वायलेंस के साथ वी लर्न दैट अम्बर्टो क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक स्कॉलर कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं एक अकेडमिक स्कॉलर हूँ बट मैं अपनी नावल की वजह से फेमस हो गया हूँ तो लोग भले ही मुझे नॉवल्स बोले बट आई एम एन अकेडमिक स्कॉलर ही अटेंड्स वेरियस अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज थ्रू आउट द वीक एंड राइट्स नॉवल्स ऑन संडेज कहते हैं मेरे पास जो समय बचता है संडे वाला उसमें मैं नॉवल लिखता हूँ वरना मैं पूरे हफ्ते अपने काम में बिजी रहता हूँ अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में राइट right? नेक्स्ट मोर ऑल ही एक्सप्रेसिज दैट अदर्स कंसिडरिंग हिम एज अ नॉवलिस्ट एंड नॉट स्कॉलर डज नॉट एफेक्ट हिम अटॉल अब कहते हैं लोग मुझे समझते हैं कि मैं नॉवलिस्ट हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब चूँकि मैं फेमस हो गया हूँ उससे तो मैं इसको डिनाई भी नहीं करता बट इट डज नॉट केयर और अफेक्ट मी अटॉल ही अग्रीज इट इज़ रैदर टफ टू इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ पीपल विद अकेडमिक वर्क कहते हैं बहुत मुश्किल होता है कि इन्फ्लुएंस करना लोगों को बहुत सारे अपने अकेडमिक वर्क से है ना इट्स डिफिकल्ट बट फिर भी ही लव्स बींग एन अकेडमिशन फिर ही सेज मोर वी ऑल्सो लर्न हाउ ही बिलीव दैट अर लाइज हैव एम्पटी स्पेसिज लाइक द वस इन एटम्स जैसे एटम्स में एम्पटी स्पेसिस होती हैं वैसे ही है हमारी जिंदगी में भी एम टी स्पेसिस होती हैं उनको यूज कर सकते हैं और उनसे अपनी जिंदगी के बेस्ट वर्क कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने किया उन्होंने एक नॉवल लिखी जो बहुत फेमस हो गई ही रेफर्स टू दैम एज इंटरस्टेसिस एंड एडमिट्स डैट ही डज नॉट

और मेडिवल हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो कहते हैं पढ़ने में ये डिफिकल्ट थी अब बहुत बड़ी चीज होती है अगर कोई चीज डिफिकल्ट है लेकिन लोग उसको पढ़ करके इंटरेस्ट ले रहे हैं राइट right? सो so, वो कहते हैं यहां पर कि मेरी जो स्टोरी थी या जो मेरी नॉवल थी वो इतनी फेमस इसलिए हुई क्योंकि उसके पीछे कोई रीजन नहीं था एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ टाइम अगर वो दस साल पहले आई होती या दस साल बाद आई होती तो वो इतनी फेमस ना होती जितनी वो एक्चुअल टाइम पे आई इसलिए हो गई सो एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ टाइम फॉर एवरीथिंग इट इज टाइम सो so, अगर आपका समय सही है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा सिमिलरली ही थिंग्स इफ ही रोड द नॉवल, टेन ईयर्स अर्लियर और लेटर इट वुड नॉट हैव अचीव द सेम सक्सेस दस द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नॉवल रिमेन्स हिस्ट्री लेकिन अम्बरटोई को फिर भी बोलते हैं कि मुझे लिटरली नहीं पता कि क्यों मेरी नॉवल इतनी फेमस हो गई और यही वजह है कि द नेम ऑफ द रोज आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि वो इतना फेमस क्यों हुआ बट अकॉर्डिंग टू अम्बर टोई को इट वॉज द मैटर ऑफ टाइम सो अगर आपसे पूछा जाए दैट वॉट इज द थीम ऑफ चैप्टर यही इंटरव्यू चैप्टर क्यों लिखा गया इसे क्या समझाना चाह रहे थे हमको जो राइटर थे वो तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने यहाँ पे हमें बताने की कोशिश करी है कि, कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने इंटरव्यूज आते हैं वो किस तरीके से उनको देख करके रिएक्ट करते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है और कैसे उनकी इमेज अच्छी या बुरी हो जाती है उन इंटरव्यूज से जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल लेकर के अम्बर्टो तो इको को एक्सप्लेन किया हालांकि आप सोचो ना मैं अपनी ही सक्सेस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ बट स्टिल पीपल आर गेटिंग इट राइट सो right? so, ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉस और कॉन्स दोनों ही बताए गए हैं। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो इज इट क्लियर इतना क्लियर हो गया बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो क्लियर है बेटा तो अब हम लोग हमारे इस बुक के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस आई वो आस्क यू ऑल प्लीज डू लेट मी नो हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर सो दैट वी कैन गो एड चैप्टर और मुझे ये भी बता देना हुटैगनेस ऑफ द स्टोरी बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ जल्दी से यप ग्रेट डॉन ऑन ए अबार्टन वेरी गुड एंड हु इज़ द मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी सोफी एंड सोफी इज़ अ गर्ल हु हैज़ अ लॉट ऑफ फैंटेसीज इन हर लाइफ ठीक है ना सोफी एक ऐसी लड़की है जिसकी लाइफ में बहुत सारी फैंटेसीज हैं सो द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड अ टीन एज गर्ल्स जिसका नाम है सोफ़ी उसकी फैमिली के बारे में भी बताया गया है उसकी फ्रेंड्स के बारे में भी बताया गया है उसे एक डे ड्रीमर बोला जाता है क्योंकि वो ख्याली पुलाव बहुत बनाती है तो आप में से कितने ऐसे लोगों जो ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा पकाते हो मतलब ऑफकोर्स जब हम टीन एज पर होते हैं, तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं और वो सपने सच हों कि ना हों पता नहीं सो शी इज़ अ गर्ल हु इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच एंड सोफिटिकेटेड थ्रू इन दो इन रियालिटी शी इज़ अ वर्कर एट अ बिस्किट फैक्ट्री सो उसकी रियालिटी ये है कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है क्योंकि उसकी फैमिली का भी यही काम है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं कभी वो एक्टर एक्ट्रेसेस बनने का सोचती है तो कभी उसको लगता है कि वो बुटीक खोलेगी तो कभी उसको लगता है कि वो एक मॉडल बनेगी so उसके सपने बहुत बड़े बड़े ठीक है हाँ नहीं नहीं देखो कुछ ड्रीम्स होते हैं जो हमारे गोल सेट करते हैं और वो हम लोग पूरे कर लेते हैं लेकिन कुछ ड्रीम्स हमारे ऐसे होते हैं जो हम लोग बस ऐसे ही सोच रहे होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते जैसे कि कभी कभी हम लोग uh, सपने देखते थे कि हम ही मैन बैटमैन है ना सुपरमैन आयरन मैन ये सब बन जाएँ कभी आपने सपने देखे होंगे जो कभी पूरे नहीं हो सकते सो so, सोफी ऐसे ही सपने देखती है सो द स्टोरी सडनली ट्वस्ट आप वन सोफी मेक अ वाइल्ड इमेजिनेशन ऑफ मीटिंग डैनी कैसी सो so, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टोरी में सबसे मज़ेदार एंड डॉन तब आता है जब सोफी अपने मन में एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है कि वो एक लड़के से मिलेगी जिसका नाम है डेनी कैसी अब आप मुझे बताएंगे कि डेनी कैसी कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करता है या वो क्या है किस लिए फेमस है और दूसरा आप ये मुझे बताएंगे कि अगर वो फेमस है तो वो किस कंट्री से बिलोंग करता है ठीक है so, सो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है दैट ही इज अ फेमस फुटबॉलर अब वो कौन सी कंट्री के लिए खेलता है ये आप मुझे बता देना शी ऑल्सो मेक्स अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ हर मदर दैट कैसी विल कम टू मीट हर ऑन अ फिक्स डे एज पर अ प्रोमिस ही मेड टू हर तो वो अपनी मम्मी को कहानियां बताती है अपने फ्रेंड को कहानियां बताती है अपने भाई को कहानियां बताती है सो so, इसी तरीके से उसने बताया होता है कि ना मेरे से डैनी कैसी मिलने आने वाला है एक पर्टिकुलर डे पे और उसने मुझे खुद बुलाया है ऐसे करके वो बोलती है राइट right? नाउ इफ़ यू सी सोफी एक टीन एज गर्ल है जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं ठीक है ना वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है शी विशेज टू ओन हर ओन बुटीक आफ्टर स्कूल उसको लगता है कि जब उसका स्कूल खत्म हो जाएगा तो उसका खुद का बुटीक होगा इफ़ नॉट शी इज़ वेरी सर्टन डैट शी कैन बिकम एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर अगर उसने बुटीक नहीं खोला तो वो क्या कर लेगी वो फैशन डिजाइनिंग uh, कर लेगी मतलब फैशन डिजाइनर बन जाएगी और उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जानसी जो हमेशा उसको बोलती है यार तो फर्ज फर्जी सपने देखती रहती है हमारे जैसे लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते या तो हमारे पास उतनी पॉपुलैरिटी उतने एक्सपीरियंस हो या फिर हमारे पास उतना पैसा हो तो हमारे पास दोनों ही नहीं है तो हमारे लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वेरी गुड डैनी कैसे जिस कंट्री के लिए खेलता है उस कंट्री का नाम है आयरलैंड ये आपसे एक्स्ट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अब आगे देखिए शी ऑल्सो टेल्स हर

हर फैमिली डज नॉट बिलीव हर उसकी फैमिली को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैटेसीज क्रिएट करती है एज शी इज़ नोन टू मेकअप स्टोरीज एंड सीनेरियोज इन हर हेड दैट आर फार फ्रॉम रियलिटी सो वो वो इतनी ज़्यादा कहानियाँ बनाती है जो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं इस वजह से उसके घर में कोई भी उसका बिलीव नहीं करता कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता कोई भी उस पर नहीं करता सबको पता है कि ये झूठी है उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है जॉफ जॉफ के साथ वो सपने देखती है कि कभी जॉफ उसका भाई उसको बाइक पे बैठा करके घुमाने के लिए लेकर के जाएगा उसे जॉफ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हालांकि वो जॉफ से जेलस भी रहती है क्योंकि जॉफ के पास फ्रीडम है उसके पास फ्रीडम नहीं है राइट right? तो यहाँ पे बताया गया उसका जो बड़ा भाई है जॉफ जो बहुत आप ऐसे देखोगे कि वो बहुत अलग रहता है सबसे वो किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देता तो उसको अपना भाई बहुत अच्छा लगता है कि यार कैसे उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता वो स्ट्रॉन्ग है हैंडसम है टॉल है ठीक है ना शी इज जेलस ऑफ इज साइलेंस वो चुप रहता है इसलिए वो उससे जल्दी है एंड वॉन्ट्स टू टेक हर ऑन बाइक राइड्स सोफी इज अट्रैक्टेड टू कैसी प्लेयर सो फिर यहां पे आपको ये भी पता चलेगा कि इसके अलावा वो डेनी कैसी को भी पसंद कर रही है जो कि एक सोसा प्लेयर है या फिर आप उसको फुटबॉल प्लेयर भी बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज शी टेल्स ब्रदर दैट शी मेट हेम एट द दर्किड एक्चुअली में ये लोग क्या करने गए होते हैं ये लोग एक मैच देखने के लिए गए होते हैं जिसमें डेनी केसी ने गोल मारा होता है और उस गोल की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है राइट सो so, यहाँ पर फिर वो अपने भाई को बताती है कि तुम्हें याद है उस दिन हम लोग डेनी केसी का मैच देखने के लिए गए थे और मैं ना डेनी केसी से मिली थी जो कि सच नहीं था ये सिर्फ उसकी मन की कहानी थी जॉब उसकी बात का यकीन नहीं करता है ठीक है ना क्योंकि उसको पता होता है कि सोफी कभी सच बोल ही नहीं सकती लेकिन कैसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इनके घर में क्योंकि सब उसको हीरो मानते हैं सबका बहुत पसंदीदा है वो जैसे हर घर में किसी ना किसी को कोई बहुत पसंद होता है ना सो शी ऑल्सो टेल हेम दैट कैसी हैंड आज हर टू मीट हेम समवेयर इज टू वो उसे यह भी बताती है अपने भाई को कि तुम्हें पता है डैनिक कैसी ने मुझसे बोला है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा कहीं और सोफी की बिल्डिंग द स्टोरी अप इन सच अ मैनर दैट शी स्टार्ट बिलीविंग इन इट कभी कभी सोफ़ी अपने दिमाग में इस तरह से स्टोरीज बनाती है कि वो खुद ही उन पर यकीन करने लगती है कि ऐसा होगा लेकिन जब वो बाद में उस चीज़ों को नहीं पाती है तो उसे बुरा भी लगता है सो शी वर्क्स बाय द केनाल लॉन्ग द पाथ दैट वॉज शेल्टर्ड तो वो जा रही होती है रास्ते में जहाँ पे उसको उसके हिसाब से डेनिकैसी ने मिलने के लिए बुलाया होता है दिस इज़ द सेम नेबरहुड एज दैट ऑफ हर हाउस दिस इज़ द प्लेस व शी यूज़ टू प्ले एज चाइल्ड तो ये वही बचपन की जगह है जहाँ पर वो खेला करती थी बचपने में तो वहाँ पर ही वो इमेजिन करती है कि वो डेनिकेसी से मिलेगी बट अफसोस वो डेनिकेसी से मिल नहीं पाएगी वो इंतज़ार करती है डेनिकैसी का वुडन बेंच पर पेड़ के नीचे वो पेड़ कौन सा एल्ट्री लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कि डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आता है वो काफी इंतजार करती है उसका कि डनी कैसी आएगा 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 बट ही डेन का क्योंकि वो से उसका फैंटेसी था शी देन कम्स बैक होम एंड सैड ऑन थिंकिंग दैट हर ब्रदर वुड बी सो अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड अब वो ये सोच करके दुखी हो रही होती ये सोच करके दुखी नहीं हो रही होती कि वो नहीं मिल पाई डैनी कैसी से उसको ये बुरा लग रहा होता है कि अब वो अपने भाई को क्या बताएगी जॉफ को जॉफ को कितना बुरा लगेगा कि डैनी कैसी मुझसे मिलने नहीं आया सो so, आप देख सकते हो कि लेवल तक एक टीन एज का बच्चा इमेजिनेशन में जा सकता है और फिर वो उसको रियलिटी समझने लग सकता है और फिर वो कितना डिसअपॉइंट हो सकता है हाउ एवर शी नेवर रियली कम्स आउट ऑफ द फैटेसी एंड बिलीव दैट कैसी विल कम टू मीट हर और यहाँ पे ये यह बताया गया कि ये छोटी सी जो बच्ची है टीन ये अपने थाट प्रोसेस से कभी बाहर नहीं आती वो अभी भी फैंटिसाइज करती है चीज़ों को और वो अभी भी यही सपना देखती है कि डेनी कैसी उसे, उसे कभी ना कभी मिलने के लिए ज़रूर आएगा सो so, वेन वी लर्न दिस चैप्टर वी कम टू the एंड ऑफ दिस कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए मिलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो टीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके अंदर कितनी सारी फैटसिज़ होती हैं ठीक है ना लेकिन रियालिटी में वो फेंटसीीज़ नहीं एग्जिस्ट करती हैं और उसकी वजह से बहुत सारे से उनको सफ़र करना पड़ सकता है छोटे छोटे बच्चों को और वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सैडनेस में डाल देते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी मेजरीज भी आ सकती हैं इनकी वजह से और ये जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हो, जो आप फुलफिल ना पाए राइट right? तो ये एक तरह का हाईलाइट था उन बच्चों के ऊपर जो टीन में बहुत सारे सपने देखते हैं उनको ये दिखाने का कि इट्स रियालिटी एंड वी हैव टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रियालिटी नॉट इन फैंटसीज जो कभी भी सच नहीं हो सकती सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी अच्छा यहाँ पर भी आपको अगर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यह पूछा जा सकता है सपोज आप सपोज करिए कि आप क्या हैं आप सोफी हैं ठीक है ना कंसिडर योर सेल्फ एज सोफी ठीक और आप ये इमेजिन करिए कि आपकी डेनी केसी से मुलाकात हो गई तो अब आप आपकी जब डेनी केसी से मुलाकात हुई है सो आपने उसके साथ किस तरह से टाइम स्पेंड किया उसने आपको क्या क्या बोला ठीक है ना और फिर आपने Uh, उससे क्या क्या डिस्कशन किया ये सारी चीज़ें अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएँगी सो हाउ विल यू राइट इट सो जब आपके लॉन्ग आंसर्स आएंगे तो आपको चाहे वो डायरी एंट्री में करने के लिए बोला जाए चाहे ड्राफ्ट राइटिंग में बोला जाए चाहे लेटर राइटिंग में बोला जाए करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा अगर आपको फॉर्मैट पता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आप पैराग्राफ पर क्या लिख रहे हो सो so, आप बताओ मुझे अगर आपको ये लिखने के लिए, लिए आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सपोज आप सोफ़ी हैं वही टीन गर्ल है ना और आपकी मुलाकात होती है डनी कैसी से डनी कैसी आ गया है ना सो so, अब और किस तरह की फैंटेसीज आपके दिमाग में क्रिएट हो सकती हैं जिसकी डायरी एंट्री आपको करनी है सो जस्ट थिंक ऑफ दिस एंड लेट मी नो अच्छा ठीक है मैं ब्रेक देती हूँ फाइव मिनट फाइव टू तो टेन मिनट्स का आप ब्रेक ले लो उसके बाद फिर हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे पोम्स के साथ अच्छा ओके <laughs> विस्टार्स कल कर करवाऊंगी सुबह बेटा मॉर्निंग नाइन ओ क्लॉक से आपकी विस्तार शुरू हो जाएगी ठीक है बस इसके बाद आपकी पोम्स ही स्टार्ट हो रही हैं आप देखो पोम्स में मैं आपको थीम्स भी पढ़ाऊंगी हार्डवर्ड्स भी पढ़ाऊंगी पॉइंटर्स भी दूंगी पढ़ने के लिए और आपके पोइटिक डिवाइसेस भी करवाऊंगी और पूरी पोम तो एक्सप्लेन करूंगी करूंगी चलो सो आई वुड लाइक टू गिव यू ब्रेक फॉर फाइव मिनट और तब तक अगर मीन कोई बच्चा आंसर करना चाहता है कि डेनी कैसी से कैसे मुलाकात हुई आपकी क्या इमेजिन कर सकते so हो आप सो यू कैन राइट इट बेटा गुड इवनिंग हो गया सो आई थिंक द टाइम इज़ आप अभी विल स्टार्ट अगेन हम लोग वापस से कॉन्टिन्यू करते हैं मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दो मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को सो हम लोग पोम सेक्शन भी स्टार्ट करते हैं और फिर कॉन्टिन्यू करते हैं इसको और फिर एंड भी करते हैं इसको कॉफी ले आता हाँ हाँ थैंक यू सो मच रेडी स्टार्ट करें चलिए

यस yes, मैंने पीवाईक्यू क्यू सेशन लगाया हुआ है बेटा वो आपको मिल जाएगा इवनिंग तक ठीक है चलो

कमला दास वेरी गुड सो कमला दास इज दोएट ऑफ दिस पॉम सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपकी इस पॉम का थीम क्या है तो इसमें आपको बताया गया है ईजनिंग के बारे में कि जैसे हमारी लाइफ होती है ना हम पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं फिर हमारी डेथ हो जाती है सो ह्यूमन लाइफ की uh, जो टेंडेंसी है वो यही है कि ह्यूमन को एक ना एक सिचुएशन में एजिंग देखना ही पड़ता है ठीक है ना तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है अ पर्सन एंटर्स इन एज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज यूथ एंड वेन ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स टू हैव लग्जरी ऑफ लाइफ फाइनली ही अप्रोचेज हेज ओल्ड एज एंड एनकाउंटर्स डेथ सो ये जिंदगी का उसूल है बचपन आएगा फिर जवानी आएगी जिसमें हमारे पास बहुत एनर्जी होगी और फिर उसके बाद हम बूढ़ी एज की तरफ पहुँचेंगे जहाँ पे हमारे पास एनर्जी नहीं होगी और फिर हम दी एंड हो जाएंगे सो so रिलेशनशिप यहाँ पर बताया गया है आपको पोइट का उनकी मदर के साथ और किस तरीके से हम बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे स्पेसिफिकली हम हमारी मदर से कितना ज़्यादा अटैच होते हैं तो हमने उन्हें बचपन से देखा होता है कि वो हमारे लिए किस तरीके से वर्क कर रही है फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं हम भी बड़े होते हैं और जब हम ज़्यादा बड़े हो गए होते हैं तो वो बूढ़ी हो गई होती है तो वो एक सेपरेशन दिखाया गया है और सेपरेशन के साथ जो इमोशन्स आ रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर बताए गए राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, पोम की जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरह से होती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉम माई मदर बिसाइड सो यहाँ पर जो पे, जो पोइट हैं वो अपनी मदर के साथ कार में ड्राइव करके जा रही हैं कहाँ जा रही हैं कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं और जो uh, समय है वो बताया गया है मॉर्निंग का टाइम है फ्राइडे है और उनकी मदर उनके बगल में ही बैठी हुई है राइट right? है, so, आगे क्या होता out एट यंग तो आपको यहां पे पता चलेगा जब वो अपनी मम्मा को देख रही है तो उनकी मम्मा उनको कैसे दिखाई दे रही है बूढ़ी दिखाई दे रही है, है ना और वो कंपेयर कर रही अपनी मदर की फेस को एक डेड बॉडी राइट वो कह रही है वो बेचारी ऊंघ रही है है ना सर जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो वो थोड़ा सा एनर्जी लेस हो जाता है तो वो उंगता है उनका मुंह खुला हुआ है और उनका फेस जो है एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है जैसे कि ये अब गई और तब गई अब इनकी लाइफ आगे नहीं बचेगी ठीक है तो उनको बहुत दर्द होता है ये जान करके वो शेट मैं अपनी मम्मा से जुदा हो जाऊंगी मेरी मम्मा से आ, मेरा अटैचमेंट अब नहीं रह पाएगा क्योंकि आ, भगवान उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेगा राइट और फिर वो सोचती है कि मेरी मम्मी सच में उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी कि वो दिखाई दे रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को एक ऐसे टाइम पे भी देखा था जब वो यंग थी ठीक है लेकिन अब क्योंकि उन्हें ये थॉट बहुत पेन दे रहा है इस वजह से वो अपनी मम्मी की तरफ नहीं देख रही हैं इस थॉट से बाहर आने के लिए उन्होंने क्या किया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे राइट सो तो जल्दी से बताओ अपनी मदर का पेन नहीं दिखने की वजह से जब वो उस थॉट से बाहर ना चाहती है तो वो क्या कर रही है उस कार के अंदर बैठे हुए हां डोज का मतलब बोल सकते हो शॉर्ट स्लीप ऊँघना ही होता है एक तरीके से नहीं बेटा सिर्फ मैं आपको यहां पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन दे रही हूं हाँ कॉप्स को बोलते हैं डेड बॉडी जी वो क्या कर रही है वो विंडो से बाहर देख रही है और जब वो विंडो के बाहर देखती है तो उन्हें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है बहुत सारी एनर्जी देखने के लिए मिलती है सो so, कहीं ना कहीं इस पॉम में आपको कंट्रास्ट भी दिखाया गया है द कंट्रास्ट बिटवीन द ओल्ड लाइफ एंड द यंग लाइफ ओल्ड लाइफ में कितना इंसान एनर्जी लेस होता है है ना कितना डेडली हो जाता है लेकिन जब इंसान अपनी यंग लाइफ में होता है तो वो कैसा होता है फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ एंथुसियास है ना तो यहां पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से जब वो खिड़की के बाहर देखती हैं तो उनको क्या क्या दिखाई देता है उनको पेड़ मूव करते हुए दिखाई देते हैं अब ये होता क्या है वो सुन लो जब आप कार में मूव कर रहे होते हो तो आपको ऐसे लग रहा होता है पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं है ना सो so वही लिखा हुआ है ट्री स्प्रिंटिंग फाइन स्प्रिंटिंग मतलब होता है मूविंग और यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज करी गई है वो है आपकी पोसोनिफिकेशन जहां पर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की एक्टिविटी करवाई जाती है मेरी चिल्ड्रेन मतलब बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और एकदम फैल जा रहे हैं करके। जब घर से आप निकल रहे हो तो एकदम आप एक छोटे से डोर से निकल रहे होते हो और जब बाहर जाते हो तो इधर उधर फैल जाते हो सो so, वही यहाँ पे बताया गया कि बच्चे बहुत खुश हैं उनके अंदर बहुत एनर्जी है और वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और स्प्रेड हो जा रहे हैं सो so, यहाँ पर आपको पोएट जो इमेजिन करवा रहा है वो है इमेजरी तो अगर आपसे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पूछी जाए आउट ऑफ देयर होम्स यहाँ पे इमेजरी होगी तो उन्हें जब वो बाहर यंग एनर्जीज को देखने लगी तो उन्हें अच्छा लगने लगा फिर उसके बाद क्या आ गया एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद वो कहती है कि थोड़ी दूर फिर उनकी मम्मा खड़ी में थी ठीक है ना तो उनकी मम्मा को वापस वो देखती हैं वैन पेल वो दिखाई देंगी उनको सो आई लु अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून अब यहां पर वो अपनी मम्मा को किससे कंपेयर कर रही हैं लेट विंटर मून से पहले उन्होंने किससे किया है कॉप से सो so जो दोनों कंपेरिजन हुए हैं वहाँ पर यूज हुआ है सिमिली सो so वो अपनी मम्मा को बता रही है कि अब वो कैसी दिखाई दे रही हैं लेट विंटर मून की तरह लेट विंटर मून कैसा होता है जब ठंड के टाइम पे आप चांद को देखोगे तो बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से जो चांद की रोशनी होती है वो धुंधली पड़ जाती है ड लगने लगता है चांद तो उसी तरीके से इनकी मम्मा भी जो है वो चांद वो एंथ उनको अपनी मम्मा के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है वो डल पेल दिखाई दे रही है कलरलेस दिखाई दे रही है जैसा कि एक इंसान जब बूढ़ा होता है तो हो जाता है जब वो नियर टू डेथ होता है राइट सो so जब वो अपना मम्मा को देखती हैं और उनको वो फील आता है कि यार ये सच में बूढ़ी हो गई है तो फिर उन्हें डर्ड होने लगता है तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एंड फेल दैट ओल्ड फॉर्मिलियर एक उनको फिर से वही दर्द होता है माई चाइल्ड हुड फियर और इनके बचपन का दर्द है वो कहती है मैं हमेशा ये, ये सोचती थी कि अगर मैं अपनी मम्मा से जुदा हो जाऊंगी तो क्या होगा एंड एवरीबडी थिंग्स ऑफ दैट सबको ये लगता है कि अगर उनकी मम्मा उनको छोड़ करके चली गई तो कैसा होगा सो so वही पॉइंट कह रही है कि ये मुझे आज से डर नहीं है ये मेरा बचपन का डर है बट ऑल आई सेट वॉस सी यू सू नमा ऑल आई डिड वॉच स्माइल इन स्माइल इन स्माइल तो स्माइल इन स्माइल इन स्माइल में तो आपका रेपिटिशन यूज हुआ है क्योंकि बार बार एक ही वर्ड का रेपिशन हो रहा है तो वो कह रही है कि मैंने अपनी मम्मा को होप देने के लिए क्या किया मैं क्या कर सकती थी अंदर से तो मैं बहुत ज्यादा टूटी हुई थी ब्रेक थी हर्ट थी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था पेन हो रहा था लेकिन जो भी मैं कर सकती थी वो मैंने क्या किया अपने दर्द को छुपाया अपने चेहरे पे स्माइल किया खूब सारा स्माइल और उनको एक होप दिया कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा अम्मा इज अ वर्ड जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपनी मम्मा को बुलाने के लिए राइट right? सो so ये ये जो लाइन है आपसे पूछा जा सकता है इसका क्या रेफरेंस है ऑल आई सेड वो सी यू सून अम्मा एंड आई स्माइल एंड इसका क्या मतलब है इसका सिर्फ इतना सही मतलब है कि वो अपनी मदर को एक होप देना चाहती हैं कि दे विल मीट अगेन है ना बट ऐसा होगा कि नहीं होगा टोटली डिपेंड्स की उनकी मम्मा कितना जीती है। so, I hope आपकी, आपको हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो इतना क्लियर हो गया थैंक यू सो मच सो आपके कुछ पॉइंटर्स है जो मैंने यहां पर लिख दिए जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो आप इन पॉइंटर्स को देख सकते हो दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइंट कहां जा रही है कोचिन एयरपोर्ट अपनी मम्मा के साथ वो बैठी हुई है वो वैन दिखाई दे रही है पेल दिखाई दे रही है कॉप्स की तरह दिख रही हैं डोस कर रही हैं ठीक है ना यहां पर आपको दिखाया गया है ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न पोइट के अंदर जो अपनी मम्मा को खो देने का डर था वो वापस से आ गया यहाँ पे प्रिंटिंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रेन जो है वो कंट्रास्ट शो कर रहे हैं ओल्ड एज से यंग एज का सिक्योरिटी चेक के बाद उनका फियर वापस आ जाता है है ना वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं स्माइल करती हैं और अपनी मदर को होप देती है कि वो उनसे फिर मिलेंगी सो so, ये सारे मेन पॉइंटर्स हैं आपकी बोर्ड के <coughs> बाकी बीच बीच में मैंने आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस भी बताए हैं सिमिलर यहां पर यूज हुआ है आपका कॉप्स से कंपैरिजन करने पर और लेट विंटर मून से कंपैरिजन करने पर मेटाफर आपका यूज हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया गया है दो चीजों के बीच में ठीक है ना तो अभी आपका अगर ये वाला लाइन सिर्फ आप देखोगे द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग या ट्रीज प्रिंटिंग इसमें आपका ट्रीज प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस और मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में अगर आपका फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाए पोइटिक डिवाइस पूछा जाए तो याद रखना आपका इमेजरी यूज हुआ है ठीक है बाकी आपका रेपिटेशन यूज हुआ है आप एनाफोरा भी बोल सकते हो जिसमें आपके वर्ड रिपीट होते हैं वो आपको देखने के लिए मिला है एलिट्रेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहां पे आपको कॉन्सुनेट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं जैसे माई मदर दैट थॉट इन दोनों में ही आपको देखने के लिए मिले एम का रेपिटेशन टी का रेपिटेशन ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पोम इज कीपिंग सो आई आस्क यू ऑल मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ हु इज द पोएट ऑफ पोम बताइए हाँ रेपिटेशन या फिर एनाफोरा दोनों ही बोल सकते हो बताओ एल्दी से कहां पे बट का यूज क्यों किया बेटा पैब्लो नेरुडा इज द पोएट ठीक है पे लिख देते हैं द पोएट ऑफ दिस नेरियोडा चलो सो so, अगर आपसे इस पोम का थीम पूछा जाए तो ये पोम आपको एक एंटी वॉर पोम के तौर पर दिखाई देगी जहां पर जो पोएट है वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज अ काइंड ऑफ वॉर चाहे वो वॉर अगेंस्ट गैसेस हो चाहे वो वॉर अगेंस्ट नेचर हो हम कर रहे हैं और हमें उस वॉर को रोकना है राइट right? यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है एनिमल्स uh, की तरफ हो रही क्वालिटी को लेकर के ठीक है और uh, दुखों को लेकर के जो कि uh, बेचारे गरीब मजदूरों के साथ हो रहा है कि वो कितनी प्रॉब्लम्स झेलते हैं अपनी लाइफ में जब वो काम करते हैं तो देन द पॉइंट ऑफर्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन वो यहाँ पे सॉल्यूशन देते हुए आपको दिखाई देंगे कि uh, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ठीक है ना जिनको ये सब होना जरूरी है तो यहां पे वो बोल रहे हैं ही इज गिविंग अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू मेनी ऑफ ऑफर सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम द सोल्यूशन इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो कहना रहे कि अगर आपको लग रहा है कि आप सोशली प्रॉब्लम में हो ठीक है ना पॉलिटिकली प्रॉब्लम में हो रिलीजियस प्रॉब्लम आपको कोई आ रही है तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो अगर आपका दिमाग आपको ये आंसर दे दे कि आप सही कर रहे हो दट मीन्स आर राइट बट अगर आपका दिमाग आपको ये आंसर दे रहा है कि आप गलत कर रहे हो दैट यू आर डूइंग रॉन्ग सो खुद एनालिसिस करो कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है राइट इफ इट इज एक्टेड अपॉन इट विल बी द फर्स्ट मेजर स्टेप टूवर्ड्स यूनाइटिंग पीपल सो अगर आप ऐसा करोगे तो ये बहुत अच्छा होगा और जब आप ऐसा करोगे और आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे तो इट विल हेल्प टू यूनाइट मेनी ऑफ द पीपल गॉड एट देन द सेकेंड स्टेप इज दैट एवरी वन शुड लुक विद इन एंड एनालाइज वॉट इज रोंग एंड इज रॉन्ग टू विस विल क्लींस एवरी वन हार्ट एंड एनेबल ऑल पीपल So, कहीं ना कहीं अगर हमें यह पता चल जाए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं सो so हम ना अपने मन को साफ करके अपने ऊपर काम कर पाएंगे और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे राइट right? सो so, ये मेन थीम है इसका कि पोइट नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई वॉर हो और हमें यह पता चल जाए कि जो वॉर हम कर रहे हैं उसमें गलत कौन है Who is the wrong doer? If I am the wrong doer, I'll work upon myself. And if the other one is the work, wrong doer, so I can make them clear कि यहाँ पे क्या सही हो सकता है. ठीक है बेटा, clear. So let's get started. Uh, start करते हैं हम लोग poem को. यहाँ से शुरू होती है ये. Now we will count to twelve, and we will all keep still. हम लोगों को twelve तक count करना है और हम सब लोग शांत रहेंगे. ऐसा पॉइंट कह रहे हैं अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से व्हाट दिस ट्वेल्व वर्ड रिप्रेजेंट ये क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बताओ जल्दी से सेल्फ इंट्रोस्ट इंट्रोस्पेक्शन इज द मेन थीम ऑफ दिस पोम बातें नहीं करी बेटा बताइए वेरी गुड जो ट्वेल्व आपका यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है बारह महीने एक साल के या फिर बारह घंटे एक दिन के ठीक है ना कि अगर हम बारह घंटे अपने दिन के अपने आप को दे दें या फिर बारह महीने अपने आप को दे दें तो हम उसमें बहुत कुछ सही कर सकते हैं फिर देखो क्या बोल रहे हैं हम सब लोग ट्वेल्व तक गिनेंगे और चुप रहेंगे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ वर्ड ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हम सब लोग एक साथ ट्वेल्व काउंट करके चुप रहने वाले हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स तो किसी भी भाषा में बात नहीं करते आप चाइनीज बोलते हो जापनीज बोलते हो मोगलीज बोलते हो वर्ट्स एवर आप बोलते हो आप किसी भाषा में बात मत करो क्योंकि भाषा क्या क्रिएट करती है बैरियर लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं एंड नॉट मूव वर आर्म सो मच अपने हाथों को भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं हाथों को मूव ना करना का मतलब यहाँ पर किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं जैसे लोग ऑफिस जा रहे हैं ठीक है ना कोई फिशिंग कर रहा है कोई बोटिंग कर रहा है कोई कैनोइंग कर रहा है अलग अलग लोग चीज़ें कर रहे होते हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी को उन्होंने मना किया है इट विल्जॉटिक मोमेंट फिर वो बोलते हैं कि जब ऐसा होगा कि सब लोग एक साथ शांत होंगे तो ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि इट विल बी एन एक्सॉटिक मोमेंट व्हेन एवरीबॉडी ऑन द दर्ट विल बी साइलेंट विदाउट रश विदाउट इंजन ना कोई भागम भाग होगी ना कोई अपनी जॉब के लिए भाग रहा होगा ना कोई अपने काम के लिए भाग रहा होगा और ना ही कोई व्हीकल यूज किया जा रहा होगा एंड एवरीथिंग विल रिमेन साइलेंट ठीक है We would all be together. हम सब लोग एक ही काम में इन्वॉल्व होंगे क्या इट्स सो फनी हम लोग शांत होंगे और शांत रह करके हम लोग एक ही काम कर रहे होंगे आप मुझे बताना यहां पर वी वुड जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है और ये भी सडन स्ट्रेंजनेस कहना इन स्ट्रेंजनेस जिस काम में हम सब लोग यूनाइट हो रहे होंगे वो एक सडन स्ट्रेंजनेस टाइप का होगा मतलब बहुत अजीब सोचो ना हम लोग एक साथ हैं और वो एक साथ करने में भी हम क्या करें हम सब चुप हैं तो एक तरह का अजीबो गरीब माहौल होगा कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है नो इज डूइंग नथिंग है ना फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट व्हील्स जो मछुआरे हैं वो ठंडे ठंडे पानियों में जा करके फिशेस को हार्म नहीं करेंगे मछुआरा मछलियों को मारता है अपना जीवन चलाता है राइट

तो फिशरमैन अपने काम को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं सही है कि गलत है और फिर वो जो गरीब लोग हैं है ना जो छोटे मोटे काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं सो वो क्या करेंगे वो देखेंगे कि उन्होंने अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा लिया है वो कौन से लोग हैं जो सॉल्ट गैदर करते हैं वो देखेंगे कि हाउ मच आर हर्ट दोन अब अगला किसको सोचने के लिए बोला है जो कि नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं And those who are doing war with gas, जो अलग अलग तरह के गैसेस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं या फिर वॉर विद अलग अलग तरह से किसी तरीके से फायर को यूज कर रहे हैं तो वो सब लोग देखेंगे दैट व्हाट आर दे क्या वो जो काम कर रहे हैं वो सही है या फिर वो गलत है फिर वो कहते हैं सोचो अगर आप वॉर कर रहे हो चाहे वो नेचर के अगेंस्ट हो चाहे वो गैस की वॉर हो है ना कि मतलब आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो या फिर फायर की वॉर हो अल्टीमेटली आप जो भी वॉर कर रहे हो यहां पर जीत तो हो जाएगी लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना हो नोबडी इज अलाइव व्हाट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स अब जो भी लड़ने के लिए तैयार है उनसे वो कह रहा है कि चलो चलो अपने ऊपर क्या डाल लो क्लीन क्लोथ्स ठीक है ना एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स Put on clean clothes का क्या मतलब इट इज अ काइंड ऑफ मेटाफर कि वो लोग शांति को अपना लें है ना सो इट्स अ सिंबल सिंबल ऑफ व्हाट पीस कि वो लोग शांत हो जाए लड़ाई ना करें ठीक है ना और सब लोग भाईचारे के साथ रहें सब लोग एक दूसरे की मदद करें एक दूसरे के लिए खड़े हों इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग और कैसे सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे जब वो लोग साथ मिलकर के कुछ नहीं कर रहे होंगे सो सोचो बाय डूइंग दिस यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो कुछ ना करके भी देखो होता नहीं है कभी कुछ ना करके भी देखो वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विदोटल इनएक्टिविटी फिर यहां पे आपको पोइट समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप काम करना ही छोड़ दो अपना स्टॉप कर दो सब कुछ जो भी आप कर रहे हो आप जीना ही छोड़ दो टोटल इनएक्टिविटी कर दो ऐसा नहीं कह रहे है वो लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट जिंदगी का नाम ही है चलते रहना तो चलती का नाम जिंदगी आई वॉन्ट विद डेथ मैं बस ये चाह रहा हूं कि अगर तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें किसी तरह का कोई हत्या ना चाहे मछुआरे मछलियाँ मार रहे हों या फिर इंसान सॉल्ट गैदर करके अपने आप को मार रहा हो या फिर पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा हो या फिर वो पोल्यूशन करके हम ही को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हो मैं ये नहीं चाहता या मैं ये नहीं चाहती ठीक है नेक्स्ट देखो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अब नॉट सो सिंगल माइंडेड का क्या मतलब है नॉट सो सिंगल माइंडेड का मतलब है इफ वी आर नॉट सो सेल्फिश है ना अबाउट कीपिंग अर लाइफ मूविंग यही सोचता रहता है नाम पर हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं हम दिखते ही नहीं है कि हम किसको हर्ट कर रहे हैं किसको परेशान कर रहे हैं किसको दुखी कर रहे हैं वी ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि जो हो रहा है होने दो जो जो इंसान अच्छा कर रहा है अच्छा करने दो जो बुरा कर रहा है बुरा करने दो भाड़ में जाने दो दुनिया को आई हैव टू डू वट आई है वही करना है जो मुझे करना है राइट right? सो so, अगर इंसान थोड़ा सा सेल्फिश होना छोड़ दे और जो वो कर रहा है उसके लिए वो थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ले एंड फॉर वंस को डू नथिंग और एक फल के लिए कुछ सोचने के लिए बैठ जाए कि वो क्या कर रहा है, doing, right हो है कि अगर वो शांत हो जाए तो उसको अपने दुखों में एक इंटरप्शन मिल जाए और वो इंटरप्शन किसका होगा साइलेंस का बहुत दुखी हो आप बहुत हर्ट हो आप बट यू थिंक ऑफ यूर सेल्फ वट आर यू डूइंग तो ये एक तरह का इंटरप्शन होगा आपकी सैडनेस पे ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग फिर आपको लगेगा ओह मैंने कभी अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करी एंड ऑफ थ्रेटनिंग ऑर सेल्फ विद दैट और कई बार ऐसा होता है ना जब आप बहुत डिप्रेस्ड होते, होते हो तो सोचते हो कि यार सुसाइड कर लेते हैं मर ले मर जाते हैं इसको मार देते हैं उसको मार देते हैं खत्म कर देते हैं तो फिर आपको लगेगा यार काश मैंने ऐसा पहला किया होता सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया होता सोचा होता कि सही क्या है गलत क्या है तो मुझे ये समझ में आ जाता कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कभी भी इस चीज का डर अपने अंदर लेकर के नहीं बैठता कि आई विल डाई ठीक है पर अर्थ कैन टीचर्स अब फिर वो यहां पे हमको बताते हैं कि अरे देखो ना तुम लोग क्या कर रहे हो तुमको तो अर्थ से सीखना सीखना चाहिए एज वन एवरीथिंग सीज डेट जब दुनिया में सब खत्म हो जाता है आप सोचते हो ना मर जाएंगे मर जाएंगे, मर जाएंगे जाएंगे सर्वाइवल चाहिए सर्वाइवल चाहिए कमाते रहना 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 है कमाते रहना है of this, चलते रहना है कमाते कमाते थिंक ऑफ ऑफ दिस चलते रहना है, चलते चलते बट वी आर नॉट थिंकिंग दिस कि जब सब खत्म हो जाता है तो अर्थ हमें सिखाती है कि कैसे रिजिनोवेट करना है अर्थ में सब कुछ खत्म आप सोचो ना सुनामी आती है ठीक है ना भूकंप आता है सब तबाह हो जाता है लेकिन फिर से सब कुछ अलाइव हो जाता है है ना तो आप अर्थ से सीखो फोर्थ हमें टीच कर रही है अब आप मुझे ये बताओ द अर्थ कैन टीच अस इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है जल्दी से ठीक है ना और फिर जाते-जाते क्या आप पॉइंट बोल करके चाहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट अन आई विल गो नाउ मैं आप गिनता हूं 1 2 से लेकर के 12 तक अब आप चुप रहो मैं चला तो मैं चला आ, ये पोएट कहां चले गए ये पोएट चल दिए हैं अब ये आपसे बोलने के लिए चले कि आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो मैं अपने काम में बिजी हूं मतलब मैं नई पोम लिखने जाऊंगा कुछ नया सोचने जाऊंगा कुछ नया काम करने जाऊंगा बट यू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि पोएट आपको कहां छोड़ करके गया वो खुद कहां जा रहे हैं सो so, वो अपनी वापस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं क्योंकि वो सुचवा चुके जो उनका काम था लेकिन आपको क्या करना है यू हैव टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन

ठीक है ना अगर आप ऐसा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो है ना और आपके अंदर म्यूचुअल लव और रिलेशनशिप बिल्ड होगी देन और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने से प्वाइट का यह मतलब नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाओ ठीक है ना बल्कि वो चाहते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो पूरा का पूरा किस चीज में लाइफ में द रीजन फॉर द डिस्कार वॉर्ड वो चाहते हैं कि जो भी बुरी चीजें हैं वो खत्म हो जाए है ना सो so, ये डिस्कार्ड्स एंड वॉर्स ये क्या कर रहे हैं इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं मैन और नेचर के बीच में है ना बिना नेचर के लाइफ नहीं चल सकती ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकता सो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल स्टेब्लिश अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यूनियन दैट इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स सो अगर आप चुपचाप सोचोगे कि आप क्या कर रहे हो तो आपको सही गलत की पहचान होगी और आप नेचर में एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे जिससे एक स्पिरिचुअल फिजिकल यूनियन क्रिएट होगा और अर्थ लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगी जिससे आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाओगे ठीक है अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज हुई है एलेट्रेशन रेपिटेशन सिंबोलिज्म एंटीथेसिस पर्सोनिफिकेशन मेटाफोर और एंजामेंट सबसे पहले मैं एंजामेंट बता देती हूँ कोई भी पैराग्राफ अगर स्टार्ट होता है किसी भी पोम का और वो कॉन्टिन्यू करता है सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन तक बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के तो वो इन जाबमेंट कहलाता है किसी भी फॉर्म में अगर आपको राइमिंग स्कीम ना मिले तो वो फ्री वर्ड्स कहलाती है ठीक है समझ में आ गया मेटाफर क्या होता है मेटाफर एक तरह का कंपैरिजन होता है जो दो चीजों के बीच में ड्रॉ किया जाता है विदाउट एज लाइक और सो ठीक है सो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया गया था शेड इन द शेड ऑफ नथिंग तो यहां पे शेड का जो रेफरेंस है वो किससे दिया गया है प्रोडक्शंस पर्सोनिफिकेशन हम लोगों ने अर्थ वाला पढ़ा ही था नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर दी है एंटीथिसिस क्या होता है एंटीथिसिस दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जो आप अगल-बगल यूज करते हो यहाँ पे देखो यहाँ पे काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल ये वर्ड यूज कर रहा है ना तो आप देख सकते हो यहां पे पहले काउंटिंग की बात कर रहा है कि गिनो दैट इज अ काइंड ऑफ मोशन और आपका यहां पर स्टिल वर्ड यूज कर रहा है विशोस शांति सो so, जैसे हमने वाला गाना सुना है ना आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे सो so, आपकी अगर किसी भी पोम के दो लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं तो उनको आप बोलते हो एंटीथसिस और अगर यही अगल बगल यूज होने लगते हैं तो उनको ऑक्जुमर बोलते हो सो so, यहां पे अगर आप देखोगे काउंट टू ट्वेल्व ये पहला सेंटेंस है एंड वी विल ऑल कीप स्टिल ये दूसरा सेंटेंस है सो so, आपके पहले सेंटेंस में काउंट लिखा हुआ है दूसरे सेंटेंस में स्टिल लिखा हुआ है दो ऑपोजिट वर्ड्स है ठीक है ना दो सेंटेंसेस में आ रहे हैं सो so, ये एंटेथसिस हो गया सिंबोलिज्म मतलब कोई भी चीज एज ए सिंबल यूज करी गई हो <laughs> जैसे कि यहां पर ब्रदर्स मैनकाइंड का सिंबल है ग्रीन वॉर्स डिफोरेस्टेशन का सिंबल है वॉर विद गैसेस पॉल्यूशन का सिंबल है क्लीन क्लॉथ्स आपको यहां पर पीस का सिंबल दे रहे हैं ठीक है ना और शेड सिंबल है प्रोटेक्शन का सो so, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ड्स ठीक है ना वॉर विद गैस वॉर विद फायर ग्रीन वॉर्स ठीक है या फिर आपका ये ब्रदर्स ये सब किसके सिंबल्स हैं ये आपसे पूछा जाएगा सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला रेपिटेशन विदाउट रश विदाउट इंजन यूज हुआ है देख सकते हो डबल बार ये वर्ड रिपीट हुआ है सो so, रेपिटेशन बोल सकते हो उसको वी विल काउंट सडन स्ट्रेंजनेस सो यहाँ पे एस का रिपीटेशन हो रहा है एक लेटर है जो तो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है वो भी कॉन्सोनेंट तो वो एलिट्रेशन हो गया फाइन सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी बताओ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बेटा विस्टास होगी कल सुबह नाइन ओ क्लॉक मॉर्निंग में एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में बहुत डिफरेंस है बेटा पैराडॉक्स में आप ऑपोजिट वर्ड्स यूज नहीं करते पैराडॉक्स में आप ऑपोजिट वर्ड्स यूज नहीं करते पैराडॉक्स में आप ऑपोजिट स्टेटमेंट यूज करते हो ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप को ही कॉन्ट्रोडिक करे अगर मैं ये बोल दूं कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना सो so यहाँ पे मैंने ऑपोजिट वर्ड यूज नहीं किए मैंने सेंटेंस को कॉन्ट्रोडिक किया मुझ पर एक एहसान करना है ना मुझ पर कोई एहसान मत करना तो पहले वाले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है समझ में आ रही है तो एंटीथेसिस में आपका वर्ड यूज हो रहा है जो ऑपोजिट है आज मैं ऊपर आसमा नीचे तो ऊपर नीचे वर्ड यूज हुआ है तो अलग-अलग एलिट्रेशन में, में, <laughs> में बेटा आपके जब भी वर्ड्स दिए गए होते नंबर ऑफ वर्ड्स में पहला लेटर एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होता है तो उसको आप बोलते हो एलिट्रेशन जैसे आप सडन स्ट्रेंजनेस देखोगे तो यहां पे एस लेटर रिपीट हो रहा है क्लीन क्लोज देखोगे तो यहां पे सी लेटर रिपीट हो रहा है वी विल काउंट में डब्ल्यू रिपीट हो रहा है हैंड्स में एच रिपीट हो रहा है सॉरी रेपिटेशन ऑफ लेटर्स जो है ना एन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स ये ठीक है ओके okay? क्वेश्चन बिल्कुल फायर रिलेटेड वॉर आप कुछ भी बोल सकते हो जिस भी चीज़ में फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ठीक है ना कहीं पर लोग आग लगा करके आ जाते हैं है ना या फिर घर में जो कूड़ा कचरा आप लोग जलाते हो उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है सो so, वो भी एक तरह की वॉर्स एंड वॉर्स विद फायर फाइन चलो नेक्स्ट पॉर्म की तरफ चलते हैं अब आपकी नेक्स्ट पॉर्म मैंने यहां पर ली है आंट जेनेफर टाइगर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आंट जेनेफर टाइगर की आपके जो पोएट है वो कौन है मुझे जल्दी से बताइए फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बताओ <laughs> फटाफट जल्दी से आंसर करके बताइए एक बच्चा परसोनिफिकेशन में बेटा जहां पे आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की एक्टिविटी करवाते हो सपोज अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया आर डांसिंग

द पोएट ऑफ दिस पोम इज एड्रिन रिच सो एड्रिन रिच ने ने यहां पर एक कैरेक्टर लिया है एक फीमेल कैरेक्टर जिनका नाम है आन जेने जो एक तरह का सिंबल है उन सारी औरतों के लिए जो कि मेल डोमिनेंस में रही हैं और उन्होंने मैरिटल लाइफ के कॉन्स्टेंट देखे हैं यानी कि मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम्स देखी हैं फाइन सो ये जो स्टोरी है इसमें आपको एड्रेस किया गया है कॉन्स्टेंट ऑफ अ मैरिड लाइफ अ एक्सपीरियंसेस एक शादीशुदा और अपनी शादीशुदा लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती है वो बताया गया है ठीक है दूसरा यहां पर आपको एक तरह का युद्ध दिखाई देगा बैटल बिटवीन अ वुमेंस इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन तो यहां पे आपको जो आन जेनिफर है उनके आउटर कोर और इनर कोर में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ठीक है आपको स्टोरी में पेट्रियाकल कल्चर देखने के लिए मिलेगा ये बेसिक थीम है आपकी पोम का यहां पे आंट जेनिफर स्पीकर है ठीक है ना और जो वो टाइगर्स ड्रॉ कर रही हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी पर वो उनका इनर कोर है जो वो अंदर से बनना चाहती हैं फ्योरलेस है ना स्ट्रोंग द टाइगमेंट एन जेनेस फेरोस पर्सनैलिटी एंड हर नीड फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन दल्सो दिमिटेशन एंड रेस्ट्रेन प्लेसड ऑन वूमे बाई सोसाइटी सो यहाँ पे पोम में हमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से शादीशुदा औरत के ऊपर बार्स लगाए जाते हैं कि वो क्या क्या नहीं कर सकती स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन ठीक है नेक्स्ट द स्पीकर एम्प्लाईज दैट और दो आंट जेनेफर स्ट्रगल टू फुल्ली एक्सप्रेस हर सेल्फ इन आर डेली लाइफ शी इज एबल टू डू सो ओनली थ्रू हर एम्ब्रॉयड आर्ट सो आन जेनेफर जो रियल लाइफ में नहीं है वो अपनी आर्ट के थ्रू उस चीज़ को क्या कर रही हैं डिपेक्ट कर रही हैं सो so, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पोम एक्चुअली में जो लिखी गई है इसमें जो टाइगर्स हैं वो किस चीज़ का रेफरेंस देते हैं तो आप बता सकते हैं कि जो टाइगर्स हैं वो उनका इनर कोर का रेफरेंस दे रहे हैं कि वॉट एक्चुअली आंट जेनेफर इज़ फ्रॉम इनसाइड She wants to be fearless. She wants to be uh, confident, but she is not in her real life. Just because of the oppression of her husband and the responsibilities which she came through after her marriage. Fine. So आपकी poem यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे कुछ hard words भी हैं। मैं यहाँ पे आपके hard words दिखा देती हूँ। एक word है आपका prince, ठीक है ना? एक word है आपका topaz, denizens, beneath, ठीक है? Pace, sleek, ये सारे आपके हार्ड वर्ड है सो so, प्रांस का मतलब होता है आप वॉक कर रहे हो वो भी एनर्जी के साथ दूसरा है आपका टोपाज टोपाज एक तरह का येलो कलर का जेम होता है डेनेजिन का मतलब होता है रेसिडेंट रहने वाले बिनित का मतलब होता है किसी चीज के नीचे पेस का मतलब होता है मूव स्लीक का मतलब होता है जेंटल और शिवालरिक का मतलब होता है पोलाइट ठीक है सो यहां पर बोला जा रहा है आंट जेनेफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन Bright topaz टो of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty So, what the poem tells पहले पैराग्राफ में कि आंट जेनेफर एक embroidery बना रही हैं जिसमें उन्होंने टाइगर्स draw किए हैं वो टाइगर्स येलो कलर के हैं और उनके पीछे ग्रीन कलर का फॉरेस्ट है जिसके वो रहने वाले हैं ये जो टाइगर्स हैं ये बहुत फ्यूरलेस हैं ठीक है ना ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये बड़े एनर्जी के साथ वॉक कर रहे हैं बड़ी ही जेंटल वॉक ये कर रहे हैं और इनका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट है और इनको पेड़ के नीचे जो सो रहे है, लोग हैं उनका डर नहीं है ये फर्स्ट पैराग्राफ में वो बोल रही हैं फाइन क्लियर हो गया अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर करके बताएंगे ब्राइट टोपाज ठीक है ना ये आपको ब्राइट टोपाज बता रहा है किसके बारे में टाइगर्स के बारे में ठीक है ना तो यहां पर कौन सी ऑफ स्पीच यूज करी गई है जल्दी से बताओ जल्दी फटाफट आंसर करके बताइए जल्दी से बेटा ब्राइट टू तो पास इसमें कौन सा पोयटिक डिवाइस यूज हो रहा है वेरी गुड यूट्यूबर का दोस्त हा वेरी गुड मेटफर मेटफर जो यहां पर यूज हो रहा है फाइन आई होप दिस इज क्वाल क्लियर टू एवरीबडी अब आगे बढ़ेंगे यहां पर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया क्या बोला जा रहा है इसमें वर्ड कौन कौन से पहले फ्ल्टरिंग जिसका मतलब होता है शेकिंग कप कपाना एवरी जो हाथी के दांत होते हैं ना उनका जो कलर होता है ना वाइट वैसी ही इनकी एक नीडल है सुई पहले के पुराने के जम्य, पुराने समय में अगर आप चले जाओगे तो आइवरी से ही बनाया मतलब जो, जो हाथी के दांत होते थे उनसे बनाई जाती थी पहले नीडल्स यहाँ पे एक वेडिंग बैंड वर्ड का यूज किया गया है जो कि आंट जेनेफर की रिंग है जो उनको शादी के टाइम पर पहनाई गई थी और सिट्स हेवली का मतलब है बहुत सारा बर्डन होना सो so, कह रहे हैं आंट जेनेफर्स फिंगर्स थ्रू हर रूल Find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So Aunt Jennifer जब वो embroidery कर रही हैं, अब आपको पता है, आप thread का use करते हो embroidery करने के लिए, so needle में आप thread डालते हो और thread से आप embroidery करते हो. So Aunt Jennifer के लिए वो जो ivory needle है, वो इतनी भारी हो चुकी है कि Aunt Jennifer ना निकाल नहीं पा रही हैं. जब वो निकाल रही हैं उस ivory wool को, तो ivory needle को तो उनके हाथ कब कब पा रहे हैं अब उनके हाथ जो कप कपा रहे हैं उसका रीजन है कि उनके हस्बैंड का कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत डर है शी हैज सो मच फियर ऑफ हर हस्बैंड कितना डर है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर उन्हें डर लगता है कि अगर वो अपने लिए कुछ टाइम निकाल करके करेंगी तो शायद उनको डांट दिया जाए या उनको बोल दिया जाए दैट व्हाट आर यू डूइंग व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम राइट तो आठ जने पर इतनी डरी हुई है इतनी घबराई हुई है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उस सुई को बाहर निकालना कपड़े से ठीक है ऐसा कहीं लग रहा है कि जो आंट जेनिफर की वेडिंग रिंग है जो अंकल ने उन्हें शादी के टाइम पर पहनाई थी उसका बोझ बहुत ज्यादा हो गया है आंट जेनिफर के ऊपर ठीक है कैसे बहुत ज्यादा हो गया कि उनकी जब शादी हुई थी तो शादी के साथ साथ ही भी आई थी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके हस्बैंड की डोमिनेंस भी आई थी मतलब आठ जेनेफर वही करेंगे जो उनके हस्बैंड कहेंगे शिल नॉट डू दैट जो कि उनका खुद का मन करेगा सो so, वो कहीं ना कहीं डरी नहीं है कि अगर उनके हस्बैंड आ गए और उन्होंने उन्हें ये करते हुए देख लिया सो डेफिनेटली शिल गेट्स गोल्ड फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी लास्ट पैराग्राफ आती है इस की जिसमें लिखा हुआ है आपके पास बाय और पैनल टेरिफाइड का मतलब होता है, मतलब है परेशानियां मतलब, मतलब होता है वही जो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो एक फ्रेम लिया गया दैट ठीक है सो वेन आंट जेनिफर इज डेड मतलब जब आंट मर जाएंगी हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई उनके जो डरे हुए हाथ है वो तो यूं ही पड़े हुए होंगे बोला जा रहा है लेकिन आज भी जो परेशानियां हैं उनकी मैरिटल लाइफ की वो उनके हाथों से बंध ही रहेंगी मतलब ऐसा होता है जब लड़की मर भी जाती है तो वो अपने हस्बैंड के नाम से ही जानी जाती है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो अपने साथ साथ लेकर के जाती है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी वो अपने साथ साथ लेकर के जाती है तो आंट जेनेफर जब मरेंगे तो वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैरिटल लाइफ की वो अपने साथ, -साथ लेकर के जाएंगी उनको मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसेंग प्राउड इन अनफ्रेड लेकिन जो पैनल्स पे उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे दिखाई देंगे सो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि मरते मरते आंट जेने अपना ऑपरेशन जो ट्रबल्स हैं वो अपने साथ जरूर लेकर के जाएंगी लेकिन उनका जो इनर कोर है वो जिंदा रहेगा किसके थ्रू उन एम्ब्रॉइडरी के थ्रू ठीक है जो प्राउड प्रांस अनअफ्रेड मूवमेंट है उन टाइगर्स का वो आंट जेनेफर के इनर कोर को हमेशा दिखाता रहेगा सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी नाउ इफ यू लुक एट दी पॉइंटर्स ऑफ दिस पॉम तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो पोएट हैं आपको वो एक फेमिनिस्ट दिखाई गई हैं जहाँ पर उन्होंने डिफिकल्टीज बताई हैं मैरिड वुमेन की दूसरा She spends good amount of time in embroidering panel of tigers prancing across the screen. ये शी कौन है यहाँ पर Aunt Jennifer

हर सीक्रेट लॉन्गिंग फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस सो वो जो टाइगर्स ड्रॉ कर रही हैं, उससे वो अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस दिखाना चाहती हैं। कि अंदर से वो चाहती हैं दैट शी शुड बी फ्यूरलेस। शी मस्ट है प्रॉब्लम एंड द टॉर्चर विच अ मैरिड वुमेन एक्सपीरियंसिस मौत भी उनकी प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकती जो कि एक मैरिड वुमेन की लाइफ में आती है तो ये आपको एंड तक बताया गया सो so, ये मेन पॉइंटर्स हैं आपकी सो इन मेन पॉइंटर्स को भी अगर आप यूज कर लेंगे अपने आंसर्स के लिए सो इट विल बी सफिशिएंट पोएटिक डिवाइसेस देख लो यहां पे एनाफोरा यूज हुआ है ठीक है मेटाफर यूज हुआ है एलिट्रेशन यूज हुआ है यूज हुआ है पन यूज हुआ है देन uh, एलिट्रेशन यूज हुआ है सो लेट्स सी कहां कहां पर ये यूज किए जा रहे हैं और किस किस सेंस में एनाफोरा मतलब आपकी वर्ड्स का रेपिटेशन सो so, अगर आप फर्स्ट वाली लाइन देखोगे दे डू नॉट दे पेस तो ये जो दे लेटर का रेपिटेशन है वो एनाफोरा है फिर मेटाफर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे पूछा भी था ये ब्राइट ट्रोपास कलर टाइगर्स को बता रहा है एलिट्रेशन अगर आप देखेंगे तो आपको फिंगर फ्लटरिंग में मिल जाएगा एफ लेटर का रेपिटेशन सेलिंग डॉग क्या होता है टेरिफाइड हैंड्स यहां पर आपको पार्ट फॉर होल का रेफरेंस दे रहे हैं जब भी, भी कोई छोटा सा वर्ड यूज किया जाता है किसी होल के रेफरेंस के लिए जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई नाटा नाटास को दिख जाता है तो आप उसको बोलते हो बटलर तो बटलर का मतलब क्या होता है कैसा इंसान जिसकी हाइट छोटी हो सो so, यहाँ पे टेरिफाइड हैंड सिंबल है आंट का कि आंट डरी नहीं सो so, पे एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया है पूरे होल को डिस्क्राइब करने के लिए पन वर्ड्स प्ले करते हो आप वर्ड्स के साथ खेलते हो तो यहां पर आपके पन का जो यूज हुआ है वो यहां पे हुआ है फिंगर्स विच मेड द टाइगर्स वुड गिव अबाउट हर कैरेक्टर्स ठीक है ना और लाई इंप्लाइज दैट इट वुड बी लाइंग बाय हर साइड ठीक है सो यहां पे वर्ड प्ले आपको कैसे देखने के लिए मिल रहा है लाई का मतलब होता है पड़े होना जब इंसान मर जाता है तो उसका हाथ ऐसे पड़ा हुआ हो जाता है ना है, ना? तो यहां पे है लेकिन यहां पर कि कि उनके हाथ फिंगर्स विच मेड द टाइगर्स गिव अ फॉल्स इंप्रेशन अबाउट हर कैरेक्टर्स जो फिंगर्स है उनकी वो उनके कैरेक्टर के बारे में बता रही है कि वो भी ऐसे ही नल पड़ी रहेंगी क्योंकि उसके ऊपर भी किसका डर होगा उनके हस्बैंड का लास्ट एलेट्रेशन फिर से यूज हुआ है अगर आप देखेंगे प्रांसिंग प्राउड में तो आपको मिल जाएगा पी लेटर का रेपिटेशन सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो इतना क्लियर है बेटा और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आ थिंक ऑफ ब्यूटी और अ रोड साइड स्टैंड इन दोनों को पढ़ने के लिए बेटा बातें नहीं करिए चलो बताओ जल्दी से दिस मच क्लियर टू एवरीबडी नथिंग विल हैपन आने फर को मरते हुए दिखाई नहीं जाएगा वो जिंदगी भर फिर ऑपरेस दिखाई जाएंगी ठीक है यूट्यूबर चलो नेक्स्ट पोम की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट पोम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी मुझे जल्दी से बताइए हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी आउटसाइड वॉइस आ रहा है ओके आई आई आस्क चलिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम जॉन किंस नहीं है जॉन कीट्स वेरी गुड जॉन कीट्स जॉन कीट्स ठीक है सो लेट्स रीड दिस पोम सबसे पहले हम लोग इसका थीम पढ़ेंगे uh, सबसे पहले तो आप यह जान लो कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये जॉन कीट्स ने लिखी है और जॉन कीट्स के बारे में अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ जानिए तो ये जान लो कि एक रोमांटिक वर्ट है <laughs> ये पोम जो है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है एक सर्फ्ट है जो कि आपका uh, एक पोम uh, से लिया गया है एंडे है ना जिसमें एक शेफर्ड की कहानी सुनाई गई है जो माउंटेन्स पे रहता था उसको एक बार विजन होता है मून गॉडेस का वो बड़ी खूबसूरत होती है तो वो उनकी सर्च में निकल जाता है और वो उनकी जब सर्च में निकलता है तो वो जंगलों से होता हुआ पानी के अंदर जाता है और फिर वो वापस कभी नहीं आता ऐसा बताया गया कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है उसका इतना एवर लास्टिंग इम्पैक्ट होता है कि आप कहाँ खो जाते हो आपको खुद ही नहीं पता होता फाइन सो यहाँ पर आपकी बोम इस तरीके से स्टार्ट होती है A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above quite for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So, a thing of beauty, kya is a joy forever? मतलब आप जब जब उस thing of beauty के बारे में सोचोगे तो आपको हमेशा खुशी होगी. And its loveliness increases. और जब जब आप उसके बारे में सोचोगे ना आपको और अच्छा लगेगा. तो उसका जो प्यारा बन होता है वो और बढ़ता जाता है. It will never pass into nothingness. मतलब आपको कभी उसको देखकर कैसा feel नहीं होगा कि कुछ नहीं है यहाँ पे जब जब आप उसके बारे में सोचोगे या देखोगे उसको तो आपके चेहरे पैक्स स्माइल आ जाएगी है ना सो so, वो नथिंगनेस पे कभी नहीं जाती बट विल की वो हमारे लिए एक बाव क्रिएट करती है बाव क्या होता है जैसे मान लीजिए आप सड़क पर हैं और आपने सड़क के इधर उधर पेड़ लगाए हुए हैं सो so, पेड़ जब बड़े होते हैं सो so, वो क्या करते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक छाया शेड क्रिएट कर देते हैं तो वैसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी भी हमारे लिए एक शेड की तरह है वो शेड हमें प्रोटेक्ट करता है वो हमें सुकून की नींद देता है सुकून के ड्रीम्स देता है अच्छी हेल्थ देता है और अच्छी सांस देता है आप खुद सोचो ना जब आप अच्छा सोचते हो अच्छे से सोते हो अच्छे से खाते हो तो सब कुछ अच्छा होता है कि नहीं होता है लेकिन ये अच्छा अच्छा आपके साथ तभी होगा जब आप सुकून में होंगे और सुकून के लिए आपको क्या होगा चाहिए होगा कोई एक ऐसा एहसास जो आपको खुशी दे सो so, वो क्या है वो थिंग ऑफ ब्यूटी सो बाबर का मतलब याद रखना अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री क्लियर नेक्स्ट फॉर ऑन एवरी मोरो अ बैंड टू टू बाइंड अस द अर्थ इसीलिए हर मोरो मोरो टू हर हर एक दिन रेफरो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग रेत कर रहे हैं रेत का मतलब क्या होता है mm -hmm. बिन एक साथ जैसे आप फूलों का एक गुच्छा तैयार करते हो ना वैसे ही हम थिंग ऑफ ब्यूटी का एक माला एक गुच्छा तैयार कर रहे हैं अपने आप को इंसर्कल कर रहे हैं उससे तो हर रोज हम एक फ्लावरी बैंड बुथते हैं ठीक है ना जो हमें अर्थ से जोड़ करके रखता है हमें अपने जीने का पर्पज समझ में आता है क्या स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ डेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है सैडनेस बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास दुख देने के लिए है ना क्योंकि आपको पता है कि आ, इस वर्ल्ड में डर्थ है डर्थ रेफर्स टू कमी किसकी इनह्यूमन की Of noble natures. तो कह रहा है कि आपको पता है कि दुनिया में कितने दुख हैं है ना अच्छे लोगों की कमी है है ठीक और बहुत सारे बुरे दिन भी आते हैं हमारे साथी एंड ओवर डार्क इन वे सो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इतनी प्यारी चीज है ना कि हम लोग हर रोज एक थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या करते हैं बुनते हैं उसी तरीके से बुनते हैं जिस तरीके से एक माली एक माला में फ्लावर्स को बुनता है ताकि एक माला तैयार हो जाए और उस माला से आप अपने आप को क्या कर लो सकल कर लो ठीक है समझ में आ रहा है ना सो so अगर आप यहां पर देखेंगे सो गेट टू नो कि आपको हर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा जब आप थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचोगे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या है सबसे पहले प्रॉब्लम्स की आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कमी है अच्छे लोगों की कमी और अच्छे दिनों की कमी जिसमें आपके सैड डेज आते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते आप चुनते हो जो बहुत बुरे हो जाते हैं राइट नेक्स्ट इज मेड फॉर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल फ्रॉम आयर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग आ शेडी बून सो अब क्योंकि हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, सो हम क्या करते हैं हम ढूंढना शुरू करते हैं सो so, इन सारी चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खुश करने का खुश होने का एहसास दिलाती हैं कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुश होने के एहसास दिलाने के साथ साथ हमारी जो बुरी स्पिरिट है जो हमारी डार्क स्पिरिट है जो हम बुरा सोचने लगे उसको दूर करती है हमारी सैडनेस को दूर करती है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी सैडनेस को दूर करती हैं सन ऑल द थिंग्स विच बिलोंग्स टू नेचर मून ट्रीज जो बूढ़े हैं और यंग हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ओल्ड एंड यंग ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है ठीक है बताओ जल्दी से स्प्राउडिंग अ शेडी बून सो ये जितनी भी चीजें हैं जो नेचर की ब्यूटी है ये हमारे लिए क्या कर रही है ये एक शेडी बून तैयार कर रही है बून का मतलब होता है ब्लेसिंग और शेडी का मतलब होता है छाया देने वाली सो so, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना वो हमें क्या करते हैं हमें किसी बुरी चीज का सामना नहीं करने देते वो हमारे लिए एक बाबू की तरह होते हैं एक शेड की तरह होते हैं वैसे ही ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या एक की तरह है कि जहां हम दुखी होंगे तो हम इन अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगेंगे कि गॉड ने हमें कितनी सारी चीजें दी हैं राइट क्लियर है वेरी गुड एंड एंटी दिस इज यूज हुआ यहां पे क्योंकि ओल्ड एंड यंग ये दोनों आपके कौन से वर्ड्स हैं ऑपोजिट वर्ड्स हैं बूढ़ा और जवान

और फिर आपको वहाँ पर ठंडी ठंडी छोटी छोटी सी झरने भी मिलेंगे उन झरनों को पीने के लिए आप लोग हो वहाँ पर राइट सो so, जब भी गर्म मौसम आता है जब भी बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न होता है तो उस हॉट सीजन में हमारे पास पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी भी है जो हमें गॉड ने प्रोवाइड किया है अगेंस्ट दिस हॉट सीजन और फिर क्या मिलता है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक और जब आप जाओगे ना जंगल में तो आपको रास्ते में क्या मिलेगा एक ब्रेक मिलेगा एक रास्ते की रुकावट आपको मिलेगी एक ऑब्स्टिकल मिलेगा दैट ब्रेक इज अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो आ, एक बुश झाड़ी रिच स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स And such do is the grandeur of the doom we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink so grandeur का मतलब क्या होता है high rank और socially important people mighty का मतलब होता है बहुत महान लोग powerful लोग immortal का मतलब होता है जो कभी ना मरे और bring का मतलब होता है edge so कह रहा है वो जो bushes है ना उसमें आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है musk roses जो खिल रहे होंगे उनकी खुशबू आ रही होगी आपको एंड सच टू इज द ग्रांडियर ऑफ डूम्स और ऐसे ही आप उन लोगों के बारे में भी सुनते हो जो कि हाई रैंक पीपल हैं बहुत इंपॉर्टेंट पीपल हैं उनके बारे में जब आप सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है आप उनके बारे में भी सोचते हो वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ्स को कुर्बान कर दिया राइट ऑल लवली टेल्स इन सब के बारे में जो आपने स्टोरीज सुनी है है ना जो आपने सुना है जो आपने पढ़ा है ठीक है इन सबको सुन करके आपको अच्छा फील होता है ये सब आपको क्या देता है हैप्पीनेस देता है और ये सब आपको हैप्पीनेस क्यों दे रहा है क्योंकि आप इनके बारे में सोच रहे हो तो ये सब गॉड की ब्लेसिंग्स हैं जो हमें भेजी गई हैं तो वो ये लास्ट में पॉइंट ने क्या लिखा हुआ है एन एंडलेस फाउंटेन्स इमोल ड्रिंक एंड टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग सो ये एक फाउंटेन है एक फव्वारा है जो कि एंडलेस है ये कभी खत्म नहीं होने वाला बस आता जा रहा है आता 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 जा आता जा आता जा रहा 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 है 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 एंड दिस कंटेन्स एन इमोटल ड्रिंक इमोर्टल ड्रिंक का बोलते हो एलेक्जियर को एक ऐसा ड्रिंक जिसे आप अमृत बोल सकते हो जो आपको कभी मरने नहीं देगा मतलब ये कभी एंड नहीं होगा ये थिंग ऑफ ब्यूटी कभी एंड नहीं हो सकती सो so, ये ऐसा ड्रिंक है जो हमारे पास आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है एक स्वर्ग के किसी कोने से जो कभी खत्म नहीं होने वाला इट विल जस्ट गो ऑन एन ऑन एन ऑन एन ऑन फाइन अगर पढ़ोगे आप तो इसमें सिर्फ ब्यूटिफुल चीजों के बारे में बताया गया है और वो ब्यूटिफुल चीजें जो वो हमें नेचर से मिल रही हैं और ये नेचर से मिलने वाली चीजें हमें क्या करती हैं? हमें हमारी सैडनेस से बाहर लेकर के आती हैं, हमारे आ, दुखों से बाहर लेकर के आती हैं। हम सबको पता है कि यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है इस दुनिया में ठीक है बहुत सारे सैडनेस हमारी जिंदगी में आते हैं प्लस हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी दिन आते हैं जब हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं बट इन सबसे अगर हमें बचना है तो हम

अच्छा यहाँ पे अगर आप पोएटिक डिवाइस देखोगे बेटा तो आपको पोएटिक डिवाइसेस भी मिल जाएंगी पोएटिक डिवाइसेस uh, के साथ साथ आपको राइमिंग स्कीम भी पूछी जाती है आपके पैराग्राफ uh, की सपोज अगर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे राइमिंग स्कीम पूछी जाएगी सो so, सपोज अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट करते हो जैसे फर्स्ट लाइन में ये एंड हुआ तो आपने अगर इसको कंसिडर किया ए फॉर एवर नेवर राइम कर रहा है ना तो उसको भी आप ए कंसिडर करोगे कुछ नया आ गया तो उसको आप बी बोल दोगे फिर अगर वो राइम कर जाता है तो उसको आप बी ही बोलोगे ठीक है ना फिर कुछ नया आ गया तो उसको आप बोल दोगे सी और अगर ये लाइन कॉन्टिन्यू आती है आपके इसके साथ तो ये भी सी का ही पार्ट हो जाएगा ए ए की लाइन जाएगी तो अभी बताओ मुझे क्लियर हो गया बाकी कुछ पूछना हो तो पूछ लो हम फिर पोएटिक डिवाइसेस की साइड पे आते हैं बेटा बताइए चलिए आंसर करके बताइए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ, A -A -B -B -C, जो हमारा पहला पैराग्राफ था उसमें ये गया था अच्छा इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है जिसमें स्लीप स्वीट ड्रीम्स वर्ड आया है तो एस और एस लेटर रिपीट रे, हो रहा है स्लीप और स्वीट में ठीक है मेटाफर भी यहां पर यूज हुआ है क्योंकि आप थिंग ऑफ ब्यूटी को बहुत सारी चीजों से कंपेयर कर रहे हो बाव क्वाइट से ठीक है ना अफ्लावरी बैंड से कंपेयर किया है आपने ठीक है ना एंडलेस फाउंटेन से कंपेयर किया है तो तो ये सब आपका थिंग ऑफ ब्यूटी का रेफरेंस दे रहे हैं तो जहां जहां पर भी आपको थिंग ऑफ ब्यूटी का रेफरेंस मिला है वह सब मेटाफर है ठीक है नेक्स्ट इज एनाफोरा एनाफोरा भी यहां पर यूज हो रहा है एनाफोरा क्या होता है आपका एनाफोरा एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें आप बोलते हो कि आपको रेपिटेशन दिखाई देता है तो ये वाली लाइन देखो ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ अनहेल्दी वेज सो so, ये ऑफ ऑफ लेटर रिपीट हुआ है दिस इज एना वरा इमेजरी यूज हुआ है क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि किस तरीके से हम रेथ कर रहे हैं है ना हर रोज किस तरीके से हम रेत कर रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी को तो जैसे एक माली फ्लावर्स को रेत करता है वैसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी को हम कैसे रेत कर रहे हैं यहाँ पे बताया गया ठीक है दूसरा आपको जो ये बताया गया ना आ, मस्क रोजेस Blooms, वो भी तरह का इमेजरी है पे आप कर रहे हो हो कि कुछ हो रहा है right? Next आता इन्वर्जन आपका, आपका यूज हुआ है आर वी देखो की कैसी होती हैं आप सिंपल सेंटेंसेस में लिखते हो ना और सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह का आता है तो अगर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट बाद में आ जाए फिर वर्ब आ जाए फिर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये क्या कहलाता है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका इन्वर्जन सो इन्वर्जन कहीं पर भी हो सकता है जहां पर आपकी हेल्पिंग पहले आ रही हो नॉर्मल सेंटेंस में और सब्जेक्ट बाद में ठीक है लास्ट है आपका एंटीथिस वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ओल्ड एंड यंग क्लियर सो अब है हमारी लास्ट फॉर्म उसको करने के बाद विल एंड द सेशन चलिए बताइए इतना क्लियर हो गया बेटा राइटिंग पार्ट कल मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉर्निंग सुबह नौ बजे से योर सेशन विल कंटिन्यू जिसमें मैं आपको विस्टास पढ़ाऊंगी और फिर विस्टास के बाद आपका राइटिंग सेक्शन होगा एंड देन विल गो हेड विद रीडिंग सेक्शन वेरी गुड ऑपोजिट वर्ड्स ओल्ड और यंग दो ऑपोजिट वर्ड्स है बेटा ठीक है मैम क्या जॉब फॉर एप्लीकेशन में बायोडेटा बॉक्स हाँ बेटा बॉक्स में रखना होता है ठीक है चलो इज दन आस्क एनी बताओ राइटिंग पार्ट कल करवाऊंगी दोपहर में आपका ठीक है ना आपको स्किड्यूल पूरा मिल गया होगा लाइन से आपके सारे के सारे सेशंस अलाइंड है नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाली पोम की तरफ बढ़ते हैं दिस इज अ रोड साइड स्टैंड प्लीज डू लेट मी नो एट पोएट कौन है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम अ रोड साइड स्टैंड इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सारी पीडीएफ मिल जाएंगी बाकी आपको एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का है उससे आपको सारी की सारी पी मिल जाएंगी जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है ठीक है वेरी गुड अ रोड साइड स्टांड सो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या दिया गया है सबसे पहले हम पोम के बारे में बारे में पढ़ लेते हैं आपको कैरेक्टर्स पीपल और लैंडस्केप्स के बारे में मैक्सिम <laughs> लिखते हुए दिखाई देंगे वॉट इज दीम ऑफ दिस पोम समरी ऑफ दॉम अगर आपसे पूछा जाए या थीम ऑफ द बॉर्म आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक रोड साइड स्टैंड है ठीक है ना और वो वहां पे जो रोड साइड स्टैंड लगाने वाला है वो किस तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है उनकी लाइफ कितनी प्रॉब्लमेटिक है, है ना और वो किस तरीके से चाइल्डेश लॉन्गिंग में इन्वॉल्व है और उनकी चाइल्डेश लॉन्गिंग किस तरह से वेन है ठीक है कितने सारे लोग हैं जो उनको ही पे नहीं करते एंड दे ऑल सफर्स बस वो होप में ही मर जाते हैं और वो होप जो कि फॉल्स है क्योंकि उन्हें उन्हें फॉल्स पीपल ने दिया है ठीक है so सो यहाँ पे सिटी ड्वेलर्स के बारे में भी बताया गया है कि ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दैट हाउ द रोड साइड स्टैंड पीपल स्ट्रगलिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर थोड़ा सा सिंपथाइज़ है उन रोड साइड स्टैंड वालों के साथ और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं जब वो उनके बारे में आपको बता रहे हैं तो ठीक है so, सो वो बहुत ही ज्यादा कंपेशनेट आपको देखने के लिए मिले सो so, आप अगर यहां पर लिख करके आओगे थीम तो क्या लिख करके आओगे दिस इज ऑल अबाउट द इम्पावरिश कंडीशन ऑफ ऑल दो पीपल हु आर रनिंग अ रोड अड स्टैंड ठीक है एंड दिस पोम टेल्स अस अबाउट दिंपथी दैट इज शोन बाय दोएट टूवर्ड्स दिज पीपल फाइन चलो सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोम को यहां पर इट स्टार्ट विद दिस द लिटिल ओल्ड हाउस वर्ट वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड एक घर है ऐसा और इस घर के बाहर एक छोटा सा शेड लगा दिया गया और यहां पर ही लॉरीज में लोग सामान वामान बेच रहे हैं ठीक है सो so ये है ये रोड साइड स्टैंड है फाइन सो लिटिल ओल्ड हाउस मतलब एक पुराना छोटा सा घर छोटा सा घर है ना इसमें छोटा सा नया शेड बनाया गया है है और ये जो रोड है ना इस पे गाड़ियां चलती हैं आप ऐसे समझो इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए ये है एक घर जो बहुत पुराना है बहुत छोटा सा है क्योंकि गरीबों का है लिटिल लिटिल वर्ड यहां पर इन्होंने इसलिए में डाला है बेटा कम्युनिटी पे मिल जाएगा बेटा शेड्यूल रोचिका कम्युनिटी पे मिल जाएगा शेड्यूल ठीक है कम्युनिटी पे मिल जाएगा बेटा ठीक है चलो सो so, यहाँ पे लिटिल वर्ड को इसलिए दिखाया गया है बार बार क्योंकि उनकी इम्पावरिस्ट कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है जो कि गरीब लोग हैं राइट सो so, ये जो छोटा सा घर है इसके बाहर एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड लगाया गया है और यहां से रोड जा रही है और इस रोड पर बहुत सारे पैसे वाले लोग जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो कार से गुजरते जाते हैं फाइन सो so वही लिखा हुआ है ट्रैफिक स्पेट ट्रैफिक स्पीड से निकल जाता है अ रोड साइड स्टैंड टू पथेटिकली प्लेट अब ये जो रोड साइड स्टैंड है ये आपको बहुत दयनीय हालत में मिलेगा बहुत बुरी कंडीशन में जैसे कि वो भीख मांग रहा हो प्लीड कर रहा हो कि प्लीज हमारे यहाँ से आके कोई सामान ले लो इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड लेकिन वो भीख किस लिए मांग रहा है वो रिक्वेस्ट किस लिए कर रहा है इसलिए नहीं कि हमें चलते फिरते कुछ खिला दो नॉट फॉर दैट बट फॉर सम ऑफ द मनी कि हमें थोड़ा सा पैसा दे दो हमसे सामान खरीद लो द कैश पैसा हु फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट जो कि मदद कर सके किसको फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदिंग फेंट सो यहाँ पे जो फ्लावर ऑफ सिटीज़ बोला गया है ना दिस इज अटरफर कैन यू प्लीज टेलमिंग ये फ्लावर ऑफ सिटीज किस को बोला जा रहा है उन गरीब लोगों को जो कि ये रोड साइड साइड स्टैंड लगा करके खड़े हुए हैं ठीक है सो so, वही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो स्टैंड है ना ये रिक्वेस्ट कर रहा है ये इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि आप इसको खाना दो बल्कि आप थोड़ा पैसा दे दो ताकि पैसे से इनकी जिंदगी चलती रहे ये कुछ कमाए फिर कुछ खरीदें फिर कुछ कमाए फिर कुछ खरीदें लाइक like दैट है ना तो अगर आप उनको ये पैसा दे दोगे तो इनकी ज़िंदियाँ सुधर जाएंगी इनकी ज़िंदियाँ कैसी हैं ये फ्लावर ऑफ सिटीज़ कौन है ये गरीब लोग ये सिटीज़ गाँव को बोल भी। ये रेफरेंस है ये मेटाफर क्रिएट किया गया है फ्लावर्स मतलब फूल सिटी के फूल तो यहाँ पे ये जो गरीब लोग हैं जो शहर से बहुत दूर हैं ये रोड साइड स्टैंड के पुअर पीपल हैं है ना ये क्या कर रहे हैं सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट इनके पास खाने के लिए नहीं है ठीक है ना पैसा नहीं है तो ये बेचारे मुरझा जा रहे हैं मतलब इनकी हालत बहुत खराब है दुबले पतले हो जा रहे हैं और कभी कभी तो एकदम बेहोशी वाली हालत में चले जाते हैं कि अब गए तब गए दिल डाए है ना तो उनको थोड़ा सा अगर पैसा मिल जाएगा सो तो एटलीस्ट इनका सरवाइवल होता रहेगा दिस इज मैंशन और अगर आपको इसमें से पूछा जाए कि आपकी राइमिंग क्या चल रही है तो देखो शेड स्प्रेड ए ए प्लेट ब्रेड बीबी ठीक है ना इस तरीके से कॉन्टिन्यू हुई है आगे आपको नहीं मिल रही है नेक्स्ट <coughs> देखिए आगे क्या लिखा हुआ है अच्छा यहां पर आपकी जो हार्डवर्क थी वो पथेटिकली लिखा हुआ था तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पिटिफुल कंडीशन में डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है खाना थोड़ा सा है ना अ पार्ट ऑफ फूड मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल जो आपको आके देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट आओ क्या कह रहा है द पोल ट्रैफिक पास विद अ माइंड द हेड ठीक है

तुम्हारा रोड साइड स्टैंड जो तुम्हारा खंडर है खचाड़ा घर वो इस लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब कर रहा है ऐसे वो टॉन्ट पास करती है और ये क्या किया है तुमने ये देखो ये जो साइन बोर्ड है इसको उल्टा लगा के रखा हुआ है नॉर्थ साउथ के साइड पे और साउथ नॉर्थ साइड पे हाउ कुड यू डू दिस आपको तमीज नहीं है क्या साइन को खराब कर दिया आपने ठीक है ना तो अगर कोई वहां पर रुकता भी है वैसे तो वो टेंशन पे नहीं करते लेकिन अगर पे भी करते हैं तो फिर वो कहते हैं भैया तुमने ये खराब कर दिया तुमने वो खराब कर दिया तुमने ऐसा कर दिया तुमने वैसा कर दिया लाइक दैट कह रहा अब देखो ना बेचारे ये गरीब लोग जिनका जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या बेच रहा है जो होती ठीक है refers to baskets. ना सो so वो जो बास्केट्स हैं उनके अंदर जो लकड़ी की बास्केट्स हैं उनके अंदर इन लोगों ने अलग अलग तरह की uh, जो जंगली uh, बेरीज है वो सजा करके रखी हैं सो so, कह रहे हैं ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ड्स ठीक है तो लकड़ी की बास्केट में आपको बेरीज दिखाई देंगी जंगली एंड और क्या बिक रहा है उस रोड साइड स्टैंड में क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश स्क्वैश रेफर्स टू कद्दू है ना जिसकी नेक जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है और यहां पर आपको वो सिल्वर वॉर्ड्स के साथ दिखाई देगा मतलब आपने देखा ना ये जो ऐसी लाइंस बनी हुई होती हैं है ना तो इनको आप देखोगे तो ऐसा थोड़ा सा कलर होता है जो सिल्वरी सिल्वरी सा आपको लगता है। so, इस पे वो बेच क्या रहे हैं वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं कद्दू बेच रहे हैं ये बोला जा रहा है जिसे आप सीताफल भी बोलते हो ठीक है तो वो इस पर बेचते हैं और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन ठीक तो वो अपने रोड साइड स्टैंड पर वाइल्डबेरीज लेकर के बैठे हुए हैं कद्दू लेकर के बैठे हुए हैं और साइड में अगर आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको माउंटेनियस सीन दिखाई देगा बहुत सुंदर जो दिखाई दे रहा होता है बहुत अच्छा लग रहा होता है आई डोंट नो वाई दे पीपल कैम एन कंप्लेट ऑफ दिस कि एन साइन एस साइन गलत लगा हुआ है या फिर तुमने सीनिक ब्यूटी को खराब कर दिया ऐसा रॉबर्ट क्रॉस केयर आगे बढ़ो यू हैव द मनी अब देखो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस को गुस्सा आ रहा है यार मेरे को समझ नहीं आ रहा तेरे पास पैसा तो तू अपने क्यों हो रहा है सो यू हैव मनी बट इफ यून वाई अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुमको लग रहा है कि तुम इतने मतलब ही हो तो अपना पैसा अपनी जेब में रखो निकलो, निकलो यहां पर इनको टॉन्ट क्यों मार रहे हो द हर्ट दीनरी वुडन बी माई कंप्लेन रॉबर्ट फ्रॉस कहते हैं मैं तो कभी इन लोगों को कंप्लेन नहीं करूंगा कि तुमने सीनरी को हर्ट कर दिया सो मच एफ द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेट मुझे इससे बड़ी कंप्लेन ये लग रही है कि बेचारे कितने मासूम लोग हैं ये इनका कितना भरोसा था उन पॉलिशकार के ऊपर जो कि इनकी मदद कर सकती थी बट उन्होंने नहीं करी तो आप वो सोचो ना इनका दुख कितना बड़ा है इन लोगों ने कितना भरोसा किया था उन लोगों के ऊपर कि कुछ लोग आएंगे सिटी से मेरी मदद करेंगे बट उन्होंने नहीं करी So, जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि तुमने सीनिक ब्यूटी को खराब किया हुआ है मैं ये कंप्लेन नहीं करता मेरी कंप्लेन ये है कि इन लोगों ने अभी तक ठीक है ना ऐसी चीज अपने मन में क्यों रखी हुई है जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आई मुझे कंप्लेन इस चीज की है कि इनका ट्रस्टिंग सौरव सबसे बड़ा है जो कभी कहा ही नहीं गया इन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा किया हुआ है जो कभी भी इनकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे फ्रॉम दिटी वी मेक अर रोड साइड स्टैंड अब वो क्या है वो भी देख लीजिए आप इतनी दूर शहर से कोने पर यह अपना एक रोड साइड स्टैंड लगाते हैं एंड आज फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड और यह सोचते हैं कि इनके हाथ में थोड़ा सा सिटी शहर वाले लोगों का पैसा आ जाए टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अर बींग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी भी अच्छी हो जाए थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाए है ना इतनी गरीबी में जो ये जी रहे हैं एक अच्छी लाइफ जी पाए राइट और तो और वैसी जिंदगी जी, जी पाए जैसे कि पिक्चर्स में लोग जीते हैं मूवी आती है ना मूवी देखते हैं ना लोग उसमें जो अच्छी लाइफ दिखाई जाती है शायद ये लोग भी थोड़ी सी देख लें कहीं इन्होंने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि गरीबों को कोई आकर के पैसा दे गया और उनकी लाइफ अच्छी हो गई सो वही ये लोग भी इमेजिन करते हैं दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कुछ लोग आए थे जो पार, पार्टी में थे पावर में थे उन्होंने बोला था कि वो इनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे बट दे डेंट डू उन्होंने ऐसा नहीं किया क्यों लुक एट दिस इट एज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन किन का मतलब होता है रिलेटिव्स मतलब जितने भी गरीब लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं आर्ट वी वॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन उन सबको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और एक साथ पूरे मतलब

जो अच्छा काम करने वाले थे और कुछ अच्छे लोग जो एक्चुअली में शिकार करने आए थे इन लोगों का उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए इनकी लाइफ को और ज्यादा खराब कर दिया ठीक है ना तो अगर आपसे ये पूछा जाए ग्रीडी गुड डुअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ फ्रेम में कौन सी पोलिटिक डिवाइस यूज हुई है तो आप कौन सी पोल्टिक डिवाइस यूज करेंगे मुझे बताइएगा फटाफट कॉमेंट सेक्शन में दे दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ दिट्स जो कभी आए थे जिन्होंने बोला था कि हम जो है तुम्हें चांद की सांस देंगे सुकून से जियोगे तुम है ना तुम सुकून से सोगे एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप द स्लीप ऑल डे इनको सिखा करके तुम कैसे सो सुकून से सो गे? वो खुद पूरे दिन के लिए सो गए ऐसा लगता है क्यों क्योंकि झूठे वादे करके उन्होंने इन वादों को कभी भी फुलफिल नहीं किया डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे जिस तरीके से पुराने टाइम पर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे उनकी नींदों को उड़ा दिया उसी तरीके से जो ये लोग हैं पावरफुल पीपल ठीक है people, ना जो पॉलिटिशियंस हैं उनको झूठे सपने दिखा करके ठीक है ना इनकी जिंदगियों को डिस्ट्रॉय करके इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके इनकी स्लीप को डिस्ट्रॉय करके चले गए नाउ लुक एट दस समाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर कभी कभी पोइट कहते हैं कि मुझे तो बर्दाश्त नहीं होती ये सारी चीजें मैं नहीं झेल सकता थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन कि इन लोगों की जो लॉन्गिंग है जो डिजायर है वो कितनी बचकार है ये लोग ऐसे लोगों से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं जो उनकी कभी भी मदद नहीं कर सकते ये सब बर्बाद है व्यर्थ है वेस्ट है दैट सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर वो कह रहा है वो दुख जो हमेशा उन खिड़कियों से झाकता रहता है जो रोड साइड स्टैंड की खिड़कियां हैं और हमेशा झाकेगा क्योंकि अपने गलत लोगों से उम्मीद लगा करके बैठी है दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर जो हाथ जोड़ करके पूरे टाइम प्रार्थना करते रहते हैं भगवान कोई तो एक कार रुक जाए ब्रेक लगे और हमसे आकर के वो कुछ तो खरीदे फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार तो वो प्रार्थना किस चीज की कर रहे हैं कि कोई तो गाड़ी रुके स्क्वील तो सुनाई दे किसी का कुछ नहीं सुनाई दे रहा उनको क्योंकि सिटी के जो लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की लाइफ ये लोग जी रहे हैं लेकिन ये बेचारे सोचते हैं कि काश अब आएगा कोई अब आएगा थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन एंड जस्ट जस्ट वॉन्ट टू इनक्वायर वट अ फार्मर्स प्राइजेस आर एंड वन डेट स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप्रास इन यूजिंग दू बैक इन टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्ट द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड एंड अनदर टू आस गुड देस देड नन डेंट इट सी अब फिर से आप देखोगे रॉबर्ट फ्रॉस को गुस्सा आया है. कैसे कह रहे इतनी सारी कार्स गुजरती हैं उसमें से कुछ आते हैं कहते हैं अच्छा बताइए है, ये कितने का बेच रहे हैं कुछ आते हैं जिनको गा, कार को जो है ना मतलब बैक करना होता है तो जब वो बैक करते हैं तो घास उखाड़ करके चले जाते हैं कुछ आते हैं तो आकर के इनसे पूछते हैं कि भैया गैस मिलेगी यहाँ पर तो रॉबर्ट फ्रॉस को गुस्सा आ रहा है कि को एक तो तुम उनकी मदद नहीं कर सकते और उनसे आकर के पूछ रहे हो कि गैस मिलेगी यहाँ पर कार के लिए आपको पता है ना कार गैस के ऊपर भी बेस चल सकती है So, आप ये सोचो ये इतने गरीब लोग इनके पास इतना पैसा कहां से आएगा गैस खरीदने का सो ही इज लाइक कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम लोग इन गरीब लोगों के ऊपर मॉक कर रहे हो आप सोचो अगर आपके पास दिमाग है क्या ये गरीब लोग आपको गैस प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं तो वही रॉबर्ट फ्रॉड गुस्सा होकर बोल रहे हैं वो नहीं कर सकते दे कुडंट दे हैड नन उनके पास है ही नहीं तुम्हें दिखाई नहीं देता जो तुम उन लोगों से बोल रहे हो डू यू हैव गैस फॉर कार नेक्स्ट मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेम द रिक्वेस्टेड लेफ्ट ऑफ स्पिर बीन फाउंड ऑल सो दॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कॉन्ट हेल्प ओन इंग द्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन अब यहां पर देखो ना इतना ज्यादा इमोशनल हो गए रॉबर्ट ट्रॉस कि वो क्या बोलने पर आ गए पहले तो रिक्वेस्टेड का मतलब देख लो रिक्वायर्ड और सीन का मतलब होता है सेंसिबल तो कह रहे हैं कोई नहीं नो इन कंट्री मनी नो कंट्री स्केल फॉगिंग कोई भी यहां पर इन लोगों को पैसा देने के लिए नहीं आएगा इनको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा है ना कोई भी द नीडेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज ने फाउंड और आप कभी भी नहीं देखोगे कि इनके पास कोई इनकी मदद करने के लिए आ रहा है और ये जो बेचारे दुखी लोग हैं ये कभी भी आपको जॉयफुल नहीं दिखाई देंगे नेवर और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं ये वाली लाइन में आपको जो पोएट है वो इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करें इज वेरी सैड कभी कभी इनको लगता है कि यार ये लोग जो जो लोग झूठे वादे करके इनसे जाते हैं उनकी कभी मदद नहीं करेंगे और ये लोग बेचारे ये सोच भी नहीं पा रहे दट वट दे आर डूइंग मुझे लगता है कि इनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉब्लम का अगर कोई सलूशन भी है तो जस्ट लेट देम डाई इन्हें मर जाने दो सबसे बेहतर सलूशन इनकी जिंदगी के लिए यही होगा तुम अब सोचो रॉबर्ट ट्रोस्ट इतने इमोशनल हो गए हैं कि कोई भी आपकी मदद करने आने वाला नहीं है वो ये कह रहे हैं सिटी से आप जबरदस्ती सोच रहे हो कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट होगा आप हमेशा इस थॉट के साथ ही जिंदगी में जीते रहोगे और दुख उठाते रहोगे और अगर आपको मैं इस दुख से निकालू तो कैसे निकालू मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं और अगर मैं कुछ सोच भी पा रहा हूं तो मुझे मारना चाह रहे इमोशनल फिर अगले दिन मैं होश में मैं।, मैं इतना इमोशनल हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं इन लोगों को मारने पे तैयार था फिर ऑल ऑफ द सडन में मुझे होश आया आई वॉन्ट हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी मुझे लग रहा रहा था कि मैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक इंसान को मौत के घाट उतार रहा हूं। और अगर मैं परेशान हूं और कोई मेरे पास आकर के मुझसे बोलता है कि चलो तुम्हें मार देते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी सो हाउ इट वुड बी तो जब मैं होश में आया तो मैं ये सोच रहा था कि कोई मेरे पास ये सोल्यूशन लेकर के आए कि इसको मार देते हैं देन एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या बताया है पहला प्रॉब्लम्स जिससे कौन सफर कर रहा है रोड साइड स्टैंड वाले और फिर सिटी लोगों के बारे में बताया गया है जिनको कोई परवाह नहीं है किसकी रोड साइड स्टैंड वालों की तीसरा बताया गया है पावरफुल पीपल के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ झूठे होते हैं और वो खुद चैन की नींद सोते हैं इनकी नींदों को खराब करके झूठे वादे करके चौथा इन्होंने बताया है कि कितना गुस्सा आ रहा है मुझे है ना ही इज वेरी मच एंग्री बहुत गुस्से में है ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये लोग बहुत बुरे हैं और वो गुस्से में इसलिए क्योंकि जिस तरह के सवाल कर रहे हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस को पसंद नहीं आ रहे चौथा उन्होंने ये चीज बोली है कि मैं इमोशनल भी हो रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैं कैसे इन लोगों का पेन दूर कर दू तो इन के करने के लिए मेरे दिमाग में थॉट आता है कि इन लोग को एक बार में मार दो फिर जब मैं होश में आता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पास आएगा तो क्या होगा तो आपको रॉबर्ट फ्रॉस गुस्से में भी दिखाई दिए हैं कंप्लेन करते हुए भी दिखाई दिए हैं और इमोशनल भी दिखाई दिए हैं तो बहुत सारे जो इमोशंस uh, हैं वो आपको मिक्सड एंड मर्ज दिखाई देंगे इस पोम में ये बोम बहुत प्यारी है दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोम मैंने पॉइंटर्स लिख दिए हैं आप एक बार जरूर से जरूर इनको पढ़ लीजिएगा इसके अलावा हम यहाँ

पॉलिस्ड मतलब रिच सेल्फिश का मतलब मतलब ही तो आपको पता है ट्रैफिक कभी रिच नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है ऐसे ही मतलब ही कभी कार नहीं हो सकती क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है तो यानी कि ये जो रिच है रिच किसको बता रहा है पीपल को और मतलबी भी किसको बताया जा रहा है पीपल को सो so, आपका ये जो एडजेक्टिव है जिसे आप बोल रहे हो एपिथेट ये इस नाउन को क्वालिफाई ना करके किसी और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है सो so, इसी को ही आप ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं तो कभी भी आप लोगों को नॉन लिविंग के पहले कोई लिविंग का कैरेक्टर स्केच दिया गया हो या लिविंग की क्वालिटी दी गई हो और वो एडजेक्टिव का काम कर रही हो तो आप समझ जाना कि वो ट्रांसफर्ड है। दूसरा पोसोनिफिकेशन यहां पर यूज हुआ है रोड साइड स्टैंड दैट टू पथेटिकली प्लेट है ना तो आप ये बताओ प्लीड करना रिक्वेस्ट करना किसकी हॉबी होती है लिविंग की एक्टिविटी करे अब आप ट्रांसफर पर्सोनिफिकेशन में कंफ्यूज मत होना यहां पर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा और जो एक्टिविटी हो रही है वो की तरह नहीं दिखाई देगी वर्ड की तरह दिखाई देगी तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा मेटाफॉर भी यहां पर यूज हुआ है ट्रस्टिंग सोरो के नाम पर है ना ट्रस्टिंग सोरो आर दोज पीपल जो कि रोड साइड स्टैंड बनाते हैं दुखी है ना बेचारे भरोसा करते हैं so, ये सो ये पुअर पीपल को बोला गया ठीक है नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन और इलेक्ट्रेशन भी यूज हुआ है यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स में और बेनिफिस इन बीस्ट ऑफ फ्रेम में जिसका आंसर भी आप लोगों ने दिया था जी लेटर का रेपिटेशन हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड बी लेटर का रेपिटेशन हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड और आपका ग्रीडी लालची को बोलते हैं गुड डूअर एक पॉजिटिव वर्ड है सिमिलरली बेनिफिसेंट पॉजिटिव वर्ड है और बीस्ट ऑफ फ्रे आपका नेगेटिव वर्ड है सो so, ये दो ऑपोजिट वर्ड्स भी एक साथ यूज हुए हैं विद दिस डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन बाकी किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो इसी के साथ हम यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे बट जाते जाते आप लोगों को ये जरूर बताऊंगी कि अपने टाइम व सेट कर लेना क्योंकि मॉर्निंग में विल कार विस्टास ठीक है ना उसके बाद हम लोग कवर करेंगे राइटिंग सेक्शन और फिर उसके बाद हम लोग एक गेस्ट पेपर कर लेंगे कल ठीक है चलो एलर्जी एलर्जी क्या होता है एलर्जरी एले, एलर्जी नहीं होता बेटा एलेगरी होता है ठीक है एलेगरी आप एक सिंबल की तरह यूज करते हो जहां पर कोई भी स्टोरी कोई भी प्ले कोई भी पिक्चर कुछ भी एक कुछ भी यूज किया गया हो जहां पे हर एक जो कैरेक्टर होता है और जो इवेंट होता है वो एक सिंबल की तरह यूज किया जाता है ठीक है सो नाइस ग्रेट सो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर आल बी एंडिंग दिस सेशन एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन टूमोरो इट और हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में ठीक है सुबह नौ बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुबह नौ बजे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कंप्लीट विस्टास फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन दोपहर में होगा और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आऊँगी जिसमें हम लोग गेस्ट पेपर करने वाले ठीक है और हाँ अभी आपका जस्ट इस सेशन के बाद एक सेशन होने वाला है जिसमें आपको ऑल इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज मैं करवा रही हूँ सो उसको ज़रूर देख लेना ठीक है चलो, ठीक so, we'll हाँ, है। सर आपको कुछ दिखाने के लिए आए यहाँ पर जल्दी से दिखा दीजिए सर। कैसे हो भाई सारे लोग आई कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यार देखो मैम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है आपका फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स है से, सभी को सेशन को शेयर करो

तो देखो भाई भिस्ताज का आप सभी के लिए मैम लेके आ रही है तो इसका ध्यान रख लेना ठीक है सेकंड चीज आप सभी को यहाँ पे सीयूटी अड्डा पे ही शाम को सात बजे कल सेशन होने वाला है और उसके अलावा

कर देंगे तो सुबह मैम आप सभी से आ, मिलने okay. वाली हैं ओके okay. सर यहां पे इमरोज अब्बा से एक क्वेश्चन पूछना है मैम मेटा का मतलब क्या होता है मेटा का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है और तो... कैसा लगा भाई जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाना चाहिए देखो रेड हार्ट के साथ मैम के लिए क्योंकि भैया देखो मैम कितना मेहनत कर रही हैं आप सभी के लिए यार लगभग 5:30 बजे से अभी तक लगी हुई हैं मैम एप्रोक्सीमेटली 3 आवर 44 मिनट्स हो चुके हैं काफी टाइम हो गया हां 3 मिनट्स 3 मिनट्स और सॉरी 3 आवर्स 44 मिनट्स हो चुके हैं अभी सर ज्यादा हो गया सर हाँ मैम थ्री आवर्स फोर्टी फोर -पौर मिनट्स no. थ्री आवर फोर्टी फोर -पौर मिनट अच्छा थ्री आर फोर्टी फोर -पौर मिनट ठीक <laughs> है हाँ जल्दी से बताइए कैसे सारे लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे राइट तो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे

थ्योरी लिखने जाओगे उसमें 100 परसेंट मार्क्स आप सभी के आ जाएंगे बिल्कुल ठीक है वो चीज है तो ये देखो आपके लिए सेशंस लग चुका है तो जाइए फटाफट से रिमाइंडर सेट कर लीजिए सुबह मिलते हैं है, मैम के साथ सुबह नौ बजे जिसमें मैम कराने वाली है विस्तार बुक का खात्मा ठीक है बेटा खात्मा सर आप कौन हो भाई मुझे नहीं जानते कोई बात नहीं चलो ठीक है थडे <laughs> so, we'll और, और पक्का पार्टी मिलेगी आप लोग को आप लोग अच्छा अच्छा स्कोर करो इंग्लिश लिटरेचर में भी अच्छा स्कोर करके आओ और फिर हम लोग मिलेंगे सीयूडी की जर्नी में उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर करके आओ और वहां पर हम लोग फोड़ देंगे भा भा तो और कमेंट के अंदर लिख के कैसा लगा बिल्कुल